सब कीर्तन है मेरी गुरु पाद पर विश्वास श्री रेड्डी स्वामी कलिया के आचार्य अष्टोत्तर शत शिशु भक्ति नाम की गुरु गोसाई महाराज के चरणों में शास्त्रों के प्रति प्रणाम करता हूँ एवं मेरे शिक्षा गुरु पाद पर विश्वास पर विश्वास गुरु के चरणों में शास्त्रों के प्रति प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित सभी अष्टोत्तर और वैष्णव के चरणों में कल्पित हूँ गुरुदेव का आदेश वह है। अभी हम पिछले कुछ दिनों से भागवत की महिमा सुन रहे हैं। कृष्ण का जन्म भी हो गया है, राधा रानी का जन्म भी हो गया, गोवर्धन लीला भी हो गई। अभी इसी बीच में भगवान की माखन चोरी लीला है और यमलाल जो उद्धार है, तो उसी में से जो यमलाल जी उद्धार हुआ है उसी के विषय में हम कुछ श्रवण करेंगे। हम संसार में देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा अमीर लोग होते हैं उनके बच्चे जो हैं वो सुधरे हुए नहीं होते, बिगड़े हुए होते हैं, हर प्रकार से बिगड़े हुए होते हैं। क्यों होते हैं बता सकते हैं? उनके पास धन संपत्ति है और धन संपत्ति से वो हर प्रकार का भोग कर सकते हैं। कर सकते क्या नहीं? जिसके पास पैसा है वो क्या नहीं कर सकता है बताइए? संसार में वो सब कुछ कर सकता है। जैसे कि हमने दो करोड़ धुंधकारी की कथा सुनी थी, उसने क्या किया? एक राधे घर में चोरी की तो धन हो गया घंटा और घर में अपने व्यवसाय किया और फिर उन्होंने वो ना पकड़ा जाए और फिर हम फंस जाएंगे, इसलिए उन्होंने उसको मार दिया, ये उसका परिणाम हुआ। ऐसे ही जो स्वर्ग के धन के मालिक हैं वो है कुबेर। कौन है? उनके पास सारी धन संपत्ति है और उन्हीं के दो पुत्र हैं नल कुबेर और मणिदेवी। संसार में अगर किसी का उच्च कुल में जन्म हो जाए तो उसको एक अभिमान हो जाता है अपने उच्च कुल का कि मैंने कुछ कुल में जन्म लिया है इसलिए मैं बड़ा हूं, होता क्या नहीं? स्वाभाविक सी बात हो ही जाता है। अगर कोई नीच जाति का व्यक्ति हो अगर उसको स्टेज पर बैठा दो तो वो क्या सोचेगा? जो नीचे बैठे हुए हैं मैं उनसे बड़ा हो गया। लेकिन है कैसा? नीच जाति का, लेकिन उसके अंदर स्टेज पर बैठने के बाद अभिमान आ गया। ऐसे ही जो उच्च कुल में जन्म लेते हैं उनके अंदर भी अभिमान आ जाता है कि हमने उच्च कुल में जन्म लिया है। और धन संपत्ति जिसके घर में हो उसके तो कह नहीं गया है, सोने पर सुहागा जैसा हो जाता है ना? ऐसे ही ये इनके पुत्र नल कुंवर और मणिदेवी, इनके पास उच्च कुल में जन्म है, परम सुंदर है, ऐश्वर्य भी है और संपत्ति भी है, सब कुछ है। एक समय क्या हुआ, ये दोनों कुछ कन्याओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। कुंती महारानी कह रही है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी ए नमान वाला कुमार नेवार हत्या इंदातु वही गांव अतिचन गोचर, कि जिसके पास जिसका जो है उच्च कुल में जन्म हो और ऐश्वर्य मतलब धन संपत्ति हो, श्री सौंदर्य हो और क्या हो श्रुत विद्या, जिसके पास अधिक विद्या हो अधिक ज्ञान हो उसको भी अभिमान हो जाता है। ऐसे ही इनको जो है अपने पिताजी जो कुबेर हैं उनकी धन उनके पास अपार धन संपत्ति है, उनको भी जो है इस बात का अभिमान है कि हमारे पिता के पास अपार धन संपत्ति है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही ये कन्या के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे नगर अवस्था में, उसी समय भक्त श्रोमणी नारद जी, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं नारद जी, क्या करते हैं नारद जी बताइए? बताओ, अब इतने दिन से कथा सुन रहे हो, नारद जी के बारे में कुछ सुना नहीं आपने? वो हर समय भगवान का नाम गुणगान करते रहते हैं, करते क्या नहीं?
हर समय वीणा लेकर के और अपनी वो लेकर के नारायण 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 हर समय भगवान के नाम का गुणगान करते रहते। ऐसे ही वो भगवान के नाम का गुणगान करते हुए उधर से गुजर रहे थे। उनको देख करके जो कन्याएं थी उनको तो लज्जा आ गई, वो तो जल से निकल के उन्होंने अपने वस्त्र धारण कर लिए। परंतु ये दोनों किसमें किस मद में चूर थे? धन के मद में। कि धन का जो मद होता है वो ऐसा होता है कि हर व्यक्ति को न बना देता है। आपने क्या अंबानी का नाम सुना होगा, सुना है? उसके पास कितनी संपत्ति है बताइए, सबसे अमीर व्यक्ति है दुनिया का वो है क्या नहीं? लेकिन रावण के पास क्या नहीं था बताओ? रावण के पास सोने की लंका थी। अंबानी के पास है, उसके पास कितना सोना होगा? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, कितना होगा? तो उसी पता होगा, मुझे पता है। ठीक है, उसके पास सोने की लंका थी और उसको जो है हर प्रकार का विमान, एक तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, धन संपत्ति सुंदर भी था और विद्या में बिल्कुल विद्या में बहुत अधिक निपुण था, बहुत ज्यादा। उसका अंत क्या हुआ आपने तो रामायण देखी होगी, क्या अंत हुआ उसका बताइए? भगवान के हाथों मारा गया। अब ये दोनों जो पुत्र थे ऐसे ही जो इनके पास धन का मद था, धन का मद होने के कारण ये सब भूल गए कि उस मार्ग से कोई संत भी जा रहे हैं। वो अपने नहाने में ही मस्त हैं, क्रीड़ा में ही मस्त हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं किसी से। अब नारद जी कौन है? संत जो होते हैं वो बोलते उनके बारे में बताते हैं कि संत हृदय नवनीत समान। लेकिन नवनीत जो होता है वो ऐसे नहीं बिगड़ता है, उसको भी अगर थोड़ी आंच दिखाओगे तब निकलेगा वो, उससे ही कोमल हृदय होता है संतों का। नवनीत को मतलब माखन को आंच दिखाने पर वो पिघलता है, परंतु संतों का हृदय इतना कोमल होता है कि उसको आंच दिखाने की उसको कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं, वो वैसे ही पिघल जाता है। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में है और कोई भक्त है, अगर उसका कोई न्यूज आए न्यूज़पेपर में इस तरीके से उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई तो उसे सुनकर ही भक्तों का हृदय जो है दुखी हो जाता है कि नहीं? लेकिन वो कहाँ है? अमेरिका में। और मक्खन को थोड़ा पास में रखो आज के तब पिघलता है, अगर मक्खन को दूर रखो 10 किलोमीटर दूर तो पिघलेगा नहीं? पिघलेगा। लेकिन वो भक्त कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका में होते हुए भी उसका कथा सुन करके उसकी न्यूज सुन करके संत का हृदय पिघल जाता है। वैसे ही नारद जी कौन है? भक्त शिरोमणि थे, वो सबके हृदय को जानते हैं किसके हृदय में क्या चल रहा है। उन्हें धन के मद का, धन के मद में चूर होने पर उन्हें देखकर उनके हृदय में भी दया आ गई। ये दोनों धन के मद में चूर हैं, अगर इनका इस कष्ट का निवारण नहीं किया गया तो और अधिक उत्पात करेंगे। अगर अगर किसी को बीमारी हो जाए, अगर उसको ट्रीटमेंट ना दिया जाए क्या होगा उसका? क्या होगा बताओ? उसकी हालत खराब हो जाएगी। ऐसे ही जो व्यक्ति धन के मद में चूर है उसके लिए भक्त श्रोमणी नारद जी भी उसके उनके उद्धार के लिए कुछ उपाय सोच रहे हैं कि अगर मैं इनका कुछ उपाय ना करूं तो ये उत्पात ही करेंगे। जैसे कि अभी हम बता रहे थे अंबानी जैसे अंबानी हैं, उनके जो पुत्र हैं पुत्री हैं सब लोग हैं, वो सब कैसे देखना आप न्यूज में सुन लेना या जो आस पास में देख लेना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है उनके पुत्र और पुत्रियां कोई भी ठीक नहीं मिलेगा आपको।
देख लेना आज पड़ोस में जो अमीर लोग होंगे वो ऐसे ही मिलेंगे। अभी कुछ समय पहले की बात है, हरे कृष्ण कथा बोलो जल्दी दो मिनट। नारद जी कह रहे हैं लेकिन दोनों का उद्धार नहीं किया गया तो दोनों उत्पाद करेंगे। उन्होंने जो है उनको श्राप दे दिया कि तुम दोनों जो है धन के बल में इतने चूर हो गए, तुम्हें ये भी नहीं पता कि भक्त कोई काम जब जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तुम्हें उनका आदर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम दोनों जो है ऐसे हो वृक्ष के भांति, तुम्हें कोई असर नहीं पड़ता है। वृक्ष को असर पड़ता है ठंडी गर्मी बरसा सर्दी, उनके पत्थर ही मारता उनको कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसे ही वो दोनों उन्हें नारद जी को देखकर कोई असर ही नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने क्या किया उनको श्राप दे दिया कि तुम दोनों जो है वृक्ष बन जाओ। और जब उन्होंने इतना सुना तो वो डर गए, अगर इन्होंने जो श्राप दिया है वो निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए वो उनके चरणों में जाकर क्षमा प्रार्थना करने लगे। बोले कि हमारे इससे हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करें, हमें जो है धन का मद हो गया था, हम क्षमा चाहते हैं, आप हमें क्षमा कीजिए और हमें इससे बचने का वो उपाय बताइए। तो उन्होंने बताया कि द्वापर में कृष्ण आएंगे, जब वो लीला करेंगे तो वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। उसके बाद ये सत्युग की कथा है, सत्युग में सत्युग रीता रेता आया, रेता के बाद फिर द्वापर आया और भगवान ने ब्रज में जन्म लिया। जब माखन चोरी लीला हुई उस समय मैया यशोदा ने उनको किससे मान दिया, पूगल से मान दिया, और भगवान को स्मरण था, भगवान जो है अपने भक्त की बात को पूरा करने के लिए अपना वचन भी तोड़ देते हैं। जैसे कि हमने गीता में सुना है भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि अगर मैंने कृष्ण से अस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा। भगवान को ऐसा करना पड़ा, भीष्म कौन है, भगवान के भक्त हैं, उन्होंने अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, उन्होंने जो है अस्त्र उठा लिया। ऐसे ही हमने भक्त प्रहलाद की चरित्र भी सुना होगा, उनके पिताजी ने पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, उन्होंने क्या बताया भक्त प्रहलाद जी ने कि मेरे भगवान सब जगह हैं। उन्होंने पूछा कहाँ, दीवार में खंभे में, उन्होंने कहाँ कहाँ इस खंभे में है, तो भगवान उसी खंभे से प्रकट हो गए। वहां पर भी उन्होंने भक्त की बात को अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा किया। ऐसे ही नारद जी ने उनको श्राप दिया था, उस उनको जो है स्मरण हुआ कि मेरे भक्त ने जो है कोई प्रतिज्ञा की है, इसके लिए मुझे उसको पूरा करना होगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, उनके सखा थे उनको खोलने का प्रयत्न कर रहे थे लेकिन कृष्ण नहीं खुले, क्योंकि मैया का बंधन कैसा है, प्रेम का बंधन है। मैया ने उनको कैसे बांधा, प्रेम रूपी रज्जू से बांधा, और प्रेम का बंधन ऐसा होता है किसी में ताकत नहीं जो उसे खोल दे। कोई खोल सकता है प्रेम के बंधन को, जैसे एक बार किसी से प्रेम हो जाए वो फिर टूट नहीं सकता, और जो टूट जाए वो प्रेम कहलाता ही नहीं। ऐसे ही भगवान ने क्या किया, उन दोनों वृक्षों के मध्य में गए और भूगल को उसमें फंसा दिया और उन्होंने उसको खींचा, तो खींचने से क्या हुआ, वो दोनों वृक्ष गिर गए और गिर करके उनमें से दो बड़े सुंदर पुरुष प्रकट हुए। वो कौन थे जिनको श्राप दिया था नारद जी ने, नलकुंवर और मणिगिरी। वो दोनों वहां से प्रकट हुए और उन्होंने भगवान की स्तुति की, और भगवान की स्तुति करके वो अपने वापस चले गए अपने लोगों को। भगवान ने उन पर ऐसी कृपा की कि उनको जो है उन पर जो है ऐसी कृपा की भगवान ने कि एक का नाम जो है मधुकंठ रखा और एक का नाम स्निग्धकंठ, जो भगवान की लीला को श्रवण कराते हैं ब्रजवासियों को। तो ये जो है नारद जी की ऐसी उन पर कृपा हुई और भगवान की कृपा के कारण उनको जो है उद्धार हुआ। इस प्रकार ये नलकुंवर और मणिगिरी की लीला है। कृष्ण जी हम मखाने चोरी कर रहे थे,
मैया ने कन्हैया को उखल में बांध दी थी। जब कृष्ण को उखल में बांध दी, पहले तो कोशिश की बांधने के लिए, लेकिन कृष्ण को जितने बार उखल में बांधने की कोशिश कर रही थी उसमें हर बार दो उंगली कम पड़ रहा था। मैया बोले और एक रस्सी ले आओ, फिर उसमें गांठ लगा, फिर वही दो अंगुल। कहते ब्रज का जितने रस्सी समाप्त हो गया लेकिन किसी तरह से ये दो अंगुल पूरी नहीं पड़ रहा था। मैया सबर से टीकाकार लोग कहते हैं मैया जब जब कोशिश कर रहे थे उसमें दो उंगुली कम पड़ रहा था। कितना अंगुल कम पड़ रहा था? ध्यान किधर, मेरे दर में देखो सबके सब। यहाँ पर माताएं क्या करती हैं, एक माताएं आ जाए ना कोई बढ़िया साड़ी पहन कर सब उधर देखने कथा सुनना भूल जाती है, लगता है जिंदगी में कोई साड़ी नहीं देखी। सब मेरे तरफ में देखो, इधर उधर मत देखा करो। इसलिए हर बार उनकी दो उंगुली कम पड़ रहा था। तो यहाँ पर कहते हैं ये दो उंगुल क्यों कम पड़ रहा था, उसमें चार क्यों नहीं, पांच क्यों नहीं, छह क्यों नहीं? कारण क्या, इसको सिखा दिया कि तो भगवान अनंत है, असीम है, भगवान को सभी नहीं बांध सकते हैं। जिसका बाहर नहीं उसको भीतर नहीं कैसे उसको बांध सकती है? फिर उन्हें दो उंगुल क्यों कम पड़ रहा था? इसलिए कहते तो पहला नंबर है, जब कोई साधक भगवान को प्रेम में वशीभूत करने के लिए जब अपना जो दम लगा दे, अपना चेष्टा लगा दे, अगर ठाकुर जी को हम बांध नहीं पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। जब अपना जी जान लगा देती हैं फिर क्या होता है, फिर ठाकुर जी की इसको ऊपर में कृपा हो जाती है। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे कुछ हैं तो ठाकुर जी प्रेम में बंधेंगे कैसे? इसलिए उनको बांधने के लिए पहला जो अंगुल है अपना चेष्टा करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने घर से यहाँ तक आए, चेष्टा किया तभी तो आए ना, अगर चेष्टा नहीं करते थोड़ी आ सकते थे। इसलिए पहले हमारी चेष्टा की जरूरत है, जब चेष्टा करेंगे तब ठाकुर जी की हमारे ऊपर में कृपा होगी, बगैर चेष्टा से ठाकुर कभी हमारे ऊपर में कृपा करेंगे नहीं। इसलिए जब जब कोशिश कर रहे थे उसमें दो उंगुल कम पड़ गई। इतने में जब भगवान को उन्होंने बांध दिए, बांधने का बाद भगवान तो बंधन स्वीकार कर लिया मैया की। अभी ठाकुर जी सोच रहे हैं अभी भक्तों का वाक्य भी हमें रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अभी लोग सुन रहे थे ये नाल कुबेर और मुनिगिरी, ये स्वर्ग के जो कुबेर का दो पुत्र है, ये नारद जी की अभिशाप से ये वृक्ष जन्म हुए थे। भगवान ने कहा था, नारद जी ने कहा था, जब ठाकुर जी द्वापर युग में आएंगे उनके चरण स्पर्श से तुमको उद्धार मिलेगा। क्योंकि भक्त ने बताया ठाकुर जी को भक्त वाणी को रक्षा करना पड़ेगा, इसलिए ठाकुर जी धीरे 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 चलते चलते सखाओं को बोले एक काम करो, पीछे से ये उखल को धक्का मारो। सखा लोग उखल को धक्का मार रहे थे, इतने में कृष्ण वो सत्य युग से जमज वृक्ष बन करते हैं। माता जी हरे कृष्णा, जो माता जी बच्चे किसकी तुम्हारी है ना, हरे कृष्णा, इसको आप बच्चे पीछे लेकर बैठ जाओ, जब पीछे लेकर बैठ जाओ। इसलिए इन्होंने जब उन्होंने कोशिश की थोड़ी सी, ये जमलार्जुन वृक्ष दोनों बने हुए थे, जब कृष्ण बीच से निकल करके गए अभी वो उखल थोड़ी सी टेढ़ी होकर के वहाँ अटक गया, और कृष्ण थोड़ी सी ताकत लगाए ना दोनों वृक्ष दोनों तरफ से धड़ाम इतने जोर से गिरे, क्योंकि वो सप्तयुग के वृक्ष थे, विशाल वृक्ष। और ये घटना द्वापर की अंतिम कथा है, इतने जोर से गिर जैसे वज्र कहीं गिरा, और गिरते ही दोनों वृक्ष से दोनों, ये दोनों नल कुबेर और मुनिगिरी दोनों निकले। ठाकुर जी को प्रणाम किया, बोले ठाकुर जी हमारे ऊपर नाम कृपा करो। बोले कि क्या कृपा करो, जैसे ये दोनों हाथ जैसे आपकी चरण की सेवा में लग जाए। शास्त्र कहता है हम यहाँ से यहाँ तक सोने की कंगन पहन रखे, लेकिन इन्हीं दोनों हाथों पर ठाकुर को सेवा नहीं करते, कहते ये दोनों हाथ नहीं, कहते सबव करो, ये मरा हुआ हाथ है। कहते ठाकुर जी ये सर जैसे संतों को दर्शन मात्र से ही ये सर उनके चरण में झुक जानी चाहिए। कहते अगर हमने बड़ी सुंदर पगड़ी बांध करके रखे,
लेकिन ये सर को ठाकुर जी के चरण में नहीं झुकाते, संतों के चरण में। भागवत कहता है बोले भार परम पट कीट दुष्टम अपि उत्तमांगनन अपनीत मुकुंद। अगर ये सर ठाकुर जी के चरण में नहीं झुकाते हैं, एक दिन इस संसार के समुद्र में ये दोनों ये सर तुम्हें डुबा देगा, डुबो देगा। भगवान दो प्यार दिए, बोले प्यार की सार्थकता कर दू। जब भगवान की मंदिर की परिक्रमा करा, जब तुलसी की रोज परिक्रमा करनी चाहिए, रोज तुलसी को परिक्रमा करनी चाहिए। लेकिन सारा दुनिया हम घूमते रहते हैं, लेकिन भगवान की मंदिर की, गिरिराज गोवर्धन की, वृंदावन की, तुलसी की परिक्रमा नहीं करा। तब श्री सुत गोस्वामी कहते हैं क्या, बोले ध्रुव जन्म भाजव, कहते जो पेड़ है ना, ये पेड़ क्यों हुए हैं? भागवत कहता है इनको तो भगवान इंसान का जीवन दिया, लेकिन सारी यार दोस्तों घर में घूमते रहे, लेकिन भगवान की मंदिर में गिरिराज की परिक्रमा नहीं लगाई, ठाकुर की मंदिर की परिक्रमा नहीं लगाई। भगवान बोले तेरे को और ये प्यार नहीं दूंगा, पेड़ जन्म दे दूंगा, एक जगह पे खड़े रहना। ये भागवत कहता है अगर ये जीवन में तुलसी परिक्रमा नहीं करोगे, अगले जीवन में ठाकुर जी पेड़ जीवन दे देंगे, बोले एक जगह पे खड़े रहो, तुमको कोई जरूरत नहीं इधर उधर जाने का। इसलिए यहाँ पर श्री मुनि नल कुबेर मुनि ग्रीव बोले ठाकुर जी जब तुम्हारी संतों को दर्शन करे, ये सर जैसे अपने आप उनके चरण में झुक जाए। हैं बोले ठाकुर जी हमारे ऊपर में कृपा कर ठाकुर जी। तब तो उन्होंने ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए दक्षिण दिशा में चले गए। जब चले गए दोनों वृक्ष जब गिरे, बड़े भयंकर आवाज आवाज होते ही नंद बाबा उम्र कितना, अभी 3 साल के कृष्ण के वर, और उसको बीच में फंसे हुए और दोनों वृक्ष दोनों तरफ में गिरे पड़े हुए। अगर थोड़ी सी इधर उधर हो जाता है ना, बस कृष्ण का राम नाम सत्य हो जाता है। इसलिए नंद बाबा जल्दी जल्दी आए, आकर के उनको जो मैया ने बांध कर रखी थी ना, झट झट खोल दिए। लेकिन इस सखाओं ने तो कोशिश की, नहीं खोल नहीं पाए। क्यों नहीं खोल पाए? वो प्रेम की बंधन था, वो साधारण बंधन नहीं थी, इसलिए उन्होंने खोल नहीं पाई। लेकिन कहते यहाँ बात्सल्य रस, सखा लोग सख्य रस है, इसलिए खोल नहीं पाए। कौन खोल सकते हैं? उनसे ऊपर कोई अगर भक्त हो, अगर गोपियाँ हो, नंद बाबा हो, तभी खोल सकते हैं। तब उन्होंने फटाफट खोल दिया। खोल करके ना पॉकेट में एक लड्डू था, लड्डू को निकाल कर कृष्ण को दे दिया। देखे ना बच्चों का एक स्वभाव, क्या स्वभाव है, अगर मैया अगर डांट लगाए खूब जोर से, अगर थोड़ा पिताजी थोड़ा प्यार करना शुरू कर देना, बच्चे रोने लग जाते हैं। ये बच्चों का स्वभाव है, हैं? इतने में अभी तक कृष्ण रोने को बंद करके रखा था, मैया ने बांध दिया था। लेकिन जब नंद बाबा आकर के लड्डू दे दिया, खोल दिए, गोद में ले लिया ना, कृष्ण तो फूल फूल कर कृष्ण रोने लग गए। इतने में नंद बाबा बोले लाला तेरे को बांधा किसने? बोले मैया। बोले खोला किसने? बोले बाबा। बोले किसको पास में रहोगे? तू तो खूब मैया 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 करते रहते हो, अब बताओ किसको पास में रहोगे? बोले बाबा के पास में रहूंगा, मैया मेरे को मारती, मैया के पास में मैं नहीं जाऊंगा। इतने में मैया जसोदा आ गई। जब जसोदा आ गई, नंद बाबा तो जसोदा को इतने डांट लगाई, अरे एक दो मटकी तो फोड़ा होगा, और तो कोई बात नहीं है, कितने कष्ट से कितने व्रत करके एक लाला हमको मिला है और तुमने उखल में बांध दिया। नारायण की कृपा से ये दोनों वृक्ष दोनों तरफ से गिरे, अगर थोड़ी सी इधर उधर हो जाता लाला का राम नाम सत्य हो जाता। लगता है तेरे को मटकी मक्खन में ज्यादा स्नेह, लेकिन कन्हैया से ज्यादा स्नेह नहीं, प्रेम नहीं। मैं तो ये दोनों बच्चों को लेकर तीर्थ जा रहा हूँ, तू मटकी और दूध दही लेकर आ गया। मैया को तो नंद बाबा बड़ी डांट लगाई, इतने जोर से डांट लगाए ना, मैया तो डर गई। बोले हे भगवान, मेरे हाथ में ये कूड़ भी कुष्ठ व्याधि क्यों नहीं हो गया? आज मैंने लाला को कैसे मैंने बांध दिया? मैया तो बड़ी दुखी होकर के रो रही है, इस सबर से घटना चल रही है। अभी तक आज ब्रज में कोई भी रसोई नहीं बनाई, सभी आज घर में भूखे, सबके सब, किसकी घर में आज रसोई नहीं बनी? मैया घर की कोने में बैठ करके रो रही है। नंद बाबा दोनों कृष्ण बलराम को लेकर ब्रह्मांड घाट गए। गैया का जो दूध दोहन करना, वो दूध देखना गर्मी गर्मी रहता है, उसमें उन्होंने मिश्री मिला दिए। मिश्री मिला करके दोनों बच्चों को उन्होंने मिश्री मिला करके दूध पिला दिया। शाम को नंद बाबा एक कोने में मैया बैठ कर रो रही है,
और एक कोने में नंदा बाबा कृष्ण बलराम को गोद में लेकर बैठे हुए। आज सारा दिन मैया ने रसोई नहीं बनाई। अब मैया रानी ना, राज्य की रानी, गांव के रानी, जब मैया ही रसोई नहीं बनाए, आज किसी के घर में चूल्हा जले, इसलिए आज कोई ब्रज में भोजन नहीं किया। क्यों? मैया भोजन नहीं की, बाबा नहीं की, कृष्ण बलराम भोजन नहीं किए। आज ब्रज में सबके सब भूखे हैं। जब ब्रज में भूखे हैं, इतने में दोनों में लड़ाई हो गई। अब ये लड़ाई खत्म कैसे होगा? अगर बीच में कोई व्यक्ति हो ना, तब ये खत्म हो सकती है। बोले बीच में कौन है, बीच में कौन है? कहते रोहिणी, बलदेव प्रभु का माँ, ये रोहिणी बीच में है। इसलिए यही रोहिणी ही ये झगड़ा को शांत कर सकती है। देखो अच्छे तरह समझो, पहले जो संसार होता था ना, सब भाई, दो दो भाई, तीन तीन, चार चार, पांच पांच भाई, छह छह भाई, देखना सब इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे रहते थे पहले। लेकिन अभी कोई इकट्ठा नहीं रहते, कोई इकट्ठे नहीं रहते, एक भाई सबके सब अलग हो जाते हैं। लेकिन तो अगर इकट्ठे रहने में क्या लाभ है और अलग होने से क्या लाभ, ये चीज को समझो। जब इकट्ठे रहते थे, जैसे मानो जैसे पति पत्नी में थोड़ी इधर उधर हो जाती, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाती, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा हो जाती ना, दूसरे आकर के, दूसरे दो रानी दूसरे आकर के ना क्या करते हैं, भाई लड़ाई झगड़ा हो गया, बीच में समझा देते हैं, है ना, बीच में आकर समझा देते हैं, किसी तरह फिर लड़ाई झगड़ा शांत हो जाती है। लेकिन जो जब दोनों पति पत्नी अलग जाकर रहने लग जाती है, लड़ाई होगा तो कौन आकर समझाएगा? ये डाइवोर्स की, डाइवोर्स की सिचुएशन आ जाती है, फिर लास्ट में डाइवोर्स हो जाती है। इसलिए पहले डाइवोर्स नहीं हुआ करते थे। क्यों? एक के झगड़ा हुआ तो दूसरे आकर उसको मना लिया करते थे। इसलिए बीच में रोहिणी है, रोहिणी ने देखा इनकी झगड़ा शांत कैसे होगी। अगर कृष्ण बलराम इस तरह से पिताजी की गोद से ला करके माँ की गोद में छोड़ देना, लड़ाई खत्म हो जाएगी। इतने में रोहिणी आकर के बोले दारू बड़े बड़े ब्रह्मजा कन्हैया को तुम बाबा की गोद से लेकर के माँ की गोद में छोड़ दे, लड़ाई खत्म हो जाएगा। इतने में बलदेव प्रभु गए, बोले कन्हैया कन्हैया चल माँ के पास में चल। जब उन्होंने कृष्ण का हाथ को पकड़े ना, लेकिन कृष्ण तो बड़े क्रोध में थे, उन्होंने ऐसे झटका मारे, ये झटका मारते ही तो ताऊ भैया धड़ाम कर गिर गए। इतने में रोहिणी आ गई, रोहिणी आकर के बोले लाला तुम मैया के पास में नहीं जाओगे? बोले नहीं, मैया मेरे को मारती हैं, बाबा मेरे को बड़ा प्यार करते हैं, हैं बाबा मेरे को बड़े प्यार करते हैं, मैं तब बाबा के पास में रहा करूँगा। बोले बाबा के पास में रहोगे तो ये बताओ दूध कहाँ से मिलेगा? दूध तो माँ के पास में मिलेगा, बाबा के पास में थोड़ी दूध मिलेगा, मैया तो दूध पिलाएगी ना, दूध कहाँ से पियोगे? बोले बाबा धारस में दूध में मिश्री मिला करके पिला देंगे। बोले खेलोगे किसको साथ में? बोले दाओ भैया को साथ में। बोले सोओगे किसके पास में? देखना बच्चों का स्वभाव होता है, जब तक मैया की गोद में नहीं सोते ना, बच्चों को नींद नहीं आती। बचपन में ये बच्चों का एक स्वभाव है, मैया के पास में सोएंगे तभी जाकर नींद आएगी। बोले बता किसकी गोद में सोओगे? बोले बाबा की गोद में सो जाऊंगो। बोले मैया के पास में नहीं जाओगे? बोले नहीं, मैया मेरे को मारती, बाबा मेरे को ज्यादा प्यार करते हैं, हैं बाबा प्यार करते हैं। बोले अगर मैया के पास में नहीं जाओगे, मैया अगर ऐसे हो गई तो, मतलब अगर मैया मर गई तो तेरे बगैर क्या होगा? जब कृष्ण ने सुना अगर मैं मैया के पास में नहीं जाऊंगा, मैया मर जाएगी ना, कान्हा को तो रहा नहीं गया, पिताजी की गोद से खड़े हो गए और मैया 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 करते करते सीधा जाकर के माँ की गोद में लेट गए। और मैया तो कान्हा को गोद में पा करके फूट फूट करके रोने लग गई। इसलिए वहाँ जितने ब्रजवासी थे ना, ये लीला देख करके सब के सब मुग्ध हो गए और सब के सब कृष्ण लीला में ही डूब गए। इसलिए हमारे सत्यव्रत मुनि कहते हैं बोले इतेंद्र के सलीला भी रानंद को ले शोभम समीमाजंतम प्रेम
ऐसे भगवान ब्रज में बड़े ठाकुर प्यारे प्यारे लीला कर रहे थे, लेकिन जब कृष्ण ने जमला अर्जुन को वृक्ष को उन्होंने थोड़े उधार किया, अभी सारे ब्रजवासी मीटिंग किए। बोले क्या मीटिंग? बोले लगता है जो जब गोकुल है ना, यहाँ रहने का लायक नहीं रहेगी। पहले आ गई पुतना, फिर आ गए त्रिणाकर्ता, फिर आ गया सकटासुर, ये एक को बाद में एक बिना कारण से हमारे लाला के ऊपर विपत्ति विपत्ति आने जा रही है। अभी तक तो दैत्य लोगों को मारने के लिए आते थे, अभी उल्टा होने लग गया। बोले क्या? यहाँ के पेड़ भी अपने आप गिर करके लाला के ऊपर गिरने लगे। लगता है ये पेड़ भी प्रतिकूल हो गए, लगता है ये गोकुल में हमें नहीं रहनी चाहिए, हमको यहाँ से और कोई जानी चाहिए। सारे बड़े बूढ़े बैठकर मीटिंग किया। बोले बताओ और कहाँ जाए? जो सबसे बड़े जो गो जिनका नाम था उपानंद, बोले देखो ये पास में वृंदावन धाम है जहाँ पर जमुना नदी कलकल नाद से बह रही है, जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन, सुंदर गिरिराज गोवर्धन, बच्चों को खेलने के लिए बड़ी सुंदर मैदान है, गैया को खाने के लिए बड़ी सुंदर घास है, और पानी पीने के लिए तो श्री जमुना मैया है। इतने सुंदर पानी यमुना में है, इतने अद्भुत पानी है, सब तरह से बढ़िया बढ़िया है, चलो हम श्री वृंदावन धाम चलते हैं। सब ब्रजवासी बोले भैया कल की आज ही चलो, जाओ पूरा वृंदावन में ढिंडरा पिटवा दो, जब आज हम सबके सब कहाँ चलेंगे? बोले श्री वृंदावन धाम चलेंगे। मैं चल रे वृंदावन, Jai 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 Jai
जब सफेद गैया चलती थी लगता जैसे गंगा नदी बह रही है।
जब काली गैया चलती थी लगता था जैसे जमुना महारानी जल रूप में बह रही है। देखना बच्चों को एक स्वभाव, क्या स्वभाव, कोई भी नई चीज देखना वो प्रश्न करते रहना, ये बच्चों का एक स्वभाव। कृष्णा भी 3 साल 4 महीना के अभी रास्ता में जो कुछ चीज देखे पूछते रहे, ये बैलगाड़ी में मैया जसोदा और रोहिणी कृष्ण बलराम ये चारों बैठे हुए। कृष्ण थोड़ी दूर गए, बोले मैया मैया ये कौन सा पेड़ है जिसमें बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, बोले लाला ये बरगद का पेड़ है। बोले भैया ये कौन सा पेड़ है जिसमें सारे पत्ते हिल रहे हैं, बोले लाला ये पीपल वृक्ष है। थोड़ी दूर गए, बोले मैया मैया देख इतने सुंदर कुहू आवाज आ रही, मैया ये कौन सा चिड़िया है, बोले लाला ये कोयल है। बोले मैया 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 देख कितने सुंदर जानवर है, कितने सुंदर शरीर में चित्रकारी, बोले मैया ये कौन सा जानवर, बोले ये हिरण। बोले मैया एक का सींग नहीं ये क्या है, बोले जिसका सींग ये पुरुष है और जिसका सींग नहीं ये स्त्री। बोले मैया एक दूसरों को क्या लगते हैं, बोले जो बिना सींग वाली वो सींग वाला का इसकी बहू लगती है। और थोड़ी दूर गए, बोले मैया मैया देख कितने सुंदर चिड़िया जिसकी शरीर में बड़े सुंदर चित्रकारी है, बोले मैया ये इसका नाम क्या है चित्रकारी ये चिड़िया, बोले इसका नाम है मोर। बोले भैया एक का तो पूछ और एक का पूछ नहीं, भैया ये क्या है, बोले लाला जिसका पूछ है ना ये पुरुष है और जिसका पूछ नहीं ये स्त्री। बोले भैया एक दूसरों को क्या लगती है, बोले जो बिना पूछ वाली है ना कहती है पूछ वाली की बहू लगती है। कृष्ण इसको सुन करके बोले भैया सबका बहू मेरी बहू का है, इसलिए भैया मेरे लिए भी एक बहू लेगा, बोले चिंता मत कर वृंदावन चल तेरे लिए भी एक बहू ला दूंगी। बोले मैया नहीं अभी बहू ला दे नहीं तो मैं यहाँ से चलूंगा नहीं। जितने जितने कृष्ण मचल गए ना जितने बुढ़िया थी सब घूंघट लगा कर बैठ गए, बोले चुन ले तेरी कौन सा बहू है। कृष्ण ने बोले ये मेरी बहू है, बोले यही तेरी बहू चल साथ में। कृष्ण खुश होकर के श्री वृंदावन में आए, आकर के सबसे पहले स्थान छठी करा, नाम सुने होंगे जो लोग दिल्ली से वृंदावन जाकर के जो जहाँ घूमते हो वही स्थान का नाम छठी करा है। बोले छठी करा नाम क्यों पड़ा, बोले वहीं पर उन्होंने छठी पूजन की थी और छठी मतलब होता है सकट मतलब बैलगाड़ी। जब उन्होंने आए ब्रजवासी, ये सब ब्रजवासी थे एक स्थान में नहीं रहते थे, ब्रज मतलब होता है ब्रज चलती ब्रज गतो, क्योंकि इनकी मूल धर्म थी गैया। एक जगह पर तब तक रहते थे जब तक वहाँ की घास खत्म नहीं हो जाए, घास खत्म हो जाए ना फिर वहाँ से अलग चले जाते थे, इसलिए पहले तो गोकुल में रहे, फिर आए कहाँ पर छठी ग्रह, फिर आए वृंदावन, फिर गए डीग, उसको बाद में फिर गए नंदगांव, ऐसे ही ब्रज में अलग अलग स्थान पर नंद बाबा रहा करते थे। जब वहीं पर आए एक दिन कृष्णा बलराम जो 4 साल के हो गए ना, अब बताओ 4 साल के बच्चे कितना छोटे छोटे होते हैं, लेकिन कृष्णा बलराम 4 साल के होने पर भी ना वो 6-7 साल के लगते थे। बोले क्यों, बोले मक्खन खाते थे ना, मक्खन दूध दही खा करके ये शरीर एकदम हृष्ट पुष्ट शरीर था, बड़ी सुंदर देखने में था। फिर ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, इसलिए एक दिन कृष्ण बलराम नंद बाबा के पास में गए। बोले नंद बाबा, बाबा बोले बाबा हम दोनों भैया भी बड़े हो गए हैं, हम चाहते हैं गैया चराना चाहते हैं। बोले नहीं तुमको गैया चराने का जरूरत नहीं, हमारे घर बहुत सारे नौकर चाकर हैं, घर में रहो खेल कूद करो। बोले नहीं पिताजी आप बड़े बूढ़े हो गए हो, आप घर में बैठ करके ठाकुर का सेवा पूजा करते रहो, हम बड़े हो गए हम दोनों भैया हम गैया चरा लेंगे। देखो अगर कोई बच्चा आकर के पिता माता को बोले, बोले आप घर में बैठ करके भजन करो, हम बच्चे बड़े हो गए हम ये काम धाम को संभाल लेते हैं, आप बताओ पिताजी का मन कैसे होगा, बोलो कैसे मन लगेगा, खुश हो जाएगा ना, देखो मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, हैं? कहते घर में बैठ करके तुम भजन साधन करो भगवान की भक्ति करो और हम गैया चरा लेंगे। नंद बाबा इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कृष्ण बलराम के ऊपर में। बोले देखो लाला अभी तुम्हें गैया चराने का जरूरत नहीं,
अभी ये छोटे छोटे बच्चों को ले जाओ और आस पास में खेल कूद करके वापस चले आना। बोले कौन सा दिन जाए, सांडिल्य ऋषि के पास में गए, क्योंकि पहले जो काम करते थे ना ज्योतिषियों को पूछ करके सारे काम किया जाता था, इसलिए हर काम बढ़िया होता था, वो जन्म नक्षत्र को देख करके बताया करते थे। बोले कार्तिक महीना में जो गोपाष्टमी है बहुत बढ़िया थी, अगर इसी दिन कोई भी काम किया जाए अच्छा होगा। तब कृष्ण बलराम को मैया जसोदा कहती है, बोले लाला अगर तुम बछड़े चराने जाओगे लेकिन तेरे बगैर मैं ये प्राण धारण कैसे करूँ। कृष्ण ने कहा क्यों मैया, जब हम सखा को साथ में खेलते हैं तभी तो तेरे साथ से तेरे से अलग होते थे ना। बोले लाला जब तुम दो लोग खेलते हैं ना देखना बच्चे लोग पीकर मारते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं ना, कहते मैं बैठी करके घर में तुम्हारी किलकारी को सुनकर खुश होता हूँ। लाला अभी पास में, बोले मैया कोई चिंता मत करो, भले ही नहीं इतने दूर क्यों नहीं चले जाऊँ, इतने जोर से वहीं से किलकारी मारते रहूँगा, तुम घर में बैठी बैठी करके मेरा आवाज़ को सुनोगे। इसलिए कभी अगर आप नंदगांव जाओगे वहाँ पर देखोगे एक स्थान का नाम तेर कदम, तेर मतलब होता है बुलाना। कृष्ण इतने जोर जोर से टेर लगाया करते थे, बोलते थे मैया घर में बैठी बैठी करके लाला की आवाज़ को सुनती रहती थी, मेरे लाला पास में, और अपना धीरज को मैया धारण करती थी। इसलिए कृष्ण बलराम दोनों घर घर में जाते हैं, मैया उस दिन बड़ी सुंदर दोनों मैया को स्नान करके बड़े सुंदर हीरे मुक्ते से दोनों बालों को बड़ी सुंदर श्रृंगार कर दी। और इतने में कृष्ण बलराम जब जा रहे थे, पहले ब्राह्मण को संतों को उन्होंने गोद धारण करते हुए जब दोनों जा रहे थे, मैया छोड़ना नहीं चाह रही थी, बार बार छोड़ देते फिर मेरे गोद में भर लेती थी। बोले लाला तेरे बगैर मैं प्राण कैसे धारण करूँगा, बहुत कष्ट से उन्होंने कृष्ण बलराम को छोड़े। एक दिन कृष्ण बलराम गो गैया चराते चराते उन्होंने एक बकासुर था, ये बकासुर ने बहुत बड़े बगुला रूप धारण किया हुआ था, इसको कंस ने भेजा था कृष्ण बलराम को मारने के लिए। जब ये कृष्ण पास में गए ना, इतने में बकासुर ने झट पकड़ा कृष्ण को और निगल गया। इतने में सखा लोगों ने बोले भैया हमारे कान्हा को बकासुर ने खा गयो रे, खायोरी खायोरी। इसलिए आप ब्रज में जाओगे ना देखोगे एक गांव का नाम खायोरी, खैरा नाम है, क्योंकि उन्होंने बकासुर को साथ में वहीं पर लीला की थी। जब कृष्ण को उन्होंने निगल गया, निगलते ही भगवान जा करके ना उसको गले में जैसे आग जैसे गले में हो गए, आग जैसे माला बैठ, इसलिए जब उनके गले में आग जैसे हो इतने में उल्टी कर दी। जब उन्होंने उल्टी कर दी फिर जब वो खाने के लिए आ रहा था, इतने में क्या किया कृष्ण गए और दोनों चोंच को पकड़ कर उन्हें चीर दिए। इसलिए जहाँ चीर दिए ना अभी भी वो स्थान का नाम है चिल्ली। इसलिए आप वृंदावन में जाओगे जितने गांव आप देखोगे ना ऐसे गांव नहीं देखोगे। कृष्ण ने जहाँ जैसे जैसे लीला की है ना वहाँ पर ठीक उसके अनुरूप वहाँ पर गांव का नाम भी उसकी ऐसे ही नाम पड़ा हुआ है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। कृष्ण ये बकासुर को क्यों वध किए, और ठाकुर ने जो जो राक्षस को वध किया वो ऐसे वध नहीं किया, उसमें कुछ ठाकुर जी सिखा देते हैं। ये जो बगुला होते हैं ना ये कपट है, आप लोग बगुला देखे हो, कौन कौन बगुला देखे, आप देख लेना ध्यान करके, पहले वैसे देखे होंगे, अभी मैं और एक गुण बताता हूँ देखना। देखना बगुला जब पानी में खड़ा रहता है एक प्यार में खड़ा रहता, एक प्यार में है, थोड़ा इधर उधर हिलेगा नहीं। बोले क्यों, बोले मछली को पता नहीं चले यहाँ पर कोई बगुला, जब बगुला उसको क्या पता चले मछली को कोई यहाँ पर नहीं हो, लेकिन जब पास में आ जाए झट पकड़ के खा जाए, मतलब क्या ये कपट है, ये कपट है। इसलिए भगवान शिक्षा देते हैं भगवान को भक्ति करने के लिए, भैया कपटता हृदय में नहीं होनी चाहिए, बाहर एक हम अपने आप को दिखा रहे हैं लेकिन अंदर में फिर हम और कोई चीज को सोचते हैं, इसको कहते कपट है। जैसे भगवान की बंसुरी आप देखे हो, बंसुरी आप देखना, बंसुरी में अंदर में ना पूरा पोला है। एक दिन किसी ने बोले बंसुरी कृष्ण तेरे को कहीं छोड़ते नहीं क्यों, बोले मेरे अंदर में दो गुण हैं,
इसलिए कृष्ण हमें कहीं नहीं छोड़ते। बोले पहला गुण क्या है, आप देखना बंसुरी के अंदर में पूरा पोला देखो, इसलिए कृष्ण जैसे चाहते है ना वो बंसुरी वैसे ही बजती, बंसुरी वैसे ही बजती है। कहते मेरे अंदर में दो गुण होने का नाते कृष्ण हमें कभी अलग नहीं करते। अगर हमारी अंदर में ये दो गुण आ जाए ना, कृष्ण कभी हमें छोड़ेंगे नहीं, हर समय हमें अपना पास में रखा करेंगे। इसलिए कृष्ण ने कपटता को उन्होंने दूर किया है। कहते कृष्ण एक दिन सखाओं के साथ में फिर गए थे, चराते चराते ये अघासुर आ गया, विशाल अजगर सर्प बन करके मुंह को फाड़ करके बैठा हुआ था, पता नहीं चले कोई सर्प है। इतने में कृष्ण की जो छोटे छोटे सखा लोग आगे चल रहे थे देख करके डर गए, भैया कोई सांप मुंह फाड़ करके बैठा हुआ है। लेकिन जो बड़े बड़े सबके थम थे ना सखा लोग बड़े बड़े, बोले पागल इतने बड़े कहीं सांप थोड़ी होता है। बोले फिर ये क्या है, बोले लगता है विधाता ने कोई एक विचित्र कोई गुफा बनाया, चलो हम सबके सब जाते हैं। बोले अगर राक्षस होगा तो बोले चिंता क्यों करते हो, कन्हैया हमारे साथ में ना, जैसे बकासुर को मार दिया अघासुर को भी मार डालेंगे। सखा लोग तो ऐसे बोलते बोलते सखा लोग अंदर में चलते जा रहे हैं। लेकिन आप लोग सांप को देखे होंगे, उसकी दो जीवा होता है और जीवा कितना गुदगुदी होती है। जब अंदर में चल रहे थे किसी सखा ने कहा भैया लगता है अंदर में बड़े सुंदर गुदगुदी कारपेट कोई बिछा कर रखा है, हैं? बोले हाँ बड़ी सुंदर कारपेट, लेकिन सांप का दो जीवा है। बोले भैया इसमें एक सखा कहा इसमें दो रोड जैसे बना हुआ, तीसरा कहता है तेरे को पता नहीं एक तो अंदर में जाने का और एक अंदर से आने का है, और उसका बहुत बड़े बड़े दांत। बोले इतने बड़े खंभे क्यों गाड़ करके रखे, बोले लगता है अंदर में कोई साधु संत भजन करते होंगे इसलिए अपना बिस्तरा को लटकाने के लिए खंभे गाड़ करके रखा। अब वो जो सांप था उस निश्वास को बंद करके रखा था, पता नहीं चले कोई सांप। इतने में धीरे धीरे उसने धीरे धीरे श्वास को छोड़ा, देखना श्वास गर्मी होता है। एक सखा ने कहा देखो ये हवा गर्मी गर्मी क्यों आ रहा है। चौथे ने कहा तेरे को पता नहीं लगता है संत लोग भजन कर रहे ना, जैसे प्राणायाम करते हैं, हैं? जैसे श्वास को बंद करके श्वास को छोड़ते हैं, श्वास तो गर्मी होता है, अंदर में लगता है हैं? अंदर में लगता है कोई साधु लोग भजन कर रहे हैं ना, वो श्वास प्रश्वास कर रहे प्राणायाम कर रहे हैं। बोले चलो अंदर में चलते संतों को दर्शन करके आएंगे हैं। ये बोलते बोलते सखा लोग तो अंदर में चलते जा रहे। कृष्ण सबसे पीछे थे, वो अघासुर देख रहा था, क्या देख रहा था, बोले कृष्ण आ जाए फिर मुंह में बंद कर दूंगा इनको, बस खत्म, कंस का काल खत्म हो जाएगा। कृष्ण दूर से देखा, कृष्ण तो भगवान को समझ गई, अघासुर बैठा हुआ। कृष्ण ने कहा सखाओं अंदर में मत जाया करो, ये अघासुर मुंह फाड़ कर बैठा हुआ। लेकिन सखा लोग तो मस्ती से खेलते कूदते जा रहे हैं। कृष्ण ने देखा मेरे को दो काम करना पड़ेगा, एक तो इसको मारना और दूसरा काम सखा को बचाना। लेकिन जब थोड़ी दूर अंदर में गए सारे सखा वहीं बेहोश हो गए। जब भगवान कृष्ण गए अंदर में जाकर के ठाकुर ने अपना विराट रूप को उन्हें प्रकाश कर दिया, विशाल भगवान का विराट रूप देखे होंगे आप लोग ने। उसको मुंह में ठाकुर जी भर गए, मुंह कब बंद करेंगे, खाली हो तभी तो बंद करेगा ना। कृष्ण तो पूरा के पूरा मुंह में बंद गए और उसको गले में जाकर अटक गए। जब कोई चीज गले में अटक जाए ना श्वास बंद हो जाती है, श्वास एक मिनट में राम नाम सत्य हो जाएगा। उसको श्वास ही बंद हो गया, श्वास नहीं ले पा रहा था। इतने में उसका ब्रह्म तल फट गई, फट करके एक ज्योति निकली वहां से और अघासुर वहीं पर उन्होंने प्राण त्याग कर दिया। जब प्राण त्याग कर दिया ना देवता लोग आकाश से सारी लीलाओं को देख रहे थे। जब कृष्ण भी अंदर में चले गए और हाय हाय करने लगे, हे भगवान ठाकुर भी अंदर में चले गए, अभी क्या होगा अभी क्या होगा। लेकिन जब ठाकुर जिसको बंद किया ना, जितने स्वर्ग से देवता लोग थे पारिजात पुष्पों की बौछार की और भगवान को जयकार लगाए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जब जयकार लगाए अभी क्या हुआ, ये स्वर्ग के देवता लोग हैं, अभी देवता लोग भगवान की जय जयकार कर रहे थे। यही जय जयकार भूर भुव मोह तप जन सत्य, सत्य लोग में पितामह ब्रह्मा जी रहते हैं। ब्रह्मा जी देखे भैया ये देवता लोग ये जय जयकार क्यों कर रहे हैं,
ब्रह्मा भी उतर करके देखने के लिए आए और कृष्ण का उम्र था 5 साल का, केवल 5 साल की, और इतने बड़े दैत्य को वध किया और उसका ब्रह्म तल फट करके एक ज्योति आकाश में बढ़ रहा था। कृष्ण जब बाहर निकले वो ज्योति कृष्ण को शरीर में ही मिल गया। ब्रह्मा बोले बच्चा कौन है ये ब्रह्मा ज्योति भी जिसका शरीर में लीन हो गया। अभी कृष्ण जाकर के जमुना किनारे में बैठ गए और बैठ कर कृष्ण बीच में बैठे हुए सारे सखा लोग ठहरे हुए हजार हजार एक राउंड दो राउंड करके बैठे हुए। लेकिन सखा लोग जो घर से लाए थे कोई पकौड़ा लाया कोई मालपुआ लाया कोई दही चावल दूध चावल कोई समोसा अलग 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 चीज लाए थे पहले खा करके कृष्ण को दे रहे थे। लेकिन आश्चर्य बात था क्या जानते हो जो पीछे भी बैठे हुए ना वो देख रहे कृष्ण मेरे तरफ में बैठे मुंह करके जो दूसरे लाइन में बैठे हुए हजार हजार सखा था सबको ऐसे लग रहा था कृष्ण मेरे साथ में बैठे कृष्ण मेरे साथ में बैठे होंगे और सबके सब कृष्ण को साथ में हंसी दिलाई करते थे। कोई जो लाए थे खा रहे थे खिला रहे थे जैसे दोस्त लोग बैठ कर आपस में खाते ही। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या देखा कृष्ण सबका झूठा खा रहे थे। कोई सखा मानत बड़े सुंदर समोसा लाए बोले कन्हैया मेरे लाला बड़ा सुंदर मालपुआ समोसा भेजा कृष्ण का तू का अगला खाएगा मेरे को नहीं देगा। जैसे दोस्त होता ना बचपन में छिनातानी करके खाते हैं कृष्ण सबसे छिनातानी करके खा रहे थे। ब्रह्मा तो देख करके चक्कर में पड़ गया बोले ये कैसे भगवान जिसको झूठन फूटन भी पता नहीं सबका झूठन खा रहे ये कोई भगवान हो सकता है। ब्रह्मा जी मोहित हो गए। इतने में ब्रह्मा जी देखा और थोड़ा आगे में लीला देखना चाहता हूँ क्या सचमुच से ये भगवान है। जैसे बछड़े चरा रहे थे इतने में ब्रह्मा जी सारे बछड़ों को चोरी करके ले गए। अभी भी ब्रज में एक गांव है जिसका नाम सई क्या गांव का नाम क्या बोलो ब्रह्मा जी से गुफा में इनको ले करके मोहन निद्रा में सुलाया था। अभी भी वो गुफा है कल जो बता रहे थे ना जो 84 ब्रज मंडल पर इस सब कुछ आपको दर्शन करने को मिलेगा। कृष्ण किसी पहाड़ के ऊपर में खड़े होकर के त्रिभंग ललित रूप में बंसरी बजा रहे वो पहाड़ पूरा पिघला हुआ कृष्ण का सुंदर चरण चिन्ह वहां पर है हैं बड़े सुंदर चरण चिन्ह है। इतने में जब उन्होंने लेकर उनको बंद कर दिया सखाओं ने बोले कन्हैया हमारे बछड़े कहाँ चले गए सबके सब खड़े होकर भागने लगे। कृष्ण बोले कोई चिंता मत कर तुम बैठो मैं देखता हूँ। जब कृष्ण ढूंढने के लिए गए फिर ब्रह्मा जी इनकी सखाओं को भी उठा करके ले गए लेकर के फिर गुफा में बंद कर दिए। कृष्ण देखा मेरे सखा फिर कहाँ गए फिर इनकी जोग माया स्मरण कराया बोले प्रभु ब्रह्मा जी आपको लीला को समझ नहीं पाए इसलिए लीला को दर्शन करने के लिए उन्होंने चोरी किया है। फिर कृष्ण ने क्या किया अपना शरीर से जैसे सखा थे जैसे बछड़े थे जैसे इनकी बोली जैसे चाल जैसे रंग जैसे ढंग कृष्ण खुद स्वयं अपना शरीर से प्रकाश किया और कृष्ण खुद अपना साथ में ठाकुर जी लीला कर रहे। लेकिन देखो इधर क्या हुआ ब्रह्मा जी ये काम करके जब ब्रह्मलोक में पहुंचे ना वो ब्रह्मा ब्रह्मलोक में पहुंचने से पहले कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन गए और ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां के जो दरबार थे ना बोले देखो दरबार सावधान मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहुरूपिया भी घूमते हुए अगर मेरे जैसे कोई आएगा तो घुसने मत देना मैं अंदर में जा रहा हूँ। कृष्ण स्वयं जाकर बैठ गया। जब असली ब्रह्मा गए उसका जो दरबार थे बोले प्रभु तो सही बता रहे थे हमारा प्रभु तो अंदर में ये तो कोई बहुरूपिया है। अरे उनका जो नौकर था ना डंड लेकर के ब्रह्मा को मारने दौड़े बोले तू कहाँ से आ गया। ब्रह्मा बोले ये क्या हो रहा है मेरे नौकर मेरे को मारने दौड़ रहे हैं ब्रह्मा कौन बन गया ब्रह्मा मेरे आसन को कौन दखल कर लिया। ब्रह्मा तो डरे हुए थे क्यों उनको पता मैं कुछ गड़बड़ी करके गया। ब्रह्मा ध्यान लगा करके देखा ना कृष्ण ही स्वयं ब्रह्मा बन के बैठ गए। ब्रह्मा गए और वहां से आए गए और आए कहते ऊपर जो स्वर्ग लोग में जो समय उसको ऊपर में उसका समय भारत का समय में अलग है। जैसे हमारी 1 साल कितना दिन में हमारी होता है 1 साल कितना दिन 365 दिन में हमारी 1 साल देवता का 1 दिन है। देवता का 1 दिन समान हमारी यहाँ पर 365 दिन लेकिन उसको ऊपर लोग में ठीक ऐसे 100 गुना ऐसे 365 गुना। इसलिए ब्रह्मा गए और आए आते आते यहाँ पर हो गया 1 साल
लेकिन एक साल बाद में जब ब्रह्मा जी आए गए और आए यहाँ एक साल हो गया, लेकिन आ करके देखा ना कृष्ण जैसे एक साल पहले सखाओं को साथ में बछड़ों को साथ में लीला कर रहे हैं, अभी भी कृष्ण वैसे ही लीला कर रहे थे। ब्रह्मा तो फिर चकराए, बोले लगता है कृष्ण वो गुफा से वापस ले आए जिनको सुला कर वहां पर गए। बोले नहीं वो तो वैसे ही ले गए। ब्रह्मा जी ने सोचा जब मैं वहां जाता हूँ ना वो वहां यहाँ जाते हैं, जब यहाँ जाता हूँ वो वहां चले जाते हैं। ब्रह्मा जी की चार सर है, इधर दो और इधर दो, एक साथ में जब देखा कृष्ण बोले देखो ब्रह्मा में कौन है। उन्होंने देखा जितने बछड़े जितने सखा सबके सब चतुर्भुज नारायण, सबके सब चतुर्भुज नारायण 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 चारी तरफ में नारायण। ब्रह्मा समझ गए ये मेरे बाप का भी बाप है, क्योंकि एक नारायण का नाभि कमल से मेरा सृष्टि है, लेकिन यह अनंत नारायण है। मतलब कृष्ण कौन है? देखो ब्रह्मा जी ये जगत को सृष्टि करने वाले ब्रह्मा को कहते हैं। बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। कहते ये जो भगवान कृष्ण है, देखो एक अच्छी तरह से एक चीज को समझ लो, आपको बहुत बड़ी चीज समझ ली ब्रह्मा की बात को कह रहे हैं। बोले ये कृष्ण कौन है? बोले अनादि आदि गोविंद, मतलब है ये जो भगवान कृष्ण है, कहते ये जो ये जगत कहाँ से सृष्टि हुआ है? बोले कारण तो गोसाई विष्णु हुए हैं, कृष्ण तो पहले कृष्ण हुए। जब उन्होंने लीला करने के लिए इच्छा की इनके बाम अंग से सिर्फ राधा रानी प्रकट हुई, और राधा रानी से ये जितने देवियां हैं उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी काली दुर्गा ये कहाँ से प्रकट हुई है? बोले श्री राधा रानी से प्रकट हुई। जब हम श्री राधा रानी को भक्ति करते हैं एक देवी नहीं अनंत करोड़ों देवियों की पूजा हो जाती है। लेकिन कृष्ण की डाहन अंग से कौन प्रकट हुए? बोले श्री बलदेव प्रभु। ये बलदेव प्रभु से फिर प्रकट हुए शंकर सन, फिर ये चतुर्भुज, फिर वहां से तीन विष्णु प्रकट हुए। देखो अच्छे तरह से समझो ये तीन विष्णु कौन है। आप बोलोगे तो हम तो एक ही विष्णु सुने, अब तो तीन विष्णु कह रहे हैं। देखो ये तीन विष्णु का क्या फंक्शन, ये चीज को समझो। उसमें एक कारण तो साई विष्णु, एक गर्भोदक साई विष्णु, एक खिराब साई विष्णु। कहते कारण तो साई विष्णु कौन है, ये क्या करते हैं? कहते यही विष्णु जब ये जगत को सृष्टि करने का होता है वो माया को प्रति दृष्टि डालते हैं, जैसे पति पत्नी के बगैर बच्चे जन्म नहीं लेते हैं। यही कारण तो साई विष्णु जो माया को दृष्टि करती है वो माया गर्भवती होती है, गर्भ होकर के एक ब्रह्मांड नहीं उन्हें अनंत करोड़ ब्रह्मांड को सृष्टि करती है। यहाँ से फिर हो गई एक ये तो हो गए गर्भोदय साई विष्णु। बोले इनका क्या फंक्शन है? आप लोग सुने होंगे जब भगवान सृष्टि करने की इच्छा की इनकी नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि की, यही ब्रह्मा जगत को भगवान ब्रह्मा को दिव्य ज्ञान प्रदान की, ब्रह्मा ने ये समस्त सृष्टि काम को ब्रह्मा ने किए है। कहते एक होता है क्षीरोदय साई विष्णु, देखो ये कौन है? बोले जैसे सभी का हृदय में हम कहते हैं ना सभी का हृदय में परमात्मा है, इसलिए भागवत में बताए एक टहनिया में दो चिड़िया बैठे हैं। कौन बैठे हैं? दो चिड़िया हैं। कहते एक तोता क्या चिड़िया वो खट्टा मीठा फल को खाता है, लेकिन एक जो चिड़िया है वो कुछ भी नहीं खाता, वो केवल दूर से केवल देखता रहता है। बोले ये खट्टा मीठा फल कौन खाते? बोले जीवात्मा। जैसे कभी हम संसार में सुखी कभी दुखी, कभी खट्टा फल कभी मीठा फल, कभी दुखी कभी सुखी, लेकिन इसमें एक है जो परमात्मा रूप में साखी रूप में कौन देखता? यही हृदय साई विष्णु सभी के हृदय में बैठ करके वो साखी रूप में वो किसी चीज इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो तटस्थ रूप में केवल देखते रहते हैं। इसलिए कृष्ण कहाँ पर रह गए? कृष्ण कितने दूर में रहे? इनकी अंश के अंश के अंश के अंश ये जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, लेकिन भगवान तो कृष्ण वृंदावन में अपना सखा सखियों के साथ में पिता माताओं को साथ में तो आनंद में ठाकुर जी केवल वहाँ विहार करते हैं। जैसे हरे कृष्ण वो बच्चे को देखो वहाँ, इसलिए जैसे मोदी देखो ये चीज को समझे, जैसे मोदी वो तो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, अगर दिल्ली में कोई लड़ाई होगा मोदी आएगा यहाँ पर? नहीं आएगा। यहाँ आएगा
केजरीवाल देख लेगा, केजरीवाल भी आएगा वो भी नहीं आएगा, वो किसी कोई पुलिस ऑफिसर को भेज देगा, वो अपने आप कर लेना है। कहते उसी तरह जो कृष्ण ये माने मोदी, वो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को चलाने वाली ब्रह्मा कह रही है बात को, बोले अनादि जिसका कोई आदि नहीं, कौन कारण दर्शाए विष्णु, उनकी जो मूल कौन शंकर सन, बोले उनको जो मूल कौन बलदेव प्रभु, उनका जो मूल है भगवान श्री कृष्ण चंद्र। इसलिए जो देखना लड्डू गोपाल बैठेंगे, भैया देखने के लिए छोटे लगते हैं, बड़े खोटे ये, इनको साधारण मत समझो, ब्रह्मा कहते हैं हैं। इसलिए लास्ट में ब्रह्मा फिर कहेंगे, कोई कहता ना अरे हम जानते, वो दिन कैया चलाते थे, गोपियों को पीछे पीछे घूमते थे, लास्ट में ब्रह्मा जी कहते हैं बोले जानंतु एव जानंतु। अगर कोई कहता मैं भगवान को जानता हूँ, गैया चराने वाले पितामह ब्रह्मा कहते हैं भैया तू कौन होते हो, ये दुनिया को सृष्टि करने वाला मैं हूँ, सारा दुनिया को, तुम्हारा तो एक सर मेरे चार सर है, लेकिन मैंने भगवान कृष्ण को समझने के लिए गए और अपना नौकरी हमारी छूट गई, हमारी नौकरी छूट गई, नौकरी हमारी चली गई, ब्रह्म पद ही हमारी चली गई। इसलिए वो कहते हैं धूल गण का कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं, लेकिन जो कन्या है ना इनकी माया को कोई धार नहीं पा सकते। कहते जिनकी बोले जस्य प्रभा प्रभवतो जग दंड कोटि, बोले कोटिसु अशेष वसुधाति विभूति वीरनम, बोले जिनकी एक एक लोम कूप में एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जिनकी एक एक लोम कूप में विद्यमान है, ऐसे श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान को 40 श्लोक में ठाकुर जी ब्रह्मा को स्तुति की, लेकिन हम कोशिश करेंगे 2 श्लोकों को सुनने के लिए अच्छे तरह से सुनना, बहुत अच्छी बात ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा जी कौन है, हमारे मूल पिता है, हमारे मूल पिता ब्रह्मा, क्योंकि भगवान से पहले ब्रह्मा सृष्टि हुए, ब्रह्मा से ये मनु महाराज आए और मनु महाराज के 5 बच्चे हुए, उत्थानपाद प्रियव्रत फिर आकुति देवति प्रसूति, धीरे धीरे ये संसार आया है। इसलिए हमारे मूल पिता ये पितामह ब्रह्मा, जैसे बच्चों को पिता माता अच्छे ज्ञान बताते हैं, इसलिए ब्रह्मा भी हमारे आदि गुरु है, वो बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं, आप लोग भी कोशिश करना, इसलिए शिक्षा लेने के लिए। देखो ब्रह्मा क्या कहते हैं, बोले ज्ञानी प्रयास मधुपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतांग भवदीग वार्ताम स्थाने स्थितां श्रुति गतां तनुवांग मनोभी जे प्रायस अजीत जित अपि स्त्रैलोक्यम। कहते जो भगवान, कहते जो भगवान है इनका नाम एक अजीत, अजीत मतलब होता है जिनको जीतना, मतलब जिनको पाना बहुत कठिन है, हैं, लेकिन उनको कैसे पा सकते हैं। देखो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, बोले ज्ञानी प्रयास मधुपास्य, मतलब हमारी अंदर में जितने अभिमान है पहले सारे अभिमान को त्याग दो। कहते जितने अभिमान हमने पढ़ाई की लिखाई की हम इतने जानते हैं, बोले पहले भैया ये सारे अहंकार को त्याग करो। ब्रह्मा कहते जिनको मैं नहीं समझ गया तुम कौन होते हो, जिनको शंकर नहीं समझ पाते, जिनको बड़े बड़े देवता नहीं समझ पाते, हम पहले क्या समझेंगे। इसलिए भैया सारे पहले अभिमान को त्याग दो, सबसे पहले ज्ञान प्रयास मधुपास्य संपूर्ण रूप में त्याग दो। क्या करो, मधुपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतम भवद्य वार्ता, क्या करो अपना जीवन में संतों का स्मरण में जा करके उनकी मुखनिश्रित जो वाणी है भगवत कथा रूपी गंगा में स्नान करो, काय मन और वाक्य से भगवान की कथा सुनो। कहते भैया कथा तो कान से सुनते हैं, आप कहते शरीर से सुनो, मतलब क्या, जहाँ पर कथा होती है ना वहाँ पर जाओ, जाकर ऐसे बैठे मत बैठे, जाओ जाकर के कथा स्थली को प्रणाम करो, क्योंकि जहाँ पर प्रभु भागवत कथा होती है पृथ्वी का सारे तीर्थ वो यहाँ पर बैठ जाते हैं, सारे तीर्थ वहीं पर निवास करते हैं, तो अत्यंत पवित्र स्थान जहाँ भगवत कथा होती है उस स्थान को प्रणाम करो, भागवत को प्रणाम करो, जितने भक्त लोग कथा सुन रहे हैं उनको प्रणाम करो, कथा जो बोल रहे हैं उनको प्रणाम करो, जब जाओ खड़े होकर मत जाओ, भागवत को प्रणाम करो, स्थान को प्रणाम करके यहाँ से तभी जाओ। इसलिए शरीर से भी प्रणाम करो और कहते मन, मन से तो सुननी चाहिए, बोले वाक्य को द्वारा, बोले वाक्य को द्वारा मतलब जो कथा यहाँ सुने हो
अपना तक सीमित मत रखा करो। ऐसे नहीं यहाँ जब तक बैठे सुने, जब यहाँ से निकले पल्लू झाड़ गए बोले कथा यहीं पर गए, नहीं ये कथा को भी अपना साथ में ले जाया करो। अपना जैसे कथा अपना बच्चों को सुनाओ, अपना बच्चों को सुनाओ, देखना बच्चों को कभी कभी अपनी स्टोरी जैसे रोली सुना कर सुनाते हैं ना, अगर बच्चे को अगर रोज रोज तुम भगवान की कथा सुनाओगे क्या होगा, बच्चे को अंदर में अच्छे संस्कार आएगा, वो ठाकुर जी को बाहर में समझेगा, हमारे राम कौन है, हमारे भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, गीता कौन है, भागवत कौन है, ये चीज़ को संस्कार को समझेगा है। मैं बता रहा था ना, किसी मुसलमान को बच्चे को कुछ लोक पुराण बताओ वो झटा झटा बोलेगा, लेकिन हमारे किसी हिंदू बच्चे को बोलो गीता का कोई श्लोक बोलो, रामायण का कोई प्यार बोलो, जितना अंटर सेंटर याद करके रखा होगा, जितनी हीरो हीरोइन प्लेयर का नाम, जितनी उल्टा पुलटा चीज को याद कर बैठा होगा। इसलिए हमारी धर्म का प्रति हमारी निष्ठा नहीं है, हमारे धर्म का प्रति इसलिए तो हमारी निष्ठा नहीं धर्म, क्योंकि गीता भागवत से कोई मतलब नहीं है, हमारे शास्त्र से कोई मतलब नहीं। इसलिए बच्चे धीरे धीरे नास्तिक बनते हैं और बड़े होने पर पिता माता को सेवा नहीं करते हैं। ये दोष है पिता माता की, कारण है हम बच्चे को अंदर में अच्छे संस्कार नहीं डालते हैं, जितने उल्टा सीधा संस्कार को हम बच्चों को ऊपर देते हैं और वही बच्चा पढ़कर हमें निग्लेक्ट करता है। अगर बचपन में रामायण सुनाओ, रामायण में क्या लिखा हुआ है, भगवान सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छूते थे, छूते थे कि नहीं, बताओ कौन सा बच्चा भी चरण छूता है। जब हम बच्चे थे ना, देखो मैं जो बच्चा था, हमारे पिताजी जब सोते थे मैं अपना पिताजी के चरणों को सेवा करता था, चरणों को सेवा करता था, हम उनको प्यार को मैंने दबाया करता था पिताजी को, क्योंकि हमारे जी स्कूल में जो मास्टर थे ना, ये हमारे रामायण और कृष्ण कथा सब सुनाया करते थे हमको बचपन में, भगवान को बाद में सुनाते थे। अभी स्कूल में कोई भगवान को बाद में सुनाते नहीं, कोई नहीं सुनाता है, कोई टीचर भी नहीं सुनाते हैं। इसलिए क्या करो, भगवान की कथा को जो कथा सुन करके जाते हो क्या करो, घर में जाकर क्या करोगे, अपना बच्चों को सुना, भगवान के बारे में सुना बच्चों को, उसके अंदर में अच्छे संस्कार आए, अच्छा संस्कार आएगा तुम्हारी घर सेवा करेगा, बड़े होकर के तुम्हारी सेवा करेगा, भगवान की भक्ति के बारे में समझेगा, अगर नहीं सिखाओगे तो कहाँ से सुनेगा। इसलिए कहते हैं कथा को अपना तक सीमित मत रखा करो, ये कथा को आगे भी बढ़ाओ है, तुम्हारे बच्चे को सुना दो, तुम्हारे बच्चे तुमको बच्चे को सुनाएगा, अरे बच्चों के अंदर में हमारी संस्कृति, हमारी अंदर में संस्कृति रहेगी, ठीक है ना। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं बच्चों को भगवान की कथा धीरे धीरे बच्चों को भी भगवान के बारे में समझाओ हैं, दूसरों को भी भगवान के बारे में दूसरों को भी समझाओ, तभी तो हमारी ये धर्म बढ़ेगा ना, तभी तो हमारी संस्कृति बढ़ेगी, नहीं तो संस्कृति कैसे बढ़ेगी। देखो ध्यान देकर सुनो, आपको पता है कि नहीं जो बात मैं बता रहा हूँ, हर साल 10 लाख हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया जाता है, आपको पता ही है बात, ये क्रिश्चियन लोग प्रचार करते करते हमारे हिंदुओं को हर साल में 10 लाख हिंदू 10 लाख मुसलमान हमारी हिंदुओं को बनाए जाते हैं, ये लोग ऐसे प्रचार करते हैं, ऐसे ये लोग प्रचार करते हैं, लेकिन हम लोग कोई प्रचार करते हो हिंदू धर्म को, बताओ कौन ये हिंदू धर्म को प्रचार करता है, हमारी भक्ति बढ़े, हमारी सनातन धर्म रखा हो, कोई बोलता है कोई बोलता नहीं, कोई कोई बच्चे तो बड़ा नास्तिक ही होते हैं, भगवान भगवान को तो मानते नहीं, हाँ भगवान भगवान को कुछ मानते नहीं, ऐसे कुछ नास्तिक भी बच्चे होते हैं, बताओ फिर हमारी संस्कृति रहेगी क्या, संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी हमारी संस्कृति। इसलिए क्या करो, भगवान के बारे में जो सुन रहे हो, भगवान के बारे में जो सुन रहे हो ना, इसको आगे भी बढ़ाया करो, नहीं तो हमारी संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी है, हमारी संस्कृति धीरे धीरे हमारी नष्ट हो जाएगी। इसलिए पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं जो सुनते हो इसको सुन करके जाओ और अपना बच्चों को भी ये बात सुनाया करो, बच्चों को भी संस्कार, बच्चे को भी संस्कार पड़े और बच्चे लोग भी भगवान की भक्ति करें। इसलिए ब्रह्मा कहते बोले तत्व कंपाशु सुमिक्ष मानम भुंजामि एवात्म कृतम विपाकम। ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ ध्यान देकर सुनो, अगर जीवन में जो कुछ आए कभी दूसरों को ऊपर में दोष मत लगाया करो,
अरे उसने मेरे लिए ऐसे कर दिया, उसने मेरे लिए ऐसे किया, उसकी वजह से ऐसे हुआ। ब्रह्मा जी कहते किसकी वजह से कुछ नहीं होता है, हमने जैसे कर्म किया है वो अपना कर्म का फल हम भोग कर रहे हैं। आपसे एक प्रश्न करता हूँ, अगर चीकू का बीज बोओगे तो वहाँ कौन सा पेड़ होगा? बोलो जोर से, चीकू होगा। अगर आम की गुठली बोओगे तो कौन सा वृक्ष होगा? अगर नीम का बीज बोओगे तो कौन सा वृक्ष होगा? करेला, करेला है। इसलिए ब्रह्मा कहते भैया कभी किसको पर दोष मत लगाकर उसने इसे कर दिया, नहीं किसकी वजह से कुछ नहीं होता है। हमने जो कर्म किया ना वो कर्म का फल हम भोग कर रहे हैं, किसी का फल हम भोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए कभी किसको पर दोष मत लगाया करो, और जीवन में जो कुछ आता है ना हंसते 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 उसको भोग कर लो, और क्या करो भगवान की भजन करते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो। जितने बल की भगवान की भक्ति करोगे उतना ही तुम्हारी पाप, तुम्हारी इतना नष्ट पाप होएगा और जीवन में उतना ही आनंद आएगा। इसलिए कभी किसको पर दोष नहीं लगा करके अपना कर्म का फल भोग करो, और क्या करो भगवान की भजन करते रहो। कहते भक्ति करनी कैसे चाहिए, बोले स्थाने स्थिता मुस्मृति गता। मतलब है देखो इस चीज को समझो, जैसे किसको बोलो भजन करने के लिए ना, बोले तो अभी मेरे बढ़िया अभी सिचुएशन बढ़िया नहीं है, तभी भजन करेंगे। जब बच्चे छोटे हैं, बच्चे अभी लिखाई पढ़ाई सीख जाए, बच्चे का नौकरी चाकरी हो जाए, बच्चों का शादी शुदा कर दे, जब पूरा सेटिंग हो जाएंगे ना जीवन पर, जब सेटिंग हो जाएंगे फिर भजन करेंगे। हाँ बताओ अभी तो कोई सेटिंग कोई हो पाए? हम तो अपना बेडरूम को भी सेटिंग कर दिया, डाइनिंग रूम को भी सेटिंग कर दिया, लेकिन आप स्वयं अपसेट रहते, दुनिया को सेटिंग कर देता, आपने स्वयं अपसेट रहते हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं, बोले देखो जब सारी काम हमारे निपट जाएंगे ना तब भजन करेंगे। बोले सारे काम निपट जाएंगे, तुम खुद निपट जाओगे, काम नहीं निपटेगा। अभी जिंदगी में जिसका काम निपटा बोलो किसको पूछ लो, अभी किसका काम निपटा है भाई? कोई किसी काम नहीं निपट पाए। हाँ तभी ये सारे काम निपट सकता है। हम कहते ना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। जब भगवान कहते मेरे तरफ तू एक कदम बढ़ोगे ना मैं भी तेरे तरफ में 10 कदम बढ़ूंगा, लेकिन पहले सही तू मेरे तरफ में 1 कदम तो बढ़ो, तब तक तेरे तरफ में 10 कदम मैं बढ़ूंगा। इसलिए ठाकुर जी हमें जिस स्थिति में रखे हैं वहीं पर रह करके ब्रह्मा के भजन करो, तभी आगे कोई बढ़िया स्थिति आएगी। जब भगवान की भजन करोगे, भजन के बगैर आगे कोई स्थिति तुम्हारी आ ही नहीं सकती। देखो और एक चीज को समझो, जैसे कभी कभी हम जब भजन करते हैं, कभी कभी देखना जीवन में थोड़ी थोड़ी मुझे कोई विपत्ति आ जाती है, लेकिन जब विपत्ति जीवन में आ जाते हैं ना हम क्या करते हैं, भले ही कोई चीज को छोड़ नहीं छोड़िए माला को छोड़ देते, खाना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, क्या छोड़ देते हैं सबसे पहले, मतलब माला को छोड़ने के लिए पहले बैठे। ये भक्ति कैसे छूटे इसके लिए हाँ पहले बैठे हुए माला कैसे छूटे, लेकिन और कोई चीज नहीं छूटता है। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते देखो जीवन में जो कुछ आए ना तुम्हारे जीवन में, कोई भी आए भजन करते करते अगर थोड़ी दुख थोड़ी बहुत दुख कष्ट आ जाए उसमें घबराने का जरूरत नहीं। देखो मैं एक दो एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, कोशिश करो समझने के लिए। बोले एक समय दो भाई थे, एक भाई तो पूरा नास्तिक, नास्तिक समझते हो जो प्रभु की पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं, और एक दिन रात प्रभु का भजन करता था। लेकिन जो नास्तिक था मानता नहीं, जो आस्तिक था जो भजन करता था उसको खिली उड़ाया करता था। बोले क्या दिन भर ही माला लेकर हरे कृष्ण नाम करते रहे, तो कोई काम था नहीं नहीं तेरे, दिन भर माला लेकर बैठ रहते हो, और ये ठाकुर को कहते पत्थर के सामने थोड़ी कुछ है, ये बेकार काम है बोलता था। एक दिन दोनों भाई की निमा करना है, अभी दोनों भाई जा रहे थे, जाते जाते जो भाई भक्ति नहीं करता था उसको एक सोने की मोहर मिल गया, उसको तो मौका नहीं मिलेगा। मैं देख लिया तू इतने कृष्ण कृष्ण राम राम करते हो, मेरे को सोने की मोहर मिलते को क्या मिल, कुछ नहीं मिलते तेरे को। बोले बात सही है, लेकिन जब थोड़ी दूर गए ना जो भजन करता था उसको प्यार में इतने बड़े लोहे की सीख गड़ गई, गड़ गए तो खून बहने लग गया। बोले देख लिया तुमने, देख लिया तुम इतने भक्ति करते तेरे को क्या मिला और मेरे को क्या मिला। उसको तो दुखी हो गया, दुखी होकर ठाकुर जी को पुकार, बोले ठाकुर जी
दिन रात मेरे तेरे नाम लेता हूँ, भक्ति करता हूँ, तुम मेरे को सबके सामने ऐसे अपमान करते हो, दिन रात तेरे भक्ति करता हूँ। देखो आकाशवाणी हूँ, बोले देख बेटा ये मत समझो जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको दुख में रहते हैं, जो भक्ति नहीं करते सुख में रहते। देखो तुम दोनों की कथा सुन लो, ये जो व्यक्ति जिसको सोने की मोहर मिला ये पूर्व जन्म में बहुत दान पुण्य किया था, आज का दिन राज दरबार में इसको राज तिलक सिंहासन में बैठने वाले था, लेकिन मुझे मेरे भक्तों पर निंदा करता है इसलिए उसकी सारे पुण्य खत्म हो गई। खत्म होने पर मैंने एक सोने की मोहर देकर उसको छोड़ दिया। तेरी बात सुनी, पहले तुमने एक मर्डर किया था, आज का दिन राज दरबार में फांसी झूलने वाला तू था, लेकिन चूंकि तुम मेरे भजन करते हो, तुम मेरी नाम करते हो, मैंने तेरे सारे पाप को खत्म करके लास्ट में जो थोड़ी बहुत रह गई थी ना तेरे प्यार में सीख कड़वा करके इतने से तुमने छोड़ दिया तेरे को। ये मत समझो भक्ति करने वालों को दुख होता है, इसलिए अगर भक्ति करते करते अगर थोड़ी बहुत दुख आ जाए ना, ये समझना हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी कोई पाप था, ठाकुर जी हमें थोड़ी सी दे करके ठाकुर जी हमें छोड़ दिया है, हैं? इसको प्रतिकूल रूप में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण गीता में खुद कहते हैं हे अर्जुन कौन्तेय प्रतिजानि न मे भक्ता परिषति सल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात्। कृष्ण खुद कहते हैं हे अर्जुन अगर मेरे लिए कोई इतना करता है ना, मैं उसके लिए इतना करता हूँ। बताओ सुदामा कृष्ण के लिए क्या लेकर गए थे, सुनोगे दो रुपये चिड़वाते लेकर गए थे, ठाकुर ने क्या दिया उसको, त्रिभुवन का राज्य दिया, भगवान की अंगुली कट गई, द्रौपदी थोड़ी साड़ी फाड़ करके बैंडेज कर दी, लेकिन भरी सभा में जब लाज जा रही थी द्रौपदी के पांच पांच पति कोई भी काम नहीं आए, कौन काम में आए, ठाकुर ही काम में आए, क्यों, भगवान की अंगुल कट गया तो द्रौपदी ने थोड़ी सी साड़ी में बैंडेज कर दी। जैसे तुम्हारे घर में ठाकुर है ना, एक पुराण में बताया अगर इनको कोई ड्रेस पहनाते हैं इसमें जितने धागा होता है ना, ठाकुर जी कहते हैं उतना कल्पत तक उसको मैं वैकुंठ वास देता हूँ, क्योंकि ठाकुर को जो कपड़े थे उसमें एक एक धागा में इतने शक्ति भगवान कहते हैं, इसलिए अगर थोड़ी मोड़ी धूप आ जाए ना दुखी मत होना। और एक चीज को समझो, जैसे हम प्रभु की भक्ति करते हैं अगर थोड़ी दुख कष्ट आ जाए, बोले हम ठाकुर का इतने भक्ति करते दुख कष्ट क्यों आए, देखो अच्छे तरह से समझो, जैसे जिनके घर में गेहूं की खेती होती है आप देख लेना, एक उनके घर में एक ड्रम होता है, वो ड्रम का नीचे के छेद रहता है उसको ऊपर में सारे गेहूं को डालते रहते हैं, जैसे मानो इसी साल में गेहूं की खेती हुई लेकिन जो गेहूं है ना वो छोटा छोटा उसकी दाना हुआ उसको भी ड्रम में डाल दिया, दूसरे साल जब खेती हुई वो दाना बहुत बड़ी बड़ी हुआ उसको भी डाल दिया, लेकिन जब नीचे से निकालोगे पहले बताओ कौन सा दाना निकलेगा, कौन वाले हाथ उठा, जोर से वाले कौन वाले हाथ उठा, क्यों छोटे क्यों निकलेगा, ये छोटे क्यों निकलेगा, तुम तो ऊपर से बड़े डाले ना, यही चीज को समझ लो, बड़ा आएगा, बड़ा कब आएगा, तुमने पहले क्या डाला, कौन सा गेहूं डाले हो, छोटे डाले, जब वो छोटा खत्म हो जाएगा ना ये बड़ा भी आएगा, लेकिन जब छोटा खत्म हो जाएगा बड़े ऊपर डाले, इसका मतलब अभी तो भक्ति कर रहे हैं अभी तो भजन कर रहे हैं इसका फल जरूर तुमको मिलेगा, लेकिन जब ये छोटा खत्म हो जाएगी बड़ा का फल तुम्हें मिलेगा। अगर तुम अगर सही सही किसी कारण से अगर सही सही तुमने भक्ति की है ना, वाल्मीकि का नाम सुना ना, जिसने रामायण लिखी कथा सुनी ना, उसने पहले डाकू था, इतने डाकू था उसने, सारे चोरी डकैत करता था, लेकिन जब नारद से मिले, नारद की बोले भैया बोले राम बोलो बोलो बोलो, लेकिन उसको मुंह से राम नाम नहीं निकला, क्यों, वो पापी है, इसलिए कहते हैं पापियों को मुंह से ठाकुर का नाम नहीं निकलता है, वो पुण्यात्मा का मुंह से निकलता है। तब उन्होंने देखा किसी तरह से कल्याण होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने बोले तू दूसरों को मारता था, बोले हाँ, बोले तू मरा मरा तो बोल सकते हो, बोले हाँ मैं तो मरा मरा बोल सकता हूँ, आप लोग बोलो तो मरा मरा, जोर से बोलो मरा मरा, देखना वो अपने आप राम राम हो जाता है, मरा मरा बोला अपने आप। अगर वाल्मीकि जैसे व्यक्ति अगर मरा मरा करते करते अगर ये वाल्मीकि बन सकता है, रामायण को लिख सकता है,
अगर अगर हम सीधा नाम को करें बताओ क्या गर्मी हो सकता है। इसलिए बड़ी महिमा ठाकुर जी की भक्ति की। इसलिए प्रपितामह ब्रह्मा जी कहते भैया जीवन में जो कुछ आता है हंसते हंसते भोग लो, उसको हंसते हंसते भोग लो। दुख आ रहा है मतलब है तुम्हारी पाप नष्ट हो रहा है और तुम्हारी पुण्य आने वाले है, सुख आने वाले है। इसलिए लेकिन प्रभु का भक्ति को कभी छोड़ना नहीं, प्रभु की भजन कभी नहीं छोड़ना। इसलिए पितामह ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर जी को उन्होंने स्तुति करते हुए भगवान को उन्होंने 3 बार परिक्रमा लगाई और ब्रह्मा जी वहां से ब्रह्मा जी चले गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय 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 श्री राधे। एक भजन सुन लो कथा कर हरे हम
हरे राजा किया होते हरे राजा किया होते तेरे दो हाथ से तेरे से किया होते तेरे दो हाथ से तेरे से किया होते संजय सिगरेट 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 हाँ
जाने ना हरे कृष्णा एक बार हाथ उठा कर बोलो बोले हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण चैतन्यलाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शिवोरुहा बोल हरे सुंदर सुंदर लीला करने के लिए ब्रज धाम में पधारेंगे। तो ठाकुर जी को देख के सारे ब्रज गोपी जैसे ही ठाकुर जी थोड़े बड़े हो गए ना जितने भी ब्रज गोपी थे सुंदर सुंदर दही माखन मिश्री ये सब इकट्ठा करने लगे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी इसको आके प्रेम से किसी के गोपी के घर में जाके उसी दही को चुराएंगे। अब ठाकुर जी जो सबसे जो सर्व उत्कृष्ट माधुर्य लीला उसको प्रकाशित करते हैं और माधुर्य लीला को ठाकुर जी प्रकाशित करते हैं और गर्भ संगीता में उस गोपी का नाम बोल रहे हैं प्रभावती। तो एक गोपी का नाम है प्रभावती, उसने बड़े सुंदर अथोटे दही दूध का उसको मलाई को निकाल करके और उसमें दही जमाया। क्यों दही जमाया? कि आपको ठाकुर जी आके आरोगेंगे कि ठाकुर जी खाने आएंगे। तो एक दिन ठाकुर जी सर्वांतरजामी है और ठाकुर जी सर्वांतरजामी होने के बाद वहाँ पे उनको पता है किसके घर में क्या क्या चीज है। अब कश्चिन समय है पयो दीजा, किसी समय पे ठाकुर जी क्या करते हैं पयो यानी दूध चोरी करते हैं किसी किसी के घर में और किसी किसी समय में ठाकुर जी दही चोरी करते हैं। बोल रहे हैं ये दूध और दही नंद बाबा के घर में कोई अभाव नहीं था, 9 लाख गया था, फिर भी दूध और दही क्यों चोरी करते हैं? बोल रहे हैं चोरी नहीं, वास्तव में ये तो गोपियों का प्रेम को चोरी करने के लिए वहां पे ठाकुर जी जाते हैं। तो एक दिन ये प्रभावती के घर में ठाकुर जी धीरे 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 प्रभावती के घर में पधारे और अपने कर कमल से दही के जो मलाई को पूरा ऊपर से उठा के ठाकुर जी ने उसको आरोपना शुरू किया और ताए बीच में गोपी दबे पावन में धीरे 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 आके ठाकुर जी को कलाई को पकड़ लिया। अब ठाकुर जी बड़े भोरी बन गए, बोले मैया ओ मैया मेरे हाथ को काहे पकड़े हुए हो। गोपी बोल रहे बोरे मत बनियो, मैया ना हूं मैं ब्रज गोपी हूँ ब्रज गोपी। अच्छो मैं तो मारे घर के नंद महल के धोखे तेरे घर घुसे चले आई हूँ। अरे गोपी माँ को पता ही नहीं है तो तारे घर है। ठाकुर जी बोले, गोपी बोला देख काना बाप तारा ही घर मानो, तेरे घर नंदो घर में कोई भेदभाव मत करियो और अपने घर में संकोच काहे। पर काना एक बात बताई हो, तुम यहाँ पे अकेले पे एकांत में बैठ के कहा कर रहे हो? तो ठाकुर जी बोल रहे देख गोपी तुम जैसे प्रेमी उनका जो अधोटा दही का दूध दही का जो मलाई वाला जो दही इतने सुगंध आते कि पूरा का पूरा ब्रज में सुगंध का महक छूटे हो और पूरा का पूरा ब्रज के सबरे चीटी तेरे दही में आके लगे। अब मैंने सोचा तू अकेली गोपी बड़ी होरी घर के सारे काम देखने वाली का काम देखेगी तो चीटी बीनने के दाई में आको आ गया तेरे घर में घुस के और चीटी बीन रहा हूँ। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मैं चीटी को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ
कौन गोपी? तो गोपी बोली अच्छा तो चीटी बीन दो। कहा गए तब चीटी? ठाकुर बोले अब धरियो गए, तब गए अपने अपने मिलन में घुस गए, अब के धरिए। अरे गोपी तू भी कितने पगली हुई हो। तो गोपी बोली अच्छो तेने तो सबरे चीटी का बीन दिया, तेने तो आज मेरा बड़े काम को निपटा दिया। अब कन्हैया एक बात बता, चींटी बीनने वाले तेरे उंगलियों का अग्र भाग में दही लगना चाहिए, लेकिन तुम्हारा पूरा का पूरा हाथ सबरे हाथ दही में संग रहे हो, ऐसे कैसे? तो ठाकुर जी बोले देख गोपी मेरे मैया, ये यशोमती मैया आपको मेरे हाथ में पद्मराग मणि का खरोला धारण करवाए हुए और सूर्य के ताप से ये उत्तप्त हो जाता है। पद्मराग खरोला यशोमती मैया ने कृष्ण को धारण किया है और सूर्य के तेज जैसे भी उस मणि में आता है ना तो जलने लगता है। तो ठाकुर जी बोल रहे मारो इतने के कोमल कोमल हाथ और आपको पद्मराग मणि का जो चरण सहन नहीं कर पाए गोपी। और मैंने बड़े बूढ़े से सुने हैं, बड़े बुजुर्ग से सुने हैं कि दही जैसे अमृत वस्तु, दही जैसे ठंडे वस्तु और उसके अंदर अगर हाथ घुसा हो ना पद्मराग मणि के जो जो खड़ूला वो शांत हो जाए। ताए बात को मैंने जल रहा है ना बुझावे को ताई मैंने धारे दही में हाथ घुसा हो। तो गोपी बोले अरे अच्छे मेरे दही का तो भाग्य है कि थारे जलन के काम में आ गए, जलन बुझ गए हो मेरे। हाँ गोपी जलन बुझ गए हो मेरे, पर कन्हैया एक बात बताओ तेरे होटन पे दही कैसे लगे? तो ठाकुर जी बोले अरे प्रभावती तू भी वकीलों जैसे बात कर रहे, इतने बात तो प्रश्न तो ब्रज में कोई नहीं पूछे, माँ को सीआईडी जैसे लग गए हो मेरे पीछे। देखो भी चींटी बीनने के वाक्य ना, चींटी बीनने के समय एक चींटी मेरे हाथ पे ऐसे धीरे 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 चढ़े आ रहा है, जितने घुसे ही जा रहे। अब घुसे जाते 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 मेरे मुड़े पे आ गया, अब मुड़े पे आते आते उसको मैंने हटाई हो, और हटाते हटाते जैसे ही चींटी को हटाए ना मेरे मुखड़े पे ये दही लग गए। अब तू ही बता गोपी, दही जैसे अमृत वस्तु और तेरे जैसे प्रेमी उनके हाथ से अगर बने हुए दही है तो चाटने में कोई शास्त्र में दोष पात लिखे हुए हो गए, शास्त्र में कहीं मना किए हो गए, चाटने के कोई मना कर रखे हो गए? तो ठाकुर जी इतना बोल के बड़े सुंदर सुंदर से गोपी के सामने अपने हाथ को चाटने लगे। गोपी तो देख कर प्रेम में विभोर हो रहे, इतने प्रेम में विभोर हो रहे ठाकुर जी का इस स्वरूप को देख रहे हैं। और ठाकुर जी के सामने गोपी चाहती थी क्या कि ठाकुर जी इस दही को कुछ चोरी करके खाए, और ठाकुर जी कुछ चोरी कर रहे हैं और बातें के ऊपर बातें बना रहे। गोपी इतने प्रेम में भर गई, इतने प्रेम में भर गई, लेकिन प्रेम में तो उसका हृदय भर चुका है लेकिन हृदय में जान बुझ के कठोरतम वाणी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हृदय पीत मुख वचन कठोरा प्रेम से हेरत नयन विभोरा। प्रेम से देख रहा है, नयन में अश्रु आ रहा है, इस प्रकार का दृश्य देख रहा है गोपी। तो गोपी बोल रहे हृदय पीत मुख वचन कठोरा, हृदय में प्रीति है मुख में कठोर वचन बोल रहे। अच्छो बातें बना रहे हो, बातें बना रहे हो तो थारे से दिखे बातें बनवा रहे हो के? देख देख कन्हैया मेरे सारे मिट्टी के जो मटकी खराब करते अब बातें बना रहे हो। तो ठाकुर जी को कोप आया, बोले देख गोपी मेरा दही आलो ना ताको अगर भालो ना लगे तो मैं अब ले। ठाकुर जी ने उसके कर कमल से झट करके उसके आंचल को खींचा और अपने कर कमल का जो दही और मुख को क्या उसके चुनर में भूस दिया। अब गोपी तो बड़े गुस्से में आ गए, बोले अच्छा पहले तो मेरे सारे दही खा गए उसके बाद बातें बनवा रहे हो, फिर मेरे चुनड़ों बिगाड़ दियो, चलो तुझे आज नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैया के पास ले जाऊंगा, हाथ को पकड़ लिया कस करके। ठाकुर जी बोले देख गोपी तेरे हाव खाऊ तेरे पावन पढ़ू तेरे उच्चे ढोक दू, मैया के पास मत ले जाइयो, चाहे जितने भी तेरे घर के सबरे काम मैं कर दूंगा, मैया के पास मत ले जाइयो। बोले का रे काना अब तो बातें बना रहे थे अब बोल रहे मैया के पास डर रहे हो गए? बोले देख गोपी हमारे घर में इतने दूध है ना तो दूध का तो क्या बोले, अरे छाछ का इतना छाछ होता है, छाछ एक कुंड है अभी भी नंदगांव में, छाछ कुंड है, छाछ का कुंड हो जाता है
और 9 लाख गैया का कितना दूध और दही। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि देख गोपी, मैया मुझे भली बुरी कहेगी और ब्रज में मेरा अपमान हो जाएगा। तो गोपी बोले इतने लाज बचे है तो ब्रज गोपी घर में काय के लिए दही चुराए भई हो, तो चल आज तुम्हें दिखाता हूँ। अब ठाकुर जी को कलाई को पकड़ करके गोपी यशोमती मैया नंद भवन की तरफ दौड़ के जा रही है। तो जैसे ही जा रहे हैं कि कृष्ण ने देखा कि कृष्ण के आयु के ही एक गोपी का जो बच्चा है, तो उसको बुलाया, हे इधर आ जाओ। कृष्ण की सखा है आ गया, तो मेरे साथ पीछे पीछे चलो। अब गोपी के साथ कृष्ण, एक तरफ कृष्ण और दूसरे तरफ उसके कृष्ण के पीछे पीछे वो प्रभावती का बच्चा चल रहे। अब ठाकुर बोल रहे हैं देख गोपी, देख प्रभावती, तू ना कच्छु मान सम्मान लाल शर्म तुम्हें नहीं, तू पूरा शेरनी के तरह चले जा रहे हो, शेरनी के तरह चले जा रहे हो। अरे लाल शर्म तो रख, देखो नंदबाव में तेरे जेठ ससुर सब बैठे हैं, घूंघट कर लो, तुम घूंघट कर लो। गोपी बोला अरे सही बात है, घूंघट कर लेना चाहिए। और जैसे ही गोपी ने घूंघट किया, ठाकुर बोल रहे देख गोपी, तू जमीन खेत में काम करने वाले और हर समय गायों का सेवा करने, बछड़ों का सेवा करने वाली, और मेरे हाथ देखो कितना कोमल और तुम्हारे हाथ कितना कठोर, तनिक मेरे ये हाथ को पकड़ करके दूसरे हाथ पकड़ियो। तो ठाकुर के बात सुनके तो गोपी प्रेम से विभोर हो गया, बोला हाँ सच में ठाकुर को कष्ट हो रहा है, वह गोपी का हृदय क्या है ठाकुर को कोई कष्ट ना हो। तो उसने बोला ठीक है कन्हैया। जैसे ही ठाकुर जी का हाथ छोड़ा, ठाकुर जी ने उसको क्या किया, ठाकुर के पीछे कौन था, उस गोपी का बेटा था, उसको हाथ को पकड़ा दिया और दौड़ते हुए ठाकुर जी वहां से भाग गए और पीछे से द्वार से नंद भवन में चले गए। और ठाकुर जी बिस्तर के ऊपर सो गए और बड़े तेज तेज से रोने लगे, बड़े जोर जोर से। जैसे ही ठाकुर जी रोने लगे तो ये सुनती मैया अंदर से बोली, बोले कन्हैया का भयो, काहे रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो। तो स्मृति मैया बोले मैंने तो सोचा तुम गया चरण निकले गए थे, तुम तो घर में ही हो। तो कृष्ण बोल रहे मारो तुम मैया, गया चराने जाको, मेरा आज ना सुस्त तबीयत, शरीर थोड़ा ढीलो ढालो, शरीर ढीलो ढालो, भालो अच्छा नहीं है। तब ठाकुर जी ने बोला कि देख मैया, बोले का भयो है। तब जैसे ही कृष्ण ने बोला कि का भयो, तो स्मृति मैया बोले भूख लग रहे गे मैया, हाँ ले खाना ले, रोटी मक्खन खा, माखन मिश्री रोटी दिया। अब इतने में प्रभावती गोपी उसके बच्चे को हाथ को पकड़ करके नंद बाबा के पास आ गया, नंद भवन के पीछे के द्वार से आके जोर जोर से चिल्ला रहे, अरे यशोमती मैया, अरे यशोमती मैया देख ले, यशोमती मैया आज रंगे हाथ पकड़ के लाया हूँ लाला को, देख लो, अरे यशोमती मैया देख लो तुम आज पूरा रंगे हाथ पकड़ के लाया हूँ तेरे कृष्ण को। तो यशोमती मैया आके देख रही है, तो किसको पकड़ के लेके आए हो, प्रतारे कृष्ण को। तो यशोमती मैया बोले, बोले कन्हैया तो एक हाथ में माखन और मिश्री को लेके ठाकुर जी धीरे 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 मैया के पीछे से निकले। तो यशोमती मैया बोले कन्हैया वो भी क्या बोल रही है, कृष्ण बोले मुझे क्या पता, क्या बोल रहे पूछ लो दोबारा। तो क्या हुआ गोपी, प्रभावती बोले हो, बोले तेरे कृष्ण ने आज मेरे घर में दही खाया और मेरे चुनड़ों बिगाड़ दिया। अच्छो तुम्हारी चुनड़ों बिगाड़ दियो, तो कृष्ण ने बोले तेरे लाला ने और किसने। तो कृष्ण ने बोले देख 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 रही हो सुनती मैया, देख रहे हो मैया मैं सबरे से मेरे घर में हूँ, माँ को भूख लग रही है, अभी अभी तेने ही मुझे माखन मिश्री रोटी खिलवाए और ये गोपी बोल रहे मैं उसके घर में, अब बता देख रहे हो उसके सामने कौन है, उसके ही छोरा है, उसके सामने उसके ही छोरा है, चोरी किया उसने और नाम हो गया मेरा, उसने ही चोरी किया होगा। तो गोपी घबरा गई, कृष्ण को हाथ में पकड़ी हुई सोच रही है, सामने आवाज आ रही कृष्ण की, जैसे ही घूंघट उतारा देखा सामने कृष्ण है। तो जैसे ही नीचे देखा उसके बेटा को हाथ को पकड़ के ले गए, एक लगाया झट करके, बोला एक लगाया जोर से लगाया, बोल रहे देखो ये जो गोपी है ना क्यों पीटे, बोले गोपी कृष्ण और अपने बीच में संसार को सहन नहीं करते,
तुम क्यों बीच में घुस आए? एक लगाया उसको, एक पीटा, पीटने के बाद वो तो रोने लगा। कृष्ण ने जैसे जैसे करके इशारा करके उसको शांत करवाया, और नंद यशोमती मैया उनको बड़े भली बुरी बुनाई कि तुम मेरे लाला के पीछे सबरे पड़ गए हो। मैं तो सोच रहा था कि कई कई असुर आते थे इसलिए हमने वृंदावन आ गए, अब तो ये ब्रजगोपी भी रखने नहीं देते, चल लाला अंदर चल। तो ठाकुर जी ने झटके से पीछे के रास्ते से गए, और पीछे के रास्ते से जाके बोल रहे हैं, वो प्रभावती को बोल रहे हैं कि देखो भी अभी अभी मैंने क्या किया ना, तुम्हारे बेटे के हाथ तुम्हारे यहाँ पे पकड़ा दिया। अगर आगे मैं तुम्हारे घर में चोरी करने आऊंगा, अगर तुमने चोरी करते समय अगर कंप्लेन करने आए, भली बुरी कहने के लिए आए, तो इस बार तो तुम्हारा बेटे के हाथ पकड़ाया, अगले बार तेरे कसम के हाथ पकड़ा देगा, देख लेना। तो इस प्रकार का कृष्ण बड़े सुंदर सुंदर वहां पे लीला करते हैं। जोर से बोला बोले श्री माखन चोर भगवान की। देखो ठाकुर जी मक्खन चोरी क्यों करते थे, इसका नाम है मक्खन। मक्खन मतलब क्या है, बोले माँ मतलब होता है नहीं, खन मतलब होता है क्रोध। ठाकुर जी किस चीज को चोरी करते हैं, बोले जिसके हृदय में कोई काम क्रोध लोभ नहीं है, ठाकुर जी वही चीज को चोरी करते हैं। विश्व ब्रह्मांड का मालिक थे ठाकुर जी, तो ठाकुर जी की क्या चोरी करेंगे, दुनिया तो उसी का, तो चोरी क्या करेंगे। इसलिए ठाकुर जी चोरी करने नहीं जाते थे, गोपियों का हृदय को चोरी करने ठाकुर जी जाते थे। देखो ये मक्खन कैसा बनता है, आप लोग देखो घर में आप लोग भी मक्खन बनाए हो, किसने मक्खन बनाए हाथ उठाओ तो। हाँ देखो इसका तात्पर्य को समझो, कहते ये मक्खन का बनता है कि जैसे पहले दूध लाओ, दूध को ला करके पहले दूध को गर्म करो। ये दूध गर्म करना मतलब क्या है, जब किसी साधक का हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जगे, ठाकुर जी आप कैसे मिलोगे, ठाकुर जी हमें कैसे मिलोगे, यही दूध गर्म हो गया। उसके बाद जब दूध गर्म हो जाता है उसको थोड़ा ठंडा करके उसमें जमन डालते हैं, क्या डालते हैं, जमन डालते हैं, लेकिन वो थोड़ा होनी चाहिए, ज़्यादा होने से कटा हो जाती है। ये जमन क्या है, बोले जब हृदय में तुम्हारी उत्कंठा जगेगी प्रभु प्राप्ति के लिए, फिर भगवत इच्छा से आपको कोई सदगुरु से आपको जो भगवान का जो मंत्र मिलता है, जैसे कृष्ण है राम है राधे है, कहते ये होता है जमन, हाँ ये होता है जमन। इसलिए गोस्वामी जी कहते ना, बिनु गुरु भवन भी तरई न कोई, जो बिंची शंकर सम होई। इसलिए इसी जगत में देखो जैसे किसी बच्चे को पढ़ना है, क्या अपने आप पुस्तक पढ़ लेती है, नहीं, उसके लिए कोई बढ़िया टीचर ढूंढते हैं। अपना पुस्तक तो पास में लेकिन पुस्तक रहने पर भी पढ़ नहीं सकता, उसके लिए कोई अच्छे उसके कोई टीचर होनी चाहिए, जो टीचर से वो पढ़ता है। जब साधारण विद्या के लिए कोई टीचर होता है, पर भगवत विद्या ब्रह्म विद्या के लिए भैया बगैर गुरु से ज्ञान प्राप्त जीव नहीं होता है। इसलिए कितना गुरु गोविंद दो खड़े का के लाभ पाऊँ, बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताऊँ। देखो एक छोटी सी स्टोरी सुना, बोले एक समय कोई एक संत किसी घर में कथा कर रहे थे, लेकिन उसी घर में एक पिंजरा के अंदर में एक तोता रहता था। वो संत ने कहा देखो जो भगवान का नाम जप करते हैं ना वो भवसागर से पार हो जाते हैं, लेकिन वो जो तोता था पिंजरा में वो चिल्ला उठा, बोले बाबा क्यों झूठ मूठ का बात करते हो, भगवान का नाम लेने से संसार से उद्धार हो जाता है। बोले भैया मैंने झूठ क्या बता, बोले तू मेरे जीवन को देख ले, मैं एक छोटे से पिंजरा में रहता हूँ, जो कोई आए ना सबको राम राम कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ, अभी तक देखो ये छोटे से पिंजरा से ही मेरी मुक्ति नहीं, आप तो ये भवसागर की बहुत बड़ी बात करते हो। अभी वो तो चुप हो गया, और चुप होकर घर में आया, अपना गुरु जी को ये बात बताया, बोले गुरु जी ऐसे ऐसे भयो है, बोले ठीक है बेटा कल चलना मैं तेरे साथ में चलूंगा। फिर कथा सुना, जब उन्होंने दूसरे दिन गए फिर उन्होंने कथा सुनाई, जो भगवान का नाम जप करते हैं वो भवसागर से वो पार हो जाते हैं। फिर तोता बोल पड़ा, बोले बाबा फिर क्यों झूठ बोलते हो, इतने में गुरु जी वहां पर खड़े थे, बोले झूठ क्या है तो सही है, बोले गुरु जी देखो मेरे जीवन में देखो ना, जो आता है उसको मैं राम राम कृष्ण कृष्ण बोलता रहता हूँ, अभी तक भी मेरा संसार से उद्धार नहीं हुआ। इतने में जो गुरु जी थे ना, बोले देखो बेटा इसलिए तेरे उद्धार नहीं हुई है,
तुमने किसी साधु से तुमने ठाकुर का नाम नहीं लिया, तो अपने आप ये नाम तो कर रहे हो लेकिन किसी साधु से नहीं लिया ना, इसलिए पार तेरे को मुक्ति नहीं मिलता है। तो बोले भैया फिर आप मेरे कान में मंत्र दे दो। मेरे गुरु जी ने उसको कान में मंत्र दे दिया। बोले देख बेटा, जब तक तू ये पिंजरा में रह करके राम राम कृष्ण कृष्ण बोलोगे ना, उधार नहीं होगा। बोले बताओ क्या करनी चाहिए। बोले एक काम करियो, आज जब ये कथा विश्राम हो जाएगा तुमने एक नाटक रचना, मर जाने का नाटक रचना। जैसे तुमने शरीर छोड़ दिया, अभी तेरा अर्थी सजाएंगे, फिर बाहर से निकालेंगे, फिर तू फायर अंदर उड़ जाना। बोले वाह गुरु जी तो बढ़िया ज्ञान दिया। जब ये कथा विश्राम हो गया ना, बस वो तोता ने मरने का एक बहाना बनाया। लोग बोले भैया तोता का जीवन धन्य है, क्यों? ये कथा सुनते सुनते उसने अपना प्राण को त्याग दिया। चलो इसकी अर्थी निकालते हैं। अभी तोते को बाहर निकाले, बाहर निकाल करके बड़े सुंदर फूलों की माला दे करके अर्थी में जब राम नाम सत्य करते करते ले जाए थे ना, इतने में वो तोता ने फायर अंदर उड़ गया। गुरु जी ने कहा क्यों बेटा जी, गुरु जी से मंत्र लेने से उद्धार होता है कि नहीं? बोले हाँ गुरु जी से मंत्र लेने से उद्धार होता है। इसलिए यहाँ पर जो चमन है ना, ये चमन है, जब हम किस सदगुरु से प्रभु का नाम को ग्रहण करते हैं ये चमन। हाँ, और एक चीज अच्छे तरह से समझो, अभी शास्त्र में तो प्रभु का नाम लिखा हुआ, फिर हम किसी साधु से क्यों प्रभु का नाम लेते हैं? देखो हमारे संत लोग क्या उदाहरण देते हैं, कहते ऐसे कुछ पेड़ है, अगर आप किसी पेड़ से डायरेक्ट उसका बीज को लेकर बोओगे ना, वो पेड़ नहीं होगा। वो पेड़ का एक नियम है, जब वो बीज को कोई चिड़िया खाए, उसको पेट में जाए, जब वो बीट करता है तभी वृक्ष होता है। आप बता सकते हो ऐसे कौन सा पेड़ है? बताओ कौन कौन बोलेगा? आप देखना बरगद और पीपल, ये दोनों पेड़ को नीचे कभी भी बरगद पीपल पेड़ नहीं दिखता। ये पेड़ कहाँ दिखता है? छत के ऊपर में। किसी पेड़ के ऊपर देखो, बोले ऐसे क्यों? कहते उसका के नियम है, जब वो बीज को कोई चिड़िया खा ले, फिर उसको पेट में जाए, उसको पेट में ऐसे कुछ रस है, जब फिर वो बीट करता है ना, देखो एक वृक्ष का होगा, पहले नंबर मिट्टी होनी चाहिए, दूसरे नंबर में पानी होनी चाहिए, तीसरे नंबर हवा होनी चाहिए, तीन वस्तु में पेड़ होगा, ऐसे कहीं पेड़ नहीं हो जाता है। लेकिन आप देखे होंगे ये पत्थर के ऊपर में, छत के ऊपर में पत्थर, जहाँ पर कोई मिट्टी है नहीं, जहाँ पानी कुछ भी नहीं, आप देखना वहाँ बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, इतने जोर जबरदस्ती वो पेड़ होता है ना, उसका जड़ पूरा पूरा दीवार को फाड़ देता है। देखेंगे नहीं आप लोगों ने? कारण क्या? बोले कारण है वो बीज, जब ये चिड़िया को पेट में जाए इतने शक्ति उसको मिलता है। उसी तरह बताई जो मंत्र है वो अपने आप पढ़ने पर नहीं होगा, जब किसी संतों के हृदय में मंत्र जाए, वह मंत्र जब उनके मुँह से निकले, जैसे दस्यु रत्नाकर को देखो, नारद जी का ऐसे कृपाई, दस्यु रत्नाकर जो डाकू डालता था उसको मुंह से एक बार राम का नाम सुना तो उधार हो गया। बड़े बड़े पापी लोग भी, अजामिल भी एक बार सुनकर उसके भी उधार हो गया। क्यों? वो संतों की मुंह से प्रभु की नाम को लिया। ऐसे अपने आप पठ करने लग जाओगे होगा, लेकिन तभी कार्यकारी होगा, जब किसी भाग्य से किसी साधु से मिलोगे, अगर उनसे मंत्र लोगे तभी काम, नहीं तो काम नहीं करेगा। उदाहरण देते हैं जैसे गोली, जैसे बंदूक का गोली है ना, अगर उठा करके इसे इसको मारोगे थोड़ी बहुत लगेगा, लेकिन वही गोली को जब बंदूक में रख करके मारोगे इस पार से उस पार हो जाता है, वो प्राण ले लेता है। कहते उसी तरह जो भगवत नाम है, जब किसी साधु से हम ग्रहण करेंगे फिर तो वो भगवत प्राप्ति का कारण बनता है, नहीं तो भगवत प्राप्ति का कारण वो नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ जमन डालना मतलब क्या है, जब हम सदगुरु से प्रभु का नाम को ग्रहण किया, अभी जमन डाल दिया, फिर दही जम गई, फिर उसके बाद में क्या करते? मंथन करते। मतलब क्या? गुरु जी से हरिनाम ले लिया, माला ले लिया, अगर माला को लटका कर रखे तो भी भगवान मिलेंगे? अगर हरिनाम नहीं करोगे तो मिलेगा भगवान? नहीं। मंथन करो, मंथन मतलब क्या? साधन करो। जैसे कोई स्टूडेंट टीचर के पास में जाता है, टीचर पढ़ा दिया, अगर घर में आ करके नहीं पढ़ाई करेगा, अपना होमवर्क नहीं करके फिर पास हो जाएगा, फेल हो जाएगा? वो टीचर के पास में पढ़ना सब कुछ नहीं है, इसलिए उसको आकर के पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह गुरु जी का हरिनाम ले लिया, लेकिन माला ही नहीं करते, माला जहाँ के तहाँ लटक रहा? नहीं, नियम है
गुरु जी से जब हरि नाम ले, वो हरि नाम तो रोज करनी चाहिए। गुरु जी कहते थे जब ये माला हमारे पास में आती है ना, वो माला नहीं आया, भगवान कृष्ण स्वयं तुम्हारे पास में आए। इसलिए कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम है। भगवान कलयुग में नाम रूप में ठाकुर जी आए, ये नाम नहीं आया, स्वयं ठाकुर जी घर में आए। जब ये नाम जप करते हैं ना, नाम नहीं जप कर रहे हो, ठाकुर को सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो। इसलिए गुरु जी कहते थे भैया कभी नाम को भूखे मत रखना है। एक दिन नाम नहीं किया मतलब ठाकुर जी भूखे रह गए, कपड़ा नहीं बदलाया, स्नान नहीं किया। इसलिए रोज नियमित पूर्वक ठाकुर जी की नाम को हमें जप करनी चाहिए। एक दिन जप करते 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 ठाकुर जी कहते नाम ही को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए अभी मंथन कर, जो मंथन करोगे ना देखना, एक तरफ में तो छाछ और दूसरे तरफ में मक्खन। कहते ये मक्खन क्या, बोले प्रेम। जब ये प्रेम प्रकट होगा प्रभु का नाम करते करते, देखना आपको ठाकुर के पास में जाने का जरूरत नहीं, ठाकुर स्वयं आपके पास में आए। गोपियां कृष्ण के पास में जाते थे ना, कृष्ण गोपियों के पास में आते थे, बोलो कृष्ण गोपियों के घर में आते थे मक्खन चोरी करने के लिए। बोले क्यों, ये भक्त है, ठाकुर जी की भक्ति करते हैं। गोपी मतलब वो, मतलब इंद्रियां, और पी मतलब पीना, जो नित्य निरंतर कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती है। इसलिए ये मक्खन चोरी की ये तात्पर्य है। बोले श्री मक्खन चोर भगवान की जय। ठाकुर जी अभी रास लीला करना चाहते हैं। ठाकुर जी अभी बंसी बट को नीचे आकर के यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जब ठाकुर जी की रास लीला वर्णना कर रहे हैं, वो पहले सावधान कर देते हैं। बोले देखो भगवान को लीला को इसे मत समझा करो, कृष्ण जैसे गोपियों को लेकर ना रास रचा है। कोई कोई कहते ना क्या कृष्ण ही रास कर सकते, हम नहीं रास कर सकते। तो कृष्ण कितने गोपियों को साथ रास किया, कहीं आता है सात करोड़ गोपियाँ, हर गोपियाँ देख रही थी कृष्ण को साथ में। कहीं कहीं आता है कृष्ण 300 करोड़ गोपियों को साथ में रास करते थे। इतने गोपियों को साथ में ठाकुर जी उन्होंने रास रचाया है, हैं? अगर किसके घर में अगर दो बीबी हो जाए ना, आप देखना घर में दिन भर महाभारत चलता है, चलता कि नहीं, किसके घर में दो बीबी है, नहीं है ना। इसलिए देखना किसके घर में आप लोगों ने शादी किए हो, कौन कौन शादी किए हो, हाथ उठा दो, सबके सब शादी किए होंगे। आपको पता चलता होगा एक स्त्री से शादी करके कितने कठिन आपको लगता है। पहले बता रहा था ना, कोई लड़की शादी होकर के जब अपना ससुर घर जाता है खूब रोती है। जब रोती है परिवार समझाते भैया रो मत, क्यों रो रहे हो, हम भी चले जाएंगे, तू बीच बीच में आ जाना, लेकिन वो रोना बंद नहीं कर रही। पति ने कहा क्यों रो रहे हो, चुप हो जा। बोले जिंदगी का पहले महीने पहला दिन मैंने रो लिया, आज से मेरा रोना बंद, कल से तेरा रोना शुरू हो गया। जो शादी की और उनको पता चलता होगा संसार में कैसे एक पत्नी को संभालना कठिन है। लेकिन कृष्ण कितने गोपियों को साथ विरास किए, द्वारका का लीला आती है। एक दिन नारद जी ने देखा भैया घर में एक पत्नी हो तो पालन करना कितने कठिन, कृष्ण कितने को 16108 पटरानी कैसे संभाल रहे। एक दिन कृष्ण द्वारका में गए, कृष्ण को देखने लगे, तब उन्होंने रुक्मिणी के घर में प्रवेश किया, देखा ठाकुर जी वहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने कृष्ण को स्वागत किया, पूजा की, तब ना कृष्ण ने कहा नारद जी कभी कभी आया करो, जब भगवान उनको विदाई दे करके सत्य बाबा को घर में पहुंचे ना, देखा अरे वहाँ पर बच्चों को मत बैठा करो। इसलिए जब उन्होंने सत्य बाबा को घर में पहुंचे, देखा ठाकुर जी यज्ञ कर रहे थे, फिर भगवान स्वागत किया, बोले बड़े दिन में आए। जब वहाँ वहाँ पर काली जी के घर में पहुंचे, देखा वहाँ पर ठाकुर जी वहाँ पर चौक वहाँ पर पासा खेल रहे थे। जब उन्होंने हर घर घर में गए ना, ठाकुर जी को एक लीला नहीं अलग अलग लीला करते हुए मिले। जब एक घर से विदाई देकर दूसरे घर में जा रहे हैं, वही कृष्ण विदाई दिया, वो कह रहे हैं ठाकुर जी अब तो बड़े दिनों में आए हो। नारद तो चक्कर में पड़ गए, बोले यही पर विदाई देकर कहते तुम इतने दिनों के बाद में आए। भैया अगर हमारी इच्छा को कोई पूरी कर सकते हैं ना, तो ठाकुर ही पूरी कर सकते हैं। और गोपियों ने जिन जिन रासलीला की है ना, तो साधारण गोपियाँ नहीं थी सबके सब, ये कोई दंडकारण्य का ऋषि थे। जब भगवान राम दंडकारण्य में गए, वो गोपाल मंत्र की पूजा कर रहे थे,
वो ऋषि स्वरूप में थे, प्रभु को देख कर उनके हृदय में गोपी भाव आई, बोले प्रभु हमें स्वीकार करो। लेकिन भगवान राम बोले नहीं, ये अवतार में सीता के सिवाय और किसी को मैं ग्रहण नहीं कर सकता, गोपी बन करके आओ। हैं, जब भगवान जनकपुरी में गए, वहाँ के जो जनकपुरी के जो सीता की सहेलियाँ थी वो भी राम रूप देकर मुग्ध हो गए। प्रभु बोले नहीं, द्वापर युग में आओ, जब जितने वेद का मंत्र था इन लोगों ने कठोर तपस्या की, भगवान जब प्रसन्न हुए बोले क्या चाहते हो, बोले गोपी भाव से, बोले द्वापर युग में आना। ये गोपियाँ कोई लड़की नहीं थी, ये गोपियाँ कोई लड़की नहीं थी, ये सबके सब वेद के मंत्र था और ये उपनिषद का मंत्र, ये सबके सब गोपी बन करके आए ठाकुर जी के लीला की मदद करने के लिए। शंकर जी तो गोपी बन करके आए थे कि नहीं, बोलो आए थे कि नहीं, गोपीश्वर महादेव है ना, पर शंकर जी गोपी बन रहे थे, शंकर जी गोपी बन रहे थे। ये गोपी कोई साधारण लड़कियां नहीं, ये करोड़ों करोड़ों जन्म, जो माता है ना वहीं पर बैठो, जो बड़ा वहीं पर बैठो, लेट में आओगे बोले आगे आगे बैठेंगे, वहीं पर बैठे आप लोग, वहीं पर बैठे जो जहाँ पर होंगे, अंदर में प्रभु जिसको अंदर में आने मत दिया करो, नहीं तो पीछे चले जाओ, पीछे जाकर बैठो, घूम करके चले जाओ पीछे। इसलिए बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए यहाँ पर जब वो रासलीला को प्रारंभ कर रहे सुखदेव गोस्वामी, कहते भगवान अपि तारात्री सरल उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरान्तुमनश्चक्रे जोगमायानुपाश्रिता। कहते भैया रास कौन कर रहा है, कहते भैया कोई लड़की रास नहीं कर रही है, कोई साधारण व्यक्ति रास नहीं कर रहे हैं। कहते कौन भैया, इसको आने मत दिया करो, यहाँ वहीं पर रोक दो, तुम वहीं खड़े हो जाओ, इसको आने मत दिया करो, जो आए बोले पीछे बैठे सब, नहीं तो सब डिस्टर्ब हो गए सब। इसलिए यहाँ पर कहते जो रास कर रहे हैं ना, ये कोई साधारण व्यक्ति रास नहीं कर रहे, इसलिए कहते भगवान, ये ठाकुर जी रास कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम कहते हैं भगवान। तो ये चीज को समझो, ये भगवान मतलब क्या होता है, अच्छे तरह से समझो। इसलिए भग मतलब होता है ऐश्वर्य, जैसे कहना धनवान बलवान, उसी तरह भगवान, भग मतलब होता है ऐश्वर्य। बोले भगवान के अंदर में कितने ऐश्वर्य है, बोले छह, जिसको अंदर में परिपूर्ण रूप में छह गुणों वही भगवान, नहीं तो जिसको जिसको हम भगवान करके पूजा करने लग जाते, अमुक भगवान अमुक भगवान, भाई भाई भगवान भगवान कोई नहीं है, इसी जिसको जिसको पीछा मत भागा करो, भगवान भगवान बोल करके। भगवान गिरिराज उठाए थे ना कल, कितने बड़े गिरिराज उठाए थे, कौन कौन गिरिराज गए हाथ उठा तो, जिसको केवल घूमने के लिए 7-8 घंटा लगता है, ठाकुर जी कनिष्ठ अंगुल पर गिरिराज उठाए, कितना दिन तक उठाए थे। अभी जिसको भगवान कहते हो एक 10 क्विंटल लेके पत्थर ला दो तो सारे भगवान निकले जाएगा उसमें। इसलिए अभी कालिया की कथा सुना है ना, जहाँ पानी उगला करता था इतने जहरीले, ठाकुर जी उसमें विहार करते थे, कालिया देख कर आश्चर्य हो गए। अभी जिसको भगवान कहते हो मुँह में थोड़ी सी जहर देकर देखो, सारे भगवान निकले जाएगा उसमें। भगवान ने ब्रज में 3-3 बार अग्निपान किया, उन्होंने 3-3 बार आग लगी, ठाकुर जी अग्निपान की। अभी जिसको भगवान कहते हो मुंह में थोड़ा आग लगा कर देखो, इसलिए आप लोग समझो ये चीज को, भगवान भगवान कोई नहीं है, भगवान हमारे राम है, भगवान हमारे कृष्ण है, और कोई भगवान नहीं है। अभी जो नए नए भगवान के चक्कर में मत पड़ा करो, आपको भगवान बोल करके आपको पता ही नहीं, आप गीता भागवत से कोई मतलब नहीं रखते हो, हैं कोई मतलब नहीं रखते, इसलिए जिसको जिसको पीछे भगवान भगवान कर भागते हो। देखो यहाँ पर बताए भगवान का डेफिनेशन क्या है, कि पुराने में कहते हैं बोले समग्रस्य ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य जसस्य श्रेय ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणानुभवम् इति गणः। कर जिसको अंदर में परिपूर्ण रूप में छह गुण हो, ध्यान देकर सुनो, मैं पूछूंगा बाद में क्या सुने हो, ये तो जिसको जिसको पीछे भागते रहोगे घूमते रहोगे। पहला है समग्रस्य ऐश्वर्यस्य, केवल एक ब्रह्मांड नहीं, ये अनंत बड़े विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक हो, सारे ऐश्वर्य का जो मालिक हो। सुदामा जी की कथा सुनोगे ना, ठाकुर जी इच्छा करते उसी घर सोने की महल बन गया। आप टीवी में देखे होंगे जब सुदामा के महल ठाकुर जी बनाए ना, सुदामा बोले प्रभु मैं धनी बनूंगा, मेरे गांव के लोग गरीब कैसे बनेंगे, उन्होंने पूरा वृंदावन पूरी को सोने की महल बना दिया।
अभी ठाकुर जी द्वारका में गए, इच्छा करते ही स्वयं विश्वकर्मा ने सबके सब मथुरा में सो रहे थे, सवेरे उठ कर देखा कोई मथुरा में नहीं, विशाल द्वारका फिर समुद्र के बीच में सोने की द्वारका फिर खड़ी हुई। इसलिए कहते ये लक्ष्मी जिनकी चरण की सेवा करती हैं, एक ब्रह्मांड नहीं अनंत बड़ी ब्रह्मांड का जो लक्ष्मी जिनकी दासी है, ये पहला है। दूसरा है बोले बल, सारे ताकत बात देखा ना, कृष्ण 6 साल में 6 दिन में पुतना मारी, 3 महीना में अघासुर को, 3 महीना में त्रिणाभर्त को, 1 साल में सकटासुर को, 4 साल में उन्होंने बकासुर को, 5 साल में अघासुर को, 6 साल में कालियादम, 7 साल में गिरिराज है। और आप लोग सुनोगे कितने दैत्यों को भगवान कंस जैसे व्यक्ति को केवल 10 साल में उन्होंने पछाड़ दिया है, क्या जिनको अंदर में सारे बल जिसको अंदर में। तीसरा बोले श्री, श्री मतलब सुंदरता, ये चीज को समझो, जो भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, ये चीज को समझो, भगवान की कभी दाढ़ी मोच नहीं निकलती है। भगवान राम जगत में कितने साल तक रहे थे पता है आप, कितना साल तक थे बोलो, बोलो कौन बोलेगा, भगवान राम जगत में कितने साल राजत्व किए हैं, कितने साल तक थे, 11,000 साल था गुरु जी थे राम। आप देखना नहीं भगवान की कोई मोच नहीं देखे होंगे, भगवान की कोई दाढ़ी नहीं, भगवान राम को देखो कोई बूढ़े देखे हो, कोई भगवान लक्ष्मी को कोई बूढ़े देखे, एक चीज को समझो, भगवान का दाढ़ी नहीं होता, भगवान बूढ़े कभी नहीं होता, भगवान मरते नहीं। रामायण कौन कौन देखे, रामायण देखे हो, भगवान कैसे गए देखे ना, पूरा अयोध्या वासी सरज में स्नान कर रहे हैं, सारे वैकुंठ से रथ आता है, इधर स्नान करते उधर चतुर्भुज रूप धारण करते हुए बैठ करके वैकुंठ भी जाएंगे, भगवान कभी मरते नहीं, ये चीज को समझो। भगवान कृष्ण मरे नहीं, पूरा ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी अपना धाम में गए। श्री मतलब सुंदर, जिनकी बराबर जगत में कोई सुंदर नहीं है। और ज्ञान, अभी ठाकुर जी 64 दिन जब गए विद्यालय में, उनने 64 दिन में 64 विद्या का अध्ययन किया। देखना कोई सीए करता है ना, कोई इंजीनियर, कोई पीएचडी करता है, देखना जिंदगी भर पढ़ते पढ़ते एक विद्या को हासिल नहीं कर सकते, लेकिन ठाकुर जी 64 दिन में जगत में जितने कला है ना, 64 कला, ठाकुर जी 64 दिन में 64 विद्या को पढ़े। गुरु जी तो देख करके बोले हाँ, एक बच्चा आता जिंदगी भर पढ़ते पढ़ते एक विद्या को खत्म नहीं कर पाता, ये 64 दिन में 64 विद्या कैसे पढ़ लिया, मेरे को भी जितना पता नहीं। उन्होंने अपना पत्नी के बोले देख देख, ये जो कृष्ण बलराम लगता है कोई इंसान नहीं, भगवान है, लेकिन ये प्रमाण कैसे मिलेगा। बोले नियम है जब पढ़ लिख करके घर में जाए ना, नियम है गुरु दक्षिणा देना पड़ता है, हम ऐसे एक दक्षिणा मांगेंगे जो भगवान के सिवाय कोई दे नहीं सकते। बोले क्या मांगेंगे, बोले बचपन में मेरा बेटा मर गया था, एक बेटा था जो मर गया था, हम अंतिम समय में मरे हुए बेटे को हम दान रूप में मांगेंगे, अगर वो भगवान होगा तो मेरे बेटे को ले आएगा। उन्होंने क्या किया, बोले अगर तुम दक्षिणा देना चाहते हो मरा हुआ बेटे को वापस ले आओ। आप सुने हो बात, देखे होंगे भगवान पहले समुद्र में गए, वहाँ शंखासुर को वध किया, फिर नहीं मिला तो गई कहाँ पर, जमपुरी में गई, जब वहाँ पर उन्होंने शंख बजाए, जो काल, अभी कोरोना आया ना सबको घर में बंद कर दिया था, जो काल, लेकिन स्वयं काल थर 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 कांपते हुए आए, क्यों लगता है मेरा ही नंबर आ गया, बोले किस चीज की, बोले उन्होंने इंद्र की घमंड को चरा किया, ब्रह्मा जी के चरण में ना कर बैठे, लगता है मेरा ही नंबर आ गया, स्वयं काल कांपते कांपते आए, बोले प्रभु क्या चाहिए, बोले मेरे गुरु जी के बेटे को वापस दो, मरे हुए बेटे को उन्होंने काल जमपुरी से लेकर दिया। लेकिन ये चीज जब देवक को पता चला, मेरे बेटा गुरु दक्षिणा में मरे हुए बेटे को दिया, बोले बेटा कंस ने मेरे 6 बेटे को मार दिया, मेरी इच्छा बेटे को देखने, फिर भगवान ने 6 पुत्र को वापस लाए। भगवान उससे कहते हैं जो मरे हुए व्यक्ति को भी जो जिंदा कर सकते हैं, दीन को भी जो रात कर सकते हैं। महाभारत देखे कि नहीं, अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया, क्या सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ को मारा, देखा भैया कठिन कर, भगवान क्या किया चक्र से दीन को भी उन्होंने रात बना दिया, ये भगवान है। इसलिए भैया साधारण जो जीव है ना ये काम को कर नहीं सकते हैं, केवल भगवान ही ये काम को ठाकुर ही कर सकते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, एक बार हाथ उठा कर बोला हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।
कृष्ण बंसी बटे को नीचे बंसुरी बजाए, जितने सारी गोपियां भागते भागते आए, भगवान गोपियों के साथ में थोड़ी सी हास्य बिलक भी ठाकुर जी ने किया। बोले अच्छा हुआ है आए हो, वृंदावन की शोभा को दर्शन करते हुए तुम लोग चले जाओ। बोले कन्हैया तुमने हमने निमंत्रण दिया है आने के लिए, और जब आ गए कह तो फिर वापस चले जाओ। गोपियों ने ऐसे तर्क वितर्क किया ना, कृष्ण के जितने तर्क वितर्क उन्होंने खंडन कर दिए। कृष्ण प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के ए कृष्ण ए गोपी ए गोपी ए कृष्ण प्रभु ने रास लीला किया। रास करते करते वहां पर स्वयं शंकर भी श्री गोपी रूप धारण करते हुए श्री भोले बाबा भी प्रभु का रास दर्शन करने के लिए आए। बोले श्री गोपेश्वर महादेव की जय। ठाकुर जी प्रसन्न होकर के बोले शंकर जी आज से तुम वृंदावन में ये गोपीश्वर शिव रूप में तुम्हारी पूजा होगा। अगर कोई वृंदावन आए तुमको दर्शन नहीं करता है उसको वृंदावन दर्शन करने का फल उसको नहीं मिलेगा। क्यों? शंकर जी वहां पर द्वारपाल कर बैठे। जैसे किसी राजा से मिलोगे द्वारपाल का आदेश होगा तभी तो जाओगे ना, जाओगे कैसे? इसलिए नियम है जब वृंदावन जाओ जरूर श्री गोपीश्वर महादेव को दर्शन करना। कौन कौन देखे हो गोपीश्वर महादेव? बहुत कम लोग देखे हो, इसलिए जरूर इस बार के वृंदावन जाना। हाँ देखो हमने बता रहा था ना अभी हमारे कौन सा महीना पड़ेगा कार्तिक लास्ट 20 नवंबर है। हम कल बता रहा था 20 नवंबर को 8 दिनी को अंदर में संपूर्ण जो ब्रजमंडल 84 क्रोश है डेढ़ महीना का परिक्रमा वो केवल 8 दिन में वो पूरी होएगी। अगर जिसकी मन में इच्छा होगी हम भी नियम है एक बार जीवन में ये 84 क्रोश क्यों हम भगवान को भूल करके ये 84 लक्ष्य ध्वनि में भटकते हैं। अगर एक बार कोई ये 84 ब्रज मंडल कर ले फिर उसको 84 जो लक्ष्य ध्वनि उसको घूमना बंद हो जाता है। इसलिए बड़ी महीना विदेश का लोग भी आ करके एक एक महीना डेढ़ डेढ़ महीना परिक्रमा करते हैं, हैं? इसलिए जिनकी इच्छा होगी हम भी ये परिक्रमा करना चाहते हैं, हैं? अगर आप लोग आज अगर आप लोग अपना फोन नंबर नाम दे करके जाओगे फिर तो आपको हम उसमें जोड़ लेंगे, फिर आप उनसे बात कर सकते हो हम जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। लास्ट में इनको अपना नाम एड्रेस दे जाना, ठीक है? इसलिए भगवान श्री प्रभु ने दिव्य रास लीला की। इतने में भगवान कृष्ण जब उन्होंने कैसी दत्त को वध किया, इतने में नारद जी बोले प्रभु आप तो ब्रज लीला में इतने मस्त हो गए भूल गए क्यों किस लिए आए हो। अभी कंस को मारना, द्वारका जाना, 16,001 पटरानियों से शादी करना, प्रभु जाना चाहते हो तो मैं प्लेटफॉर्म बना देता हूँ। बोले ठीक है। उनने जाकर कंस को भड़का दिया। बोले तुमको पता है कृष्ण बलराम कौन? बोले कौन? बोले जो आकाशवाणी हुई थी ना देवकी की अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा, ये देवकी की बेटा। बोले कैसे? बोले तू रात को सोता रह गया और वसुदेव राता रात पहुंचा दिया गोकुल में, ये कृष्ण बलराम देवकी वसुदेव का बेटा है। बोले मेरे साथ में धोखेबाजी किया। बोले क्या करनी चाहिए? बोले कोई चिंता मत करो, अभी भी तेरे पास में बड़े बड़े पहलवान हैं, कृष्ण बलराम को धनुष यज्ञ की बहाना बनाकर बुलाओ, यहीं पर उसको पीस डालो। कृष्ण बलराम को बुलाए, जब भगवान प्रवेश किया मथुरा में, जिस गली में जाए उसी गली में बोले श्री कृष्ण बलराम की, गली गलियों में ठाकुर की जय जयकार। इतने में सखाओं ने बोला कन्हैया क्या बात है, जिस गली में जाए तेरी जय जयकार, क्या तेरे को जानते हैं क्या? बोले तुमको पता नहीं मैं कंस का खास मामा, कंस मेरे खास मामा लगते हैं, तभी तो रथ लेकर के बुलाए। बोले तू पहले क्यों नहीं बोला? बोले क्यों? बोले देख मथुरापुरी कितने सुंदर, हमारे कपड़े को देख कैसे मैला मिला कपड़ा। बोले चिंता क्यों करते हो, आगे चलो। और धोबी कंस के लिए बड़े सुंदर सुंदर कपड़ा ले जा रहे थे। कृष्ण ने बोले थोड़ी हमारी सखाओं को पहनाओगे? जब उसने क्रोध किया ना, बोले ज्यादा बोलोगे ना, जिसके लिए तुमको बुलाया वो काम मैं कर दूंगा। कृष्ण ने देखा ये धोबी कौन है? बोले रामावतार में जिसने माता सीते को ऊपर में अंगुल उठाया यही कोई है। इसलिए कृष्ण एक थप्पड़ मारे ना पूरा गला को अलग कर दी। बोले भैया हाथ में क्या अस्त्र फीट कर करना, एक थप्पड़ मारा तो गला ही कट गया। भैया वही अघासुर बकासुर को मारने वाले भागो यहाँ से। उन्होंने क्या किया, सबके सब
वस्त्र को फेंक करके भाग गए। कृष्ण ने सखाओं बोले सखाओं अपना मन मर्जी वस्त्रों को उठा लो। इतने में गए बोले कन्हैया यहाँ पर तो बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लिया, लेकिन थोड़ी फूलों की माला की व्यवस्था हो जाए। वहां पर सुदामा माली को पास में गए, बड़े सुंदर ठाकुर के लिए उन्होंने माला पहना दिया। बोले कन्हैया एक चीज की कसर रह गई, देखो ध्यान देखो सुनो, बोले किस चीज की कसर रह गई, बोले थोड़ी अगर तिलक लग जाए ना आम लग जाए है, तिलक लग जानी चाहिए। फिर इन्हें पूजा ने बड़े सुंदर ठाकुर जी का तिलक लगाए। सखाओं ने कहा कन्हैया तू तो केवल लेना जानते हो देना नहीं सीखा। बोले क्यों, बोले देख तीन जगह से टेढ़ी, बोले मैं भी तो तीन जगह में टेढ़ा आ गई, अभी टेढ़ी टेढ़ी तो जोड़ी बड़ी प्यारी, बोले इसकी कृपा कर दो। कृष्ण ने क्या किया, चरणों के ऊपर चरणा थोड़ी में एक हाथ पीठ पीठ में रख करके एक झटका मारे ना वो सीधा हो गई, इतने सुंदरी बन गई, भगवान के हाथ स्पर्श हो गया। इतने में कृष्ण के दोपटा को पकड़ लिए, बोले ठाकुर जी ये सुंदर तुमने दिया है इसको तू ही भोग कर सकता हो। बोले तेरे को शर्म नहीं, यहाँ जेठ खड़े कपड़े पकड़ के खींच रहे, अरे पहले कंस को मार करके फिर आऊंगा। इसलिए ठाकुर जी फिर कहाँ पर गए, जो धनुष रखा हुआ था जिसको 400 व्यक्ति उठाते थे, इतने बड़ा धनुष, वो तो धनुष किसका धनुष, ये परशुराम भगवान का धनुष था। परशुराम ने कहा देखो कंस ये धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ेगा तेरे को छोड़ नहीं सकता, ध्यान रखना धनुष को। जिसको 400 व्यक्ति उठाते थे, चारी तरफ में बड़े बड़े पहलवान वहां पर घिरे हुए हैं, कोई धनुष यज्ञ हो रहा था। कृष्ण बलराम गए, कृष्ण ने दाऊ भैया को बोले दाऊ भैया थोड़ी सी ये धनुष को उठा करके देखो, वहां जो पहलवान लोग थे ना बड़े ढाल से, जिसको 400 व्यक्ति उठाते करते बच्चा 10-10.5 साल का बच्चा उठाएगा। इतने में कृष्ण देखते देखते छलांग लगाए और उन्होंने धनुष को पकड़ करके उठा दिया। जब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए गया इतने में धनुष दो टुकड़े हो गए, जब दो टुकड़े हो गए कंस ने जब ये आवाज सुनना वो डर गया, बोले क्या हो गया, बोले कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया। उसको परशुराम की बात याद आ गया, परशुराम ने कहा था इसको कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ेगा तेरे को छोड़ नहीं सकता। बोले हे भगवान नारद तो बड़ी गड़बड़ी करते हैं, क्यों हमने जानबूझकर काल को बुला दिया, रात को जब सोए ना वो सपना देखा गद्दे के ऊपर बैठ करके दक्षिण दिशा में जा रहा है, मतलब मृत्यु देखा, सारा शरीर में तेल लगाया हुआ, शीशा में देखे तो परछाई नहीं आता है, जब चलता है परछाई में छेद दिखता है, मतलब ये सब के सब मृत्यु का सब चिन्ह उन्होंने देखा। दूसरे दिन बोले देखो कृष्ण बलराम के साथ में मल्ल युद्ध में मल्ल क्रीड़ा होगा, मेरे सिंहासन बड़े ऊंचे आसन पर बनाना, जैसे कृष्ण मेरे को छू नहीं सकते हैं। कृष्ण जब वहां पर प्रवेश किया बोले जिनकी भावना रही जैसी हरि मूरत देखी तीनी तैसी, भगवान को अलग अलग रूप में देखा और वहां पर चरम मुष्टि को साथ में ठाकुर जी युद्ध करते करते खेल खेल में उनको वध कर दिया। इतने में कंस ने देखा हे भगवान इतने छोटा बच्चा इतने बड़े बड़े पहलवान को पछाड़ दिया, बोले भैया ये दोनों को जेल में बंद कर दो। बोले मामा जी बोले मामा जी आप तो बड़े ऊंचे आसन पर बैठी करके बड़े हाथ हिला हिला कर बात कर रहे हो। कृष्ण एक छलांग लगाए कंस को पास से पहुंच गए, बड़े ऊंचा में बैठा हुआ था, बोले ये कहां से आ गया। इतने में कृष्ण उसको चोटी को पकड़े, बोले मामा जी याद है आपने कभी मेरी मैया की चोटी पकड़ी थी, जो लोग स्त्रियों को बड़े अत्याचार करते हैं उनको दंड देने के लिए मैं आ गया। उसको चोटी को पकड़े और मार झटके, एक झटका मार तो सीधा नीचे फट गया, अरे नीचे ऊपर से नीचे गिरते गिरते ही खत्म। कृष्ण उसको ऊपर आ गए, अभी कंस के दो पत्नी अस्थि और प्राप्ति रोने लग गई, लेकिन कृष्ण भी थोड़ी ऊपर ऊपर से रोए, बोले मामी मामी मैं तो ऊपर मामा से मिलने गया था, मेरे को क्या पता मामा इतने जल्दीबाजी करेंगे, वो जल्दीबाजी मिलने के लिए किया ना उनको प्यार स्लिप हो गया, अच्छा हो गया मामा नीचे हम ऊपर आ गए, अगर हम भी नीचे आते हम भी रामना हमारी सत्य हो जाता। फिर उन्होंने कृष्ण बलराम कंस को लेकर के ध्रुव जो घाट में उनको संस्कार किया और एक मथुरा में विश्राम स्थल वहीं पर विश्राम किया था, उस स्थान का नाम पड़ गया विश्राम घाट नाम पड़ गया है। इसलिए ठाकुर जी फिर उनने भगवान की 16,108 पटरानियों से शादी हुई, हर पत्नी से
दस दस बेटे एक एक बेटी ठाकुर जी की हुई है, ठाकुर जी की बेटी हुई। जिस जिस समय काल जबर आक्रमण कर रहा था एक तरफ में जरासंध, बोले क्या करनी चाहिए, एक तरफ में युद्ध करने के लिए जाएंगे तो दूसरे तरफ में आक्रमण करेगा। विश्वकर्मा को बुलाए, बोले समुद्र के बीच में तुम द्वारकापुरी निर्माण करो। जोग माया को आदेश दिए, जितने मथुरावासी सोए हुए रातारात उनको पहुंचा दो द्वारका में। सब के सब सो रहे थे कहाँ, मथुरा में। जब सवेरे उठे ना, बोले द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, क्योंकि वो तो मथुरा में नहीं थे, समुद्र के बीच में थे। बोले भैया आप तो कहीं सोए हुए थे, यहाँ कहाँ आ गए। इसे बोले द्वारका, द्वारका, बोले तो स्थान का नाम क्या पड़ गया, द्वारका नाम पड़ गया। इसलिए ठाकुर जी द्वारका में बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर जी लीला करते हैं। रुक्मिणी को साथ में शादी होगी, कृष्ण रुक्मिणी बने कि नहीं, कौन कौन बने, कृष्ण को जब जाओ आप लोग बन जाओ, बन करके आओ कृष्ण रुक्मिणी। हाँ देखो, हम लोग ने 7 दिन तक कथा सुने हैं। कितना दिन तक कथा सुने, 7। नियम है जब हम कथा सुनते हैं, कुछ लो और कुछ दो। बोले भैया ले किया और दे किया, बोले यहाँ पर जितने गंदी चीज को दे जाओ। बोले ले करके किया जाए, बोले ठाकुर का प्रेम, ठाकुर का भक्ति यहाँ से लेकर जाओ, खाली झोली से यहाँ नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना। बोले दे तो क्या चीज दे, बोले गंदी चीज को दो। बोले कितने गंदी चीज, भागवत में 4 चीज को गंदी चीज बताया, ध्यान देकर सुनो, कितना चीज को गंदी चीज बताया। बोले जिसको श्री परीक्षित महाराज ने कहते 4 चीजों में उन्होंने कली को उन्होंने स्थान दे दिया। अतः अगर भगवान की भक्ति करना तो हमें 4 चीजों को हमें त्याग देनी चाहिए। अभी ध्यान देकर सुनो, क्या 4 चीज को देख करके छोड़ करके जाओ। पहला नंबर है जुआ नहीं खेलनी चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज है, बोले देखो मैंने ये जुआ खेल कर तो मेरी कितने सत्यानाश हो गया, राज्य गया, भाई गए, और भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र हरण देखना पड़ा हमें। फिर 12 साल तक जंगल में रहे, 1 साल तक अज्ञातवास में रहे। अगर कोई जीवन में जुआ खेलेगा ना, इतने नीचे तक आप उतर सकते हो। इसलिए कहते कभी भी जुआ में हाथ मत लगाओ। जुआ खेल करके अभी कोई भी बड़े आदमी नहीं बने। ये जुआ ऐसे की चीज़ है ना, खेल भी नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते। लगा और एक दाव फेंको, शायद जीत जाओगे। करते 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 ऐसे सबके सब चल जाएगा। इसलिए कभी जीवन में जुआ नहीं खेलो। दूसरा नंबर पानम। पानम का मतलब होता है किसी तरह का नस्ली के बच्चों को बैठा कर रखा। इसलिए किसी तरह का नस्ली वस्तु नहीं लो। नस्ली वस्तु जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटखा, ये सब चीज को मत लिया करो। बच्चों को शराब पीना से मना करो। मेरे पास में कुछ माताएं आई थी, जिसका पति शराब पीना शुरू हो गया, समझो घर उसके खत्म, खत्म उसका घर, घर और बचने वाले नहीं। पहले बताए ना, ये शराब पीने से 3 लाभ होता है। पहला लाभ क्या है, बूढ़ा नहीं बनेगा। दूसरा लाभ, चोरी नहीं होगी। तीसरा, घर में तुम्हारे कुत्ते दोस्त बनेंगे। मतलब क्या है, जो शराब पीते हैं बूढ़ा कब होगा, जिंदा होगा तभी तो बूढ़ा रहेगा। मैं तो सारा दुनिया में जाता हूँ। अभी हमारे कोई था परिचित परिचित, अभी उन्होंने 30 साल में शरीर छोड़ दिया। बोले क्यों, पी पी करके शराब पूरा नाड़ी भाड़ी सब खत्म हो गया था, लीवर फीवर खत्म, कोई बचने का सवाल नहीं था। इसलिए शराब कभी भी घर में बच्चों को पतियों को मना करो। यहाँ पर भी कुछ माताएं आकर मेरे को बोल रही थी, कुछ कुछ माताएं हम बहुत परेशानी पति के लिए, ये शराब नहीं छोड़ता, घर में लड़ाई झगड़ा होती है। शराब पिया अगर कोई व्यक्ति समझो घर सत्यानाश, खत्म उसका। इसलिए हर समय ये चीज से दूर रहो। चोरी नहीं होगा, चोरी कब होगा, घर में होगा कुछ तो चोरी होगी, तब सबके सब बेच बाज कर पी पा कर खत्म कर दे चोरी की स्थिति को। इसलिए सब चीज से दूर रहनी चाहिए। देखो और एक चीज छोड़ना है, मुझे लगता है आप भी शराब नहीं पीते हो, माताएं तो भी पीती नहीं, लेकिन आप लोग एक चीज लेते हो, चाय लेते हो। क्या लेते हो, चाय। पर ये चाय भी नहीं पीनी चाहिए। आप बोले क्यों नहीं पीनी चाहिए, अच्छे तरह सुन लो। पहले हमारी भारत में ये चाय नहीं थी, ये अंग्रेजियों ने हमें गुलाम बनाने के लिए पहले चाय लाई। बड़े बूढ़ों को पूछ लो, पहले ये स्वयं चौराहा पर बनाते थे, फ्री में बेचते थे, फ्री में नहीं बोलते तो, एक कप चाय पिएगा ना उसको 1 रुपया मिलेगा। हम लोग ऐसे है ना, जहर भी हमें दे बिना पैसा में पी लेते हैं। वो जहर था, उसमें निकोटीन कभी नहीं है। देखना जैसे चाय पीते हो,
जो चाय पीने का समय आ जाए, अगर नहीं पियोगे तो क्या होगा बोलो? सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। क्यों? उसमें जहर भरा हुआ है। रामदेव बाबा का योगा देखे हो, एकदम मना करता है चाय पीने के लिए, बोले उसमें पीने से गैस्ट्रिक बनता है, बीमारी बनती है, खाली पेट में जल पीने का विधान, चाय पीने का नहीं, एकदम मना करता है। अगर चाय छूटती नहीं, चाय पीने का इच्छा, हर्बल टी, गोकुल टी, प्रज्ञा, ये सब चीज मिलती है, वो चाय का स्वाद आएगा, लेकिन वो जड़ी बूटी है, वो जड़ी बूटी है, उसको पीने से हेल्थ अच्छा होगा। इसलिए उन लोगों ने किया क्या देखो, बोले एक रुपया मिलेगा, हम तो मूर्ख बेवकूफ, बोले एक रुपया चाय उसी समय में, लो लो दो पिए, कुछ दिन बाद तो 50 पैसा, कुछ दिन बाद 25, कुछ दिन बाद में जो नशा चढ़ गया ना, बोले कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, तभी पिए, नशा चढ़ गया, बोले 50 पैसा दो, 1 रुपया दो, 2 रुपया दो, 5 रुपया दो, अभी कितना पैसा है एक कप चाय? 10 रुपया। बॉम्बे में तो हम गया था, देखा वहाँ पर तो 30-35-35-35 रुपये एक चाय, इतने पैसा चाय, उतना पैसा है ना, अगर 2-3 बार चाय पीते हो ना, दिन भर का रोटी अगर सब्जी खाओगे तो दिन भर का खर्चा चल जाएगा, कितना चाय में खर्चा करते हो है। लेकिन हम बेकूफ बने, अंग्रेजी का बिजनेस को हमने बना दिया, उनको बिजनेस को बढ़ा दिया आपने, हम बेकूफ बन गए। इसलिए भैया क्या करो, कोशिश करो, ये नस्ली वस्तु है, इसको धीरे धीरे हर्बल के लेकर के जो हेल्थ के लिए अच्छा है वो चीज को लिया करो, कोशिश करो धीरे धीरे किसी चीज छूट जाएगा। तीसरा चीज है स्त्री, बोले कली का जो तीसरा स्थान स्त्रियों में, बोले कौन सा स्त्रियों में कली का निवास है, बोले बगैर शादी के जो स्त्री पुरुषों से मिलते हैं, पुरुष स्त्रियों से मिलते हैं, वहां पर कली का निवास है। इसलिए संसार करो, शादी करके अपना धर्म, पत्नी को साथ में अपना धर्म को निभाते हुए हमें क्या करनी चाहिए, घर गृहस्थी करनी चाहिए। इसलिए जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, शास्त्र एकदम इस चीज को मना किए, इस चीज को, इतना डाइवोर्स क्यों हो रही है सब दुनिया में, यही कारण है ना, शादी से पहले जो लड़की इतने लड़कों से मिलकर के जाएगी, एक लड़का इतने लड़की से मिलेगी, शादी कभी टिक सकते उनको? शादी कभी नहीं टिक सकती उनकी, तभी तो शादी नहीं टिक रही है, तभी पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, शादी के बाद में उल्टा पुल्टा काम होना शुरू हो जाती है। इसलिए ये सब चीज को हमें त्याग देनी चाहिए। चौथा चीज जीव हिंसा, जीव हिंसा में जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, ये सब चीज को हमें नहीं लेनी चाहिए। इसलिए इसका नाम कहते हैं मांस। मांस मतलब क्या है, माता जी वहीं पर बैठो, कहाँ जा रहे हो, अंदर में वही बैठो, अंदर में नहीं जाना, इसको अंदर में आने नहीं देना, वहीं पर खड़े रहो, नहीं तो वहीं पर बैठ जाओ। इसलिए बोले मांस, मांस मतलब क्या है, मान मतलब होता है मुझको, सह मतलब होता है वह, मतलब अभी तुम जिसको खा रहे हो बाद में तुमको जो खाएगा, इसलिए अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, मीट, मीट मतलब मी ईट और ईट मी, मतलब अभी तुम जिसको खाते हो बाद में तुमको वही फिर खाएगा। ये भागवत में कथा आती है, एक सुरत राजा थे, यज्ञ में जानवर को बलि देते थे, नारद जी से मिले, बोले क्या कर रहे हो, बोले पशु वध कर रहा हूँ, बोले तेरे को पता है क्या परिणाम किया है, बोले क्या, बोले देख लो तेरे को दिखाता हूँ। उनने कमंडल से पानी लेकर के मंत्र पुत करके छोड़ दिया, छोड़ते ही देखा 3 जंतु द्वारे और उसको पकड़ करके ले जा रहे थे, जितने जानवर उसने खाया था सबके सब लाइन से खड़े हुए थे, ऐसे तलवार लेकर दिए, बोले भैया तुम कौन, बोले याद है पहले तुम्हें हमें खाया था, बोले बेटा पाप अपना बाप को नहीं छोड़ता है, उसको टुकड़े टुकड़े कर काट रहे थे, वो चीख रहा था छोड़ो छोड़ो, बोले जब हमें काट रहा था तब आनंद आनंद कर रहा था, इसलिए भैया पाप इसको नहीं छोड़ता है, एक एक करके भुगतना पड़ेगा। देखो हम जीवन में सुख चाहते ना दुख चाहते, बोलो जोर से बोलो, सुख चाहते, कोई जीवन में दुख नहीं चाहते, हम क्या कहते हैं सुख देने से ही सुख मिलता है और दुख देने से क्या मिलेगा, दुख ही मिलेगा। अगर हम किसी जानवर को मारते हैं वो जब हा भरता है वो पाप किसको लगेगा, जो खाने वालों को लगेगा। इसलिए भागवत में बताया 5 व्यक्ति को ये पाप लेना पड़ता है, है बोले हंती उसको जो काटता है, विक्रांति जो उसको उसको बेचता है, जो रसोई बनाता है, जो अनुबंधन पैसा देता है, जो उसको खिलाता है, कहते 5 व्यक्तियों को ये पाप बांट करके ये 5 व्यक्तियों को लेना पड़ेगा। इसलिए ये चीज को हमें त्याग देनी चाहिए, ठीक है ना। बोले श्री वृंदा ये बच्चे किसके बच्चे, इसको बैठा, वो किसके बच्चे सब, इनको बैठा, कोई
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहती है चीज को हमें त्याग देनी चाहिए। और एक चीज है कि जो प्याज लहसुन है ना, इसको भी प्याज लहसुन भी हमें त्याग देनी चाहिए, क्योंकि ये ठाकुर जी की सेवा में ये नहीं लगती है, ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है। जैसे नवरात्रि देखना, 9 दिन तक हम लोग कोई प्याज लहसुन नहीं खाते, खाते हो कोई? 9 दिन तो कोई हम प्याज लहसुन नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? बोले माता जी को पसंद नहीं, तभी तो नहीं खाते हो ना। क्या फिर उसको बाद में खा करके फिर माता जी को नाराज कर लो? फिर 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा सुन लो। इसलिए जो चीज माता जी को पसंद नहीं है, वो चीज हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए। जो चीज ठाकुर नहीं खाते, हमें भी स्वीकार नहीं। देखो पुराण में कथा थी, ये प्याज लहसुन क्यों नहीं खानी चाहिए? पहले लोग जो ऋषि मुनि लोग होते थे, अपना आश्रम में गैया पालते थे, लेकिन गो माता है इसलिए गैया को मारने नहीं देते थे। अगर कोई गैया बूढ़ी हो जाती थी, उसके लिए यज्ञ करते थे, वो गैया को बलिदान देते थे, सब हाथ में मांस दे करके आहुति में डालते थे। ऋषियों के पास में इतने मंत्र शक्ति थी, वो बूढ़ी गैया को जवानी बना देते थे, इतनी शक्ति थी। कोई गैया बूढ़ी हो गया, उसको एक हवन की व्यवस्था की, उसको बलिदान दे के सबके हाथ में मांस दिया, बोले सबके सब इसमें आहुति डालना। हर तरह के व्यक्ति होते हैं, किसी ने उसको देख करके ना मांस खाने की इच्छा हो गई, बोले सबको सामने खाए कैसे, उसने राख में छुपा दिया, सबके सब आहुति डाले। ऋषि ने मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ते जो बूढ़ी गैया वो एकदम जवान बनकर निकली, लेकिन जिस अंग का मांस को छुपाया ना, वो भरा नहीं, घाव बना हुआ था। ऋषि तो त्रिकाल दृष्टा ध्यान लगाया, ऐसे कैसे हो गया? देखा किसने मांस खाने के लिए उसने राख में छुपाया, फिर उन्होंने अभिशाप दे दिया, बोले जहां पर ये मांस को छुपाया वहीं पर प्याज की पौधा हुई, जैसे मांस लाल लाल रंग के ये प्याज भी लाल रंग बनेगा, जैसे मांस सड़ जाने पर बदबू आती है, आप देखना कच्चा प्याज खाओ आपका मुंह से भी बदबू आएगी। यहाँ पर प्याज काटो, देखा पूरा पता चलेगा भाई प्याज कट रही है, प्याज की छों को देखना उसका भी बदबू आती है, हैं आंखों से आंसू आ जाती है। इसलिए जब नवरात्रि आती है ना, देखना 9 दिन तक इसको कोई क्या करते हैं, 9 दिन तक नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि माता जी नाराज हो जाएंगे, माता जी के व्रत रख रहे हैं, इसलिए गंदी चीज तब तो छोड़ देते ना। क्या 9 दिन तक गंदी चीज छोड़नी चाहिए? पूरी खानी चाहिए, फिर माता जी को फिर नाराज करो खा करके। इसलिए माता जी को जो पसंद नहीं, हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए। और जो चीज ठाकुर जी को भोग में नहीं लगता है, वो चीज भी हमें भी नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कोई कोई कहते हैं भैया बगैर प्याज लहसुन के ऊपर स्वाद नहीं आती। क्या कहते हैं? स्वाद नहीं आती, बोलते हो ना, ऐसे बात नहीं। ये जो दाल है ना, इसकी एक अलग स्वाद है, सब्जी की एक, हर चीज की एक अलग स्वाद। ये जो प्याज लहसुन दो गुंडे हैं, ये कौन है? दो गुंडे हैं, जब प्याज लहसुन छोंक दे दिया ना, देखना दाल का तो स्वाद खत्म, सब्जी का स्वाद खत्म, इसकी बदबू आती है, प्याज लहसुन की बदबू आती है, हम उसको स्वाद मान लिया। अभी रोज रोज यहाँ प्रसाद बनता है, बताओ प्रसाद अच्छा लगता है कि नहीं? क्या उसमें प्याज लहसुन डाला हुआ है? डाला हुआ है। देखो घर में रोज प्याज लहसुन बनता है, कोई कोई तिथि तिवार कोई आ जाते, जिस दिन घर में प्याज व्यवहार नहीं होता है, ठाकुर को भोग लगता है, देखना खाने में उस दिन अलग स्वाद आता है, आता कि नहीं स्वाद? क्यों? ठाकुर जी को भोग लगा है, ठाकुर जी को भोग लगा है। इसलिए जो प्याज लहसुन है, हमने खा खा कर ना आदत को बिगाड़ दिया है हम लोगों ने। लेकिन ये जो प्याज लहसुन है, आप देखो तुम्हारी घर में एक दो पीढ़ी पहले तुम्हारे घर में नहीं आती होगी, क्योंकि हर हिंदू घर में ठाकुर को पूजा होती थी, ठाकुर को भोग लगा के खाते थे। बोले फिर हमारे घर में प्याज लहसुन कहाँ से आता? ध्यान देखो सुनो, ये प्याज लहसुन मुगल लोगों ने लाए, ये मांस शराब ये सब, क्योंकि पहले कोई हिंदू ये सब ग्रहण नहीं करते थे। धीरे 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 हम खा खा करके पहले प्याज खाएंगे, फिर अंडा खाना शुरू कर देंगे, उसमें पेट नहीं भरेगा, पहले मांस मछली फिर ले आओ, धीरे धीरे आदत तामसिक प्रवृत्ति बनती जा रही है। इसलिए जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे अन्न खाओगे ना मन तुम्हारी वैसे ही बनेगा। ठाकुर जी को फिर भोग नहीं लगता, ये चीज भोग लगता है ठाकुर जी को नहीं? देखो ठाकुर जी को भोग लगाकर खाने का कितने पुण्य, देखो ये चीज को समझो, और नहीं खाने का कितना बुरा असर है।
आप लोगों ने टीवी में देखा होंगे सुदामा जी का चरित्र है। जब कृष्णा सुदामा वनवास में जा रहे थे जंगल में, उनको गुरु माता सुदामा जी को चाना दिया था, बोले सुदामा कृष्ण को दे करके खाइयो। बताओ सुदामा क्या किया? ठाकुर जी को दिया नहीं, छुपा करके खाया। बोले इसका दंड करके भोगना पड़ेगा, इतनी गरीब उठाया, इतनी दुख करते जीवन में भोगा। फिर धनी का बना, जब ठाकुर जी के लिए दो मुठ्ठी चिड़वा लेकर गए, ठाकुर जी दो मुठ्ठी खाए तो त्रिभुवन का राज्य ठाकुर जी दे दिए। हैं, इसका मतलब है जब कोई चीज ठाकुर को भोग लगेगा ना, घर में धन आएगा। क्योंकि एक चीज अच्छे तरह समझो, पैसा को हम लक्ष्मी कहते हैं। क्या कहते हैं पैसा को? लक्ष्मी तुम्हारी ना, लक्ष्मी ठाकुर जी को बोलो। बताओ लक्ष्मी तुम्हारी ना, लक्ष्मी नारायण की। किसकी है? नारायण की। वो लक्ष्मी जब ये नारायण कृष्ण की सेवा में लगेगी ना, तब लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर प्याज डाल कर खाओगे तो वो ठाकुर को नारायण सेवा में नहीं लगेगी। नहीं लगेगी तो लक्ष्मी तुम्हारे घर में दुखी रहेगी, नाराज रहेगी। अगर लक्ष्मी तुम्हारे घर में नाराज रहे ना, भले ही अरब खरब रुपया तुम्हारे घर में आ जाएगी, देखना घर में शांति सुख नहीं देगी। घर घर में लड़ाई लगाएगी, कोई बड़ी बीमारी लगा देगी, कोर्ट कचहरी लगा देगी, सारे पैसा बह जाएगी। क्यों? तुम्हारी घर में लक्ष्मी दुखी है, तुम्हारी घर में लक्ष्मी खुश नहीं। ये चीज समझ रहे कि नहीं? किसने समझ लिया चीज को? सब समझ गए ना? हाँ, लक्ष्मी तुम्हारी नहीं, लक्ष्मी ठाकुर जी को। लेकिन सब चीज पैसा से खरीदी करते हैं, जैसे घर में खाना बना पैसा से, लेकिन जब ठाकुर को भोग लग गया, क्या हो गया? लक्ष्मी नारायण की सेवा में लग गई तो लक्ष्मी खुश हो, लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। ठीक है ना? ये चार चीज को कोशिश करना, धीरे धीरे इसको छोड़ करके भगवान की प्रसाद बना करके बच्चों को खिलाओ, तुम भी खाओ, घर में तुम्हारी शांति से। इसलिए चार चीज को छोड़ो, बोले चार चीज को जोड़ो। बोले चार चीज में क्या जोड़े? पहला नंबर जोड़ने चाहिए, हर घर में ये ठाकुर जरूर होनी चाहिए। क्योंकि ये दुनिया ठाकुर ने बनाया, ये ठाकुर का दुनिया, हमने कोई चीज नहीं बनाया। किसने बनाया दुनिया को? ठाकुर ने बनाया। जब ठाकुर ने बनाया दुनिया को, हमारी कर्तव्य है ठाकुर जी की पूजा करें। देखो एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान देखो सुनो। आप लोग बोलोगे क्यों ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए, आप याद करना, दूसरों को भी समझाना, अच्छे तरह सुनो। बोले एक समय कोई भी गरीब भिखारी था, वो दरवाजा दरवाजे पर भीख मांग रहा था। मांगते मांगते किसी एक धनी व्यक्ति किसी सेठ को घर में चला गया। बोले बाबू जी कुछ भिक्षा दे दो। वो सेठ निकल कर के आया, बोले तो काम कर खा नहीं सकते, भीख क्यों मांगते हो? बोले बाबू जी मजबूरी में मैं मांग रहा हूँ। बोले क्या मजबूरी? बोले मैं तो कोशिश करता हूँ काम करने के लिए, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाता, फेल हो जाता है, इसलिए मैं मजबूरी में भीख मांगता हूँ। बोले बेटा ये काम करोगे? बोले बताओ। बोले मेरा चावल का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, तो मेरे इसमें पार्टनरशिप बनाना चाहता हूँ, मेरे तो पार्टनर बन जाओ। लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई भीख मांगते मांगते अगर कोई करोड़पति को घर में पहुंच जाए, बोले मेरा पार्टनरशिप बनाता हूँ, किसको विश्वास होगा? उसको विश्वास नहीं हुआ। बोले मेरे साथ में हंसी दिलेक नहीं कर रहे हो? बोले हंसी दिलेक नहीं कर रहा हूँ, मैं सचमुच से कहता मेरे पार्टनर बन जाओ। अगर बोलोगे ना, ये पूरा का पूरा बिजनेस मैं तेरे को दे देता हूँ, ये सारे बिजनेस तू ले ले, लेकिन एक काम करियो, इसका जो 10% है मेरे को दो और 90% तुम रखो। क्या? बोले कितना देने के लिए? देखो ये कथा भी याद करना, दूसरों को भी सुनाना, बड़े महत्वपूर्ण से क्या है। कितने देने के लिए कह रहे हैं? 10% मेरे को दो और 90% तुम रखो। बोले बाबू अगर यही से करोगे ना, दिन रात मेहनत करके मैं पैसा कमाऊंगा, और महीना पूरी होने से पहले मैं 10% दे दूंगा। बोले ले सारे बिजनेस ले लिया, सारे बिजनेस ले लिया, लेकिन जब एक महीना पूरी हो गया ना, वो व्यक्ति नहीं आया पैसा देने के लिए। उसने सोचा शायद हो सकता है काम में बिजी हो गया, अच्छी बात है काम अच्छे तरह से धंधा करे। लेकिन जब दो महीना हो गया ना, तभी वो व्यक्ति नहीं आया। जब तीन महीना हो गया, तभी वो व्यक्ति नहीं आया। जब छह महीना बीत गया, बोले भैया उसका राम नाम सत्य नहीं हो गया? तो एक बार जाकर देख करके आता तो सही, लेकिन जब उसने आया ना, देखा क्या आलीशान मकान बनाया, क्या दुकान, क्या ठार बार, क्या कार खड़ी, कितने नौकर काम कर रहे, एकदम चमाचम रह रहे। उसने आकर के बोले भैया मेरे को जानते हो? लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है, बोले तू कौन हो? क्या कह रहे? तो कौन हो? बोले मैं कौन हूँ? तो भीख मांगते मांगते मेरे घर में आया था, अरे मेरे सारे बिजनेस मैंने तेरे को दिया।
तो कहते तू कौन हो? बोले ओ आप वही हो? बोले हाँ मैं वही हूँ जिसने तेरे को सारे बिजनेस तेरे को दे दिया था। तेरे साथ में क्या बात हुई थी? डील क्या हुई थी? 10% मेरे को देना, 90% तू रखना। बोला था कि नहीं? बोले हाँ। बोले 6 महीना हो गया, तू गायब कहाँ हो गया? क्या चक्कर है? देखो व्यक्ति क्या कहता है। बोले किस चीज की 10% है? मैं कमाऊंगा धमाऊंगा सब कुछ, तेरे को बैठी बैठी 10% दूंगा। अगर ऐसे कोई व्यक्ति कहता है आप उसको क्या बोलोगे? बोलो आप लोग क्या बोलोगे? बोलो जोर से। कोई कहते चोर छोटे बोलेंगे, आप क्या बोलोगे? नमक हराम। और क्या बोलोगे? बेईमानी। वो बेईमानी हम नहीं, ये चीज को समझो कितने हम बेईमानी हम नहीं। बताओ किसने हम कृपा करके हमें ये मानव शरीर दिया है? किसकी कृपा से तुमको ये जीवन मिला? वो हमें गधे कुत्ते सुअर बना सकता था, पेड़ बना सकता था, लेकिन हमें क्या दिया उन्होंने? इंसान का जीवन दिया है। कितने लोग लंगड़े लूढ़े होकर घूम रहे हैं? वो हमें लंगड़े लूढ़े भी बना सकता था, बना सकता है, अंधा भी बना सकता था, लेकिन हट्टे कट्टे हमें बनाया था। हट्टे कट्टे ठाकुर जी बनाए ठाकुर जी, लेकिन कृपा करके ये दुनियादारी बिजनेस घर मकान किसने दिया है हमें? बोलो किसने दिया है? ठाकुर जी दिए हमें सब कुछ, उसने ही हमें कृपा करके सब कुछ दिया है। वो एक आंख दे सकते थे, हमें कितने आंखें दे दिए? क्यों दो दे दिए? किसने दिए? इसी कारण से अंधा हो गया ना, दूसरा आंख देख सकते हो। एक हाथ दे सकता था, कितने हाथ दिए हैं? दो क्यों दिए? अगर किसी कारण से एक हाथ खराब हो गया तो दो हाथ से काम कर सकता हो। कितने पैर दिए? क्यों? एक अगर खराब हो गया दूसरे से कितना, उनने किडनी कितने दिए हैं? दो दिए। बोले एक क्यों नहीं दिया? ठाकुर जी कितने, इसलिए सूरदास का पद है। सूरदास का नाम सुने हो? जो कहता है मैया मोरी मैं नहीं, वो कहते हैं बोले जिनी तनु देही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी मौसम कौन कुटिल काम। हिंदी समझ रहे हो? कौन कौन हिंदी समझ रहे हो? देखो ये सूरदास का जिनी तनु देही, बोले जिसने तुम्हें ये मानव शरीर दिया ताही बिसराई, तो उसको ही भूल करके बैठ गया। बोले कैसे नमक हरामी मौसम कौन कुटिल हलकामी, वो तुमसे पैसा नहीं मांग रहे हैं 10%, वो समय मांग रहा है। दिन रात मिलकर कितना घंटा होता है? 26 घंटा होता है। अगर 26 घंटा 10% लोगे ना, कितने समय होगा उससे? कभी कभी 2 घंटा 40 मिनट होता है। ठाकुर जी कहते कम से कम तुम मेरे को 10% दिया करो, 2 घंटा 40 मिनट बैठ कर भजन करो, मेरी हरिनाम करो, ठाकुर जी की सेवा करो। इसलिए देखना जितने हमारे बड़े बड़े माता पिता क्या करती थी, सवेरे उठ करके ठाकुर को सेवा करती थी, ठाकुर को आरती उतारती थी, ठाकुर को भोग लगाते थे ना, देखना तुम्हारी मैया की मैया तो। क्योंकि पहले का लोग ना कोई नमक हराम नहीं थे, है ना, ये सबके सब ठाकुर को भक्ति पूजा करते थे। लेकिन जितने लिखाई पढ़ाई, जितने विदेश के हवा आकर लड़ने लग जाता है ना, वो बच्चे क्या सोच रहे, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई कर दिया तो सोचते हमने क्या नहीं बन गए, हमने क्या नहीं बन गई। ठाकुर की भक्ति भक्ति को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए क्या करो, ठाकुर को कितना परसेंट देना है? बोलो कितना देना? 10% देना, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? नमक हराम हो जाएंगे। इसलिए भैया देखो अभी कोरोना आया था ना, कितने लोग मले, टीवी देखे होंगे, केवल ऑक्सीजन के लिए हॉस्पिटल में 10, मेरा कोई परिचित व्यक्ति था, 10 हॉस्पिटल उसने घूम गया केवल ऑक्सीजन, लास्ट दम तोड़ दिया उसने। लेकिन जन्म से अभी तक इसने ये नाक को पास में तुम्हारी ऑक्सीजन रख दिया, अभी उसने एक पैसा तुमसे मांगी है? मांगी है आपसे। कोई हमारे परिचित था, उन्होंने 40 लाख रुपया खर्चा किया ये बच जाए, तभी बच नहीं पाए, उसने प्राण उनमें दम तोड़ दिया। जैसे ये लाइट जलती है, ध्यान चलती है, उसका बिल पे करते कि नहीं करते हैं? करते हो घर में? अगर 2-3 महीना पे नहीं करते तो क्या होगा? लेकिन दिन में जो इतना बड़ा लाइट दे रहा है जिसमें की हवा है, आप उसके लिए क्या पे कर रहे हो? क्या पे कर रहे हो? इसलिए क्या करनी चाहिए उसके लिए? कितना परसेंट है तो उसके लिए 10% उसको दिया करो। मतलब कम से कम 2.5 घंटा बैठी करके हरिनाम करो, भगवान की भक्ति करो। इसलिए क्या करनी चाहिए? पहला नंबर है ठाकुर जी, हर घर घर में ठाकुर जी जरूर होनी चाहिए। जिसने कृपा करके हम सब कुछ दिया, घर में उनकी पूजा सेवा हमारी होनी चाहिए। और ये एक दूसरी चीज क्या है,
ठाकुर जी के नाम को हमें जप करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? ठाकुर जी की। इसलिए कल चार गोहों की कथा सुन रहे थे ना, चार गोहों की कथा सुन रहे थे ना, साथ में कौन गई? साथ में ये शरीर यहीं पर छूट गई, पैसा दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो गया, पत्नी दरवाजा तक गई, परिवार कहाँ तक गए? शमशान तक। पर जो चौथी बहू थी, जिसको ऊपर में कोई नजर नहीं देता था, जिसको ऊपर ध्यान नहीं देता, जब अंतिम समय आया, कौन सा बहू साथ में गई? चौथी। चौथी गई ना, वो चौथी क्या है? भगवान के नाम, भगवान की भक्ति। इसलिए अंतिम समय में बोले कि राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोले गत्य है, सब विवाद झूठा है। इसलिए बोले भैया जो जीवन में पा करके हरि का नाम नहीं लेते ना, छोटे बच्चे देखना जो लोग करते हैं वही करता है, तो देखना राम नाम सत्य करते करते ले जाए। एक छोटा बच्चा ने सुन लिया, सुन करके घर में आकर बोलना शुरू कर दिया राम नाम सत्य है गोपाल। पिताजी इस बात को नहीं बोलते, ये बात को नहीं बोलते हैं। बोले गुरु पिताजी देखा वो सब वहाँ पर सबके सब बोल रहे थे, हमने देखा एक व्यक्ति मरा हुआ था, कंधे पर ले जा रहे थे, वो सबके सब बोले थे राम नाम सत्य है गोपाल, सबके सब बोल रहे थे। लेकिन मैंने पिताजी देखा एक व्यक्ति नहीं बोल रहा था। बोले कौन? बोले ऊपर जो लेटा हुआ था ना वही नहीं बोल रहा था। बोले वो मरा हुआ था ना यही, इसलिए नहीं बोल रहा था। बोले पिताजी इसका मतलब जो मरा हुआ व्यक्ति वही राम नाम नहीं करता। बोले हाँ, इसलिए भागवत भागवत कहते जीवन सबो जिंदा होते हुए भी वो मरा है, कोई इंसान नहीं। क्या है? जो भगवान की नाम नहीं लेता, भगवान की भजन नहीं करता है, वो जिंदा रहते हुए भी व्यक्ति मरा हुआ। जिंदा का कोई महत्व नहीं, आया और संसार से गया है, हैं? इसलिए क्या करनी चाहिए हमें? भगवान की नाम की माला जरूर होनी चाहिए। देखो आप लोग सात दिन तक कथा सुने ना, असली कथा कौन सुनेगी? ये कथा सुन करके जिनकी प्रभुता नाम में रुचि होगी, समझना आपकी पूरी कथा की फल आपको मिला है। लेकिन जो दूसरे दूसरे सुने लेकिन नाम नहीं किया ना, मिलेगा लेकिन समझो आपको पूरा फल भागवत ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भागवत बताया है जब उसको अपना हो तब तो फल मिलेगा ना। इसलिए क्या करना? कल कर सो आज करो, आज कर सो अब फल में प्रलय होगी बहुरी। इसलिए क्या करो? भगवान की भजन जितना जल्दी हो ठाकुर जी की भजन छोड़ कर देना। जैसे मैंने कहा कल बताया था जिसको हरि नाम करना आ जाना, आज कुछ कुछ भक्त लोग आए थे इनके घर, प्रभु जी घर में आए थे, लेकिन आज तो लास्ट है, फिर उसके बाद में पता नहीं कब कथा होगी, कब आएंगी, ये तो 4 साल बाद में कथा हुई है। इसलिए अगर जिसकी इच्छा होगी हम भी माला जप करेंगे, हम भी प्रभु का नाम जप करें, कथा के बाद में आपके एक दिन माला दूंगा। आप बता दो कौन कौन माला करेगा? हाथ उठा, सही सही बता कौन कौन माला करेगा? करोगे? तुम लोग तो करते हो ना, ये बच्चे लोग तो तुम करते हो। इसलिए अभी जब कथा के अभी समाप्त होगा ना, जो माला करना चाहते मेरे पास में आना, आपको एक एक में माला दे दूंगा। इसको लेकर के आप भी करो, परिवार को कराओ, आप खूब देख लेना। ठाकुर का जब नाम जब करोगे ना, जो कष्ट को आप स्वयं दूर नहीं कर सकते हो, जो परेशानी को आप स्वयं दूर नहीं कर सकते हो, आप देखना वो सारी परेशानी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। कल जिस बच्चे को हमने खड़ा किया था ना, चार गोहों की कथा सुनाया, वो बच्चे को पूछ लेना उस बच्चे का जीवन में किया था, वो लास्ट में सुइसाइड करने जा रहा था। वो बच्चा अच्छा लिखा पढ़ा है, सुइसाइड करने जा रहा था, लेकिन जब से हमारे भक्तों के साथ में मिला ना, उसका जीवन बदल गया। अब इतने पैसा कमा रहा है, जितने ऋणी था सारे ऋणी को चुका रहे हैं, कहते मैं भक्ति में आ गया तो मेरा जीवन ही बदल गया, मैं तो मरने वाला नहीं था। इसलिए इतने महिमा ठाकुर जी की नाम जप करने का, इसलिए अब सबके सब एक एक माला लेकर के जाना और हरि नाम करना, ठीक है ना? माला जरूर लेकर के जाना। और ये जब भी तुम एक काम करना, जो लोग माला लेंगे ना उनका नाम लिखवा देना और उनको फोन नंबर रख लेना। जैसे कभी कभी हम यहाँ जब आएंगे इनके घर में, फिर आपको सूचित कर देंगे आज हम आ रहे हैं, जरूर आप लोग आना। क्योंकि जैसे अभी सत्संग सुने, अभी पूरा भक्ति की भावना आ गई, लेकिन जब हम धीरे धीरे चले जाएंगे ना, धीरे 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 क्या होगा, भक्ति धीरे 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 नीचे उतरना शुरू कर जाएगा। क्यों? कहते बिनु सत्संग विवेक ना हो, हैं? सत्संग से ही ज्ञान हमारे हृदय में, सत्संग से ही उदय होता है। इसलिए अपना नाम और फोन नंबर दे करके जाना, और जैसे बीच बीच में हम कोशिश करेंगे इनके घर में जब कोई सत्संग करे आप बीच बीच में आते रहना। क्यों? सत्संग करेगा तो जैसे गमला में कोई पेड़ लगाया, तब तक वो पेड़ बचा रहेगा जब तक पानी दोगे, पानी नहीं दोगे तो क्या होगा, वो मर जाएगी।
पानी नहीं दोगे तो वो मर जाएगी है। इसलिए पानी देना मतलब सत्संग करते रहना, भक्तों का संग करते रहना, उसमें पानी देना होता है, ठीक है ना। इसलिए एक एक माला लेकर जाना, और देखो गले में ना, इधर देखो गले में ये तुलसी कंठी जरूर पहननी चाहिए, क्योंकि जो तुलसी है, ध्यान देकर सुनो, ये जो तुलसी है लक्ष्मी है। तुलसी कौन है? आप लोग तो हिंदू हैं, देखे ना, तुलसी को साथ में सालग्राम की शादी होती है, क्यों? सालग्राम नारायण और तुलसी लक्ष्मी है। गले में कंठी मतलब लक्ष्मी का निवास हो गया। देखो ये बच्चा कल कथा सुना रहा था ना, इसकी यही जीवन है, इसका जीवन इतने बदल गया, इतने भक्ति करता है, वो सोच रहा था मैं तो जीवन खत्म हो गया, मैं अब जीवन में जिंदा नहीं रहूँगा, लेकिन जब भक्ति में आई संपूर्ण जीवन तुम्हारी, क्या बोला, मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आए। आप सब लोग भी भक्ति में जुड़िए, आप विश्वास नहीं कर सकते जितने परिवर्तन आप सोच रहे हो उससे 4 गुना आएंगे, 10 गुना आएंगे। इसलिए ब्रह्म का भक्ति में ही जीवन मिलता है। इसलिए गले में ये तुलसी में भगवान का निवास है। जब ठाकुर जी ये दुनिया छोड़ कर गए, अपने आप तुलसी में ही रख कर गए। हम बोलते ना वृंदावन चलो, बोले क्यों? बोले बांके बिहारी। बोले वृंदावन में क्यों बांके बिहारी? वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन जहाँ तुलसी का वन वहीं पर ठाकुर जी। गले में तुलसी कंठी मतलब क्या हो गया? लक्ष्मी नारायण तुम्हारे गले में ठाकुर जी आ गए हैं। इसलिए अभी कोरोना आया था ना, कोरोना, कल वो प्रभु जी बता रहे थे ना, जो कोरोना का जो मेडिसिन अगर आप लोग कुछ सर्च करके देखोगे, उसमें 90% ये तुलसी था, 10% दूसरे चीज थी। ये जो कोरोना, जो रामदेव का जो कोरोना निकला था, कोरोना का जो मेडिसिन कहते 90% तुलसी, इसमें 10% और दवा। फिर दो जो तुलसी बता जो खाएगा ना, तभी जिंदगी में तुम्हें कैंसर और कभी टीबी नहीं होगा, इतने शक्ति ये तुलसी में। तुलसी पावर तुम ढूंढना, मेडिसिन शॉप में देखोगे कहते 200 बीमारी का प्रतिषेध का मेडिसिन तुलसी बिके। जैसे गले में तुलसी कंठी धारण किया, स्नान करोगे इसका पानी सारा शरीर में जाएगी, बहुत सारी बीमारी अपने आप निकल जाएगा। इसलिए जब महाराज कहते हैं, देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं मेरे पास में मत लाना, बोले पता कैसे चलेगा कौन करता नहीं करता? उन्होंने एक अच्छा उदाहरण बताया, बोले दो तरह के कुत्ते हैं। कितने तरह के कुत्ते हैं? दो तरह के, कहते हैं एक पालतू और एक फालतू। बोले पालतू कुत्ते कैसे पता चलता है? उनको गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता किसी घर की कुत्ते हैं। और जो फालतू कुत्ते बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, आप देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू कोई छोड़ता नहीं। अगर रोड में ज्यादा कुत्ते हो जाए ना, सरकार के पास में खबर जाता, ज्यादा कुत्ते हो गए वहां से खबर आता है, और गोली मार करके ले जाते चिड़ियाखाने में, शेर बाघ को दे देते हैं, लेकिन कौन से कुत्ते को ले जाएंगे? फालतू कुत्ते को। इसलिए जब स्वयं कहते हैं जिनकी गले में तुलसी कंठी, देख लेना समझना ये बांके बिहारी का पालतू, उनको प्रणाम करना, ये जम स्वयं कहते हैं। इसलिए जिनकी गले में तुलसी कंठी वो ठाकुर के पालतू, ठीक है ना। गले में जरूर तुलसी कंठी जरूर धारण करो, जैसे ठाकुर को जो कुछ भोग लगाओ, देखना 56 भोग 36 व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नहीं मानी। उसी तरह जो शरीर है ये टाटी पेशाब का थली है, लेकिन जब गले में तुलसी कंठी पहन लिया ना, ये ठाकुर बांके बिहारी का हो गया, ठाकुर ग्रहण कर लेते हैं ये शरीर को। जैसे कोई बोली बोलोगे पवित्र बनकर निकलेगा, कोई चीज खाओगे पवित्र हो करके अंदर में जाएगा। इसलिए गले में कंठी पहनने का बड़ा महत्व है, बड़ी महत्व कंठी पहनने का। इसलिए जरूर गले में तुलसी माला धारण करियो। लेकिन मैं तो बोला आओ, लेकिन आप लोगों को आई नहीं तुलसी माला। लाए हो कोई यहाँ पर तुलसी माला? लाए क्या? नहीं लाए यहाँ पर तुलसी माला? वैसे माला लाए ना, जग माला लाए, लाए कि नहीं? इसलिए ठीक है, अब तुलसी माला नहीं लाए गले में, जिसकी इच्छा होगी मेरे पास में सबरी का लाओगे तो हम कंठी देंगे, लेकिन उनको देंगे जो प्याज रस में छोड़ा हुआ होगा। हाँ, जो प्याज रस छोड़ेगा उसको ही तुलसी कंठी मिलेगी। इसलिए आप तुलसी कंठी पहनना, भगवान के नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, और एकादशी व्रत जरूर रखना, ठीक है ना। एकादशी व्रत को माधव तिथि कहते हैं। ये जो एकादशी व्रत है ये कल्पतरु व्रत है। एकादशी व्रत करके ठाकुर को जो मांगोगे ठाकुर जी वही दे देते हैं, क्योंकि एक एकादशी का नाम पुत्र था। मतलब जिनके घर में पुत्र नहीं वो एकादशी कर तो घर में बेटा जन्म लेता है। एक एकादशी का नाम इंदिरा मतलब लक्ष्मी,
अगर वो एकादशी करोगे तो घर में लक्ष्मी आती है। एक एकादशी का नाम विजया, जिसको करो तो सब जगह में तुम्हारी विजय होगा। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, जिसको करने से संसार से मुक्ति मिलेगी। और एक एकादशी का नाम पाप मोचन, मतलब जिसको करने से जीवन का सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगा। आप लोगों को देखना, जैसे कोई अंतिम सज्जा में लेटा हुआ, बड़ी कष्ट पा रही साल साल से, लेकिन वो प्राण नहीं छूट रहा है, कष्ट पा रहे हैं। अगर किसी पंडित को ब्राह्मण को बुलाओगे, इनकी सदगति कैसे होगा, आप देखना क्या बोलेंगे। मतलब कोई एकादशी करके इसका फल दे सकते हैं, यही बोलेगा। और कोई बारह व्रत का नाम नहीं बता रहे। देखो मैं अपनी अनुभव बताता हूँ, मैं विदेश से प्रचार करने के लिए गया था, यूरोप गया था। एक व्यक्ति 2 साल से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, शरीर में केवल हड्डी हड्डी रह गया था और कुछ नहीं, शरीर जैसे बिस्तर में लगा हुआ, लेकिन प्राण नहीं जा रहा था। इतने पैसा जा रहा था, जब मैंने यूरोप में मेरे को लेकर, उनको पता चला इंडिया से कोई संता आए, मेरे को लेकर वहाँ पर गए, बोले बाबा इनके 2 साल से पड़े हुए, इनके प्राण नहीं जा रहे, बड़े कष्ट उठा रहे, आप इनको उपाय बोलो। मैंने कहा एक काम करना, आप लोग सबके सब एकादशी व्रत करना परिवार वाले, और इनका एकादशी का फल देखना। बोले और 10 दिन बाकी, एक दिन बड़ी कष्ट से बीत रहा है। बोले एक काम करो, सबका हाथ मैंने खोल दिया, पानी दिया, बोले संकल्प करो हम सबके सब एकादशी व्रत करके इनको फल देंगे। मैंने संकल्प करके जब मैंने वापस आया, घर में पहुंचा ना, उनको फोन आ गया, पिताजी की सदगति हो गई, हो गई पिताजी, मतलब अभी एकादशी किए ही नहीं, केवल संकल्प क्या करने के लिए, उसी से ही उनको मुक्ति होगी। इतने महिमा एकादशी की, इसलिए भागवत में कोई सोम मंगल कोई व्रत नहीं आता है, एकादशी कथा आती है, 15 दिन में एक बार ये एकादशी व्रत आती है, ठीक है ना। अब जरूर एकादशी व्रत रखियो। पहले मैंने बताया था, अगर एक बार खा सकता अच्छी बात है, 2 बार में खा सकते कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी 3-4 बार में खा सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकादशी का दिन अर्न भजन नहीं करनी चाहिए। अर्न में गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, सारे पाप रहते, जरूर एकादशी व्रत करना, ठीक है। देखो ये जो कथा है 7 दिन तक हुई है, जेपी प्रभु इधर आ जाओ, जेपी जी इधर आ जाओ। देखो ये कथा हमारी श्री माता जी नाम में, खड़े हो जाओ। क्या नाम माता जी की? पूनम दीदी। कहती ये पूनम दीदी ने अपना पूर्वजों को आत्मा को शांति मिले, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ माता जी। माता जी ने अपना पूर्वजों को आत्मा शांति के लिए उन्होंने ये भागवत कथा रखे, और इन्होंने जितना दूर प्रयास हो सके ये हाल घर को लिया, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई थी, ये हाल घर उतरा खड़े हो पता जी, इसलिए थोड़ी बड़ी होता तो और अच्छा रहता, लोग आसानी से बैठ सकते थे, लेकिन माता जी को पता नहीं था अब इतने भक्त लोग आओगे। इसलिए जो लोग कथा सुनने के लिए आए ना, क्योंकि करोड़ों जन्मों का पुण्य से कोई कथा सुनते हैं, आप लोगों ने घर में एसी होता होगा, बड़े अच्छे तरह से बैठ सकते थे, लेकिन घर का सारे सुख सुविधा छोड़ करके हम लोग 3-3, 4-4 घंटा बैठे हैं। इसलिए भागवत कहता है जो केवल कथा सुनने की अनुमोदन कर देता है, कथा में नहीं आई कथा सुनने की इच्छा रखते हैं, उसकी सारे पाप नष्ट हो करके वो ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त करते हैं। लेकिन आप लोगों ने इतने कष्ट करके कथा में आए हो, कथा सुने हो, इसलिए आप लोगों के लिए जोरदार ताली बजा दो। इसलिए माता जी ने हर तरह से कोशिश किया है, ये सोच रहे थे ज्यादा से ज्यादा कोई 100 लोग आ सकते हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन फिर देखा लोग बैठते जा रहे हैं, फिर लास्ट में देखते 300 लोग प्लेट, यहाँ 300, 250, 300। फिर माता जी बोले कोई चिंता नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा प्रसाद बनाएंगे, जितने लोग आए अच्छे तरह से प्रसाद बना कर जाए। इसलिए माता जी तन मन और धन से हर तरह से माता जी ने कोशिश की भागवत कथा हो, और इन्होंने इसलिए की, इनका जो पूर्वज लोग थे श्री मदन लाल सेठ हैं और इंदिरा सेठ और राजेश सेठ हैं, कहते इनकी आत्मा के कल्याण के लिए कथा कराए, इसलिए आप लोग जो कथा सुने हो हैं, जो भगवान की कथा सुने, इसलिए आप लोग सबके सब आशीर्वाद दो, बात जो कथा सुने उसका थोड़ी थोड़ी फल भी दो, जैसे इनको भगवत प्राप्ति हो, इनका सारे पाप जो इनसे मुक्ति मिले, और इनको भी भगवत प्राप्ति हो, जीवन में आत्मा को शांति सुख मिले, शांति सुख मिले, इसी उद्देश्य के लिए आप लोग थोड़ी थोड़ी अपना भक्ति पुण्य भी देना, क्योंकि कथा सुनते सुनते आपको ऐसी बहुत भक्ति हो गया, भंडार भर गया है, लेकिन भगवान की भक्ति जितना दोगे इतना नहीं होता, बढ़ता है,
इसलिए आप लोग जरूर देना, इसलिए इनके पूर्वजों के लिए भी जोरदार आप लोगों ने ताली हो जाए। और इनकी जो पूर्वज इनका जो परिवार जो उनका और भी दो तीन बहनी है, उनका पति लोग भी, उनका बच्चे लोग भी यहाँ पर हमने यहाँ पर आए, हर तरह से इनको मदद किया है। और इनका जो बेटा है, इनका बेटा कहाँ गया है? ये रहा, खड़े हो जा। इसलिए इनका जो बेटा है ये भी हर तरह से इसने हर तरह से ये सेवा किया है बड़े कष्ट करके। आप ये बच्चे को आप आशीर्वाद दो, ये बच्चे को अच्छी नौकरी मिले। वो भजन करने जो भजन करता है, गले में कंठी पहनता है, तिलक लगाता है, भगवान की भक्ति करता है, ठाकुर जी को आशीर्वाद दो। तो माइक लो, तुम बोलो। इसलिए हाँ, अब फ्रॉम स्कूल बोलो, बोलो गुरुदेव कह रहे थे अभी हमारे चिंटू को अच्छी भक्ति मिले, अच्छी नौकरी मिले, और हम चाहते हैं इसे अच्छी झोपड़ी भी मिले। ये दोनों माँ बेटा अकेले हैं, माता जी बहुत परिश्रम करती हैं, खाने पीने की बड़ी दिक्कत रहती है। हम भी यही चाहते हैं कि अगली बार अकेला नहीं, दोनों जने आए। आइए इनका दो बहन है, इन लोगों ने एक यशोदा भैया और एक कीर्तिका। तुम्हारे वो कहाँ गए फिर सुभान? वो नंद बाबा विश्वान महाराज कहाँ गए? तुम्हारी हृदय महाराज जी का फोन आया कि 16 तारीख से हम ये भागवत करेंगे, तो इतने शॉर्ट पीरियड में मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारी कर पाएंगे। लेकिन मेरे साथी जो गण है, जैसे वन्नु प्रभु, अमित, अभिषेक, अंकित और सबसे ज्यादा चिंटू, दिमाग तो बहुत खाया इसने मेरा, काम किया ये तो मान लो, इनकी बदौलत ही मैं सारे काम कर पाया, इनका मैं बड़ा आभारी हूँ। और पूनम दीदी जी का भी मैं बड़ा आभारी हूँ, जिन्होंने मैं हरी कथा का दान दिया, जो जिनको बताया गया था करोड़ों विद्यालय बना ले, करोड़ों अन्न क्षेत्र खोल ले, तो गुरुदेव क्या कहते हैं उसका भी इतना लाभ नहीं। अगर कोई व्यक्ति एक जीव को भगवान की तरफ मोड़ देता है तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। कौन कहता है जानते हो? हमारे जो गुरु जी के जो गुरु जी जो इस्कॉन का नाम सुने ना, उनका जो गुरु जी थे प्रभुपाद का जो गुरुदेव है, वो कहते हैं क्योंकि किसको हॉस्पिटल खोल दो क्या होगा, थोड़ी समय के लिए बीमारी हो जाएगा लेकिन मन का थोड़ी दुख जाएगा। कपड़ा दे दो दो फट जाएगी, खाना दो चार बात में फिर भूख लगने लग जाएगी। लेकिन जब प्रभु की भक्ति में कोई लग जाते हैं ना, कृष्ण खुद कहते हैं हे अर्जुन तो मेरे चरण में आ जाते हैं, जहाँ जाने से जन्म मृत्यु दुख कष्ट के लिए चिरकाल के लिए मुक्ति मिल जाती है। ये भागवत कथा से कितने लोगों ने फायदा मंद होंगे, कितने मन परिवर्तन हुआ प्रभु की भक्ति से। वो कहते हैं जगत में सबसे बड़े दान है भागवत कथा जो दान देते हैं, इसलिए माता जी ने वो दान सबको दिया है। इनके सबके से बड़े आभारी हम लोग ने पूनम दीदी की प्रेम लता दीदी दिया है। कथा में हमारे जो खड़े जेपी प्रभु जो खड़े हैं, क्या गुरु जी नाम है आपका? जय नंदा दास। इन्होंने अक्सर करके जो कथा है यही करवाते हैं। और इनका जो वहाँ पर जो भैया रोशन चौहान जी और भैया भैया रविंदर चौहान, इन लोगों ने हर साल प्रेम लता जी, इसलिए इन लोगों ने हर साल कथा कराते थे। लेकिन ये जो कोरोना आ गया ना, अरे इसमें सब गड़बड़ी हो गया, लेकिन यही कथा कराना चाह रहे थे। लेकिन हमारी माता जी ये आ गया, अरे नहीं हम चाहते हमारी पूर्वजों के लिए कथा करें। उन्होंने हमारे जेपी को बढ़ चढ़ कर के उन्होंने मदद किया है, अक्सर करके सारी व्यवस्था अकेले माता जी क्या देखें। इन्होंने अपना टीम को लेकर के इसे प्रभु साल बड़ी कष्ट किया, इन्होंने दिन रात मेहनत किया, साफ करना कहाँ पर क्या होगा नहीं होगा सब हर तरह से इन्होंने प्रभु जी मदद किया। और यहाँ उन्होंने अपना घर में हमें स्थान किया रहने के लिए। जो चौहान भैया, चौहान भैया इनका जो रूल था ना,
रसन रसन प्रभु जी, इनके जो रूम पहले था उन्होंने और बड़े घर में लिया, इनके घर में रह रहे हैं, इनकी पत्नी है और तुम्हारी पत्नी ना है सजाने के लिए, इसलिए मैंने कहा हमको दिन रात बच्चे जैसे भोजन करना प्रसाद करना और घर घर में इन्होंने बड़ी इन लोगों ने हर तरह से मदद किया, इसलिए इन परिवार के लिए भी अपने प्रार्थना लिया ठाकुर जी उनको ये चार पांच भाई है, लेकिन आश्चर्य चार पांच भाई का भक्त है ही है, उनकी पत्नियां सब भक्त से बैठी यहाँ पे और केवल पत्नियां नहीं, इनका जो बच्चे हैं ना सब देखो सब ऊपर बैठे, इनके सब बच्चे के सारे पूरा इनके परिवार भक्त परिवार, पांच भाई के बहू उनके बच्चे नाती पोती सब के सब गले में कंठी तिलक माला करते सब हरिनाम करते परिवार, ये सब गुरुदेव की कृपा है जितना ये हमें सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि हम भी ऐसे ही थे जब से हम गुरुदेव की छत्र छाया में आए हैं, उन्होंने हमें बताया कि जीवन है क्या चीज, हम जी किस लिए है, सिर्फ खाना पीना सोना, ये तो जो काम हम बड़ी मुश्किल से करते हैं खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, ये एक जानवर बड़े आसानी से वो काम कर लेता है, लेकिन अगर वो जानवर चाहे कि मैं आज ठाकुर जी के जाकर दर्शन कर लूं मंदिर में क्या आ सकता है वो नहीं, क्यों, भगवान ने हमें जो शरीर दिया ये चमड़ी क्या है हमारा आई कार्ड, अगर आज ये कोड़ी एक भिखारी लंगड़ा लूला आए कि भगवान के दर्शन कर कोई इसे रोकेगा, लेकिन एक सुअर आए कुत्ता आए कि मैं अकेले आप चलो भगवान के दर्शन कर लूं नहीं कर पाएंगे हम, तो ये हमारा शरीर बहुत मूल्य शरीर है अगर हम इसे समझ सके तो, जन्म जन्म करोड़ों जन्म से हम यही भुगतते आ रहे हैं खाना पीना सोना, तभी हमारा हमारा भक्ति की तरफ मन क्यों नहीं लगता है, क्योंकि हम करोड़ों जन्म से क्या कर रहे हैं खा रहे पी रहे सो रहे यही काम कर रहे हैं, तो उसका हमें अभ्यास हो गया है, उसका हमें अभ्यास हो गया भक्ति, तो हम गुरुदेव की शरण में अब आगे से पड़ा है हरि नाम में हमारा माला करते हैं मन इधर क्यों भाग जाता है, क्यों हमारा अभ्यास ही कई जन्मों से यही है, हमने भजन करा ही नहीं है, जब हमने भजन करा ही नहीं है तो हमें आदत ही नहीं है, माला तो करते हैं हरे कृष्णा कृष्णा लेकिन ध्यान कहीं और ही रहता है, क्यों अभी ध्यान नहीं है, अरे लेकिन क्या होगा, गीता में कह रहे हैं ना अर्जुन कि प्रभु उनका क्या होगा जिन्होंने ये भजन करना स्टार्ट किया और अब वो ना तो वो सिद्धि पार पाए और उसने अपने भोग भी छोड़ दिए और वो ना ही वो भगवान को प्राप्त कर रहे, अब क्या होगा उसका, तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम चिंता मत करो उस जीव का मैं देखूंगा, पुनः जन्म से जहाँ से उसने भक्ति छोड़ी है उसका मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, जीव की चिंता मत करना भाई, अगर भजन करा है तो तभी गुरुदेव मिले हमें, हमारा गुरुदेव का ये मत सोचना कि किसी जन्म से हमारा संबंध है, हमारा संबंध है पुनर्जन्म है, तो कहते किसने देखा साफिया मन करो क्या देखा किसने देखा, जब एक माँ के पेट में दो बच्चे होते हैं एक लंगड़ा और एक फुसफुस, क्या माँ ने कोई पार्शलिटी करी कि इसके पेट में जाए खाना इसके पेट में ना जाए, तो वो लंगड़ा क्यों हुआ, अभी तो धरती पर आकर उसने कोई पाप ही नहीं किया, ये हमारे पुण्य जन्म जन्म के दोष हैं, ये मानो ना मानो भजन करो ये मत सोचो कि अब नहीं हो गया, भगवान कहते हैं ना भगवान को कौन सा फूल एकदम ताजा फूल मांगते हैं, लेकिन जब हम ताजा फूल जब होते हैं भगवान को बड़ा प्रिय लगता है, और लेकिन जब हम मुरझाते हैं सारी दुनियादारी से जब हमें ठोकर पड़ती है फिर हमें भगवान की याद आती है, जब हम जब तक हमारे घुटनों में दम होता है हाथों में दम हो जाता है अरे देख लेंगे हम कर लेंगे, लेकिन जब हमारे घुटनों में दम खत्म हो जाता है तो फिर भगवान आते हैं, लेकिन भगवान फिर भी कृपा हमारी करुणामयी है स्वीकार करते हैं हमें, तो सात दिन तक हमारी यही है कि हमें हरि नाम करना चाहिए, हरि नाम ही सबसे बड़ा वो चीज है, वही हमें अरे कुछ नहीं हो तो अब क्या हुआ स्कूल में एडमिशन तो ले लो, स्कूल में एडमिशन तो ले लो नहीं होगा पूरा भजन, ठाकुर जी कह रहे ना अगर तुमने जहाँ भजन छोड़ा मैं अगले जन्म में वहीं से तुम्हें स्टार्ट करूंगा, ये जो बच्चे भजन कर रहे हैं ये ऐसे नहीं कर रहे हैं, मानो मानो कई जन्म आगे हैं ये हमसे, कई जन्म हमसे आगे हैं लेकिन हम फंसे हुए बस इसी चक्कर में, करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल खुलवा लो भोजनालय खुलवा लो किसी को अन्न दान ला दो प्याऊ ला दो, लेकिन अगर एक जीव को भजन में लगा दिया आपने तो समझ लो तुमने लाखों लाखों गुरुदेव कहते हैं उस जीव को भगवान पर, क्यों एक बेटा जो अपने माँ बाप को भूला हुआ है अगर हम उसको उससे मिला दें तो कितना खुश होते हैं वो कितना खुश होते हैं, तो इसी प्रकार जब हम भगवान को भूले हुए हैं हम अपने अहंकार में भूल रहे हैं, भोजन कराते हैं भंडारे लगाते हैं अरे एक जीव को तुमने भंडारा खिलाया उसके अन्न उसने खाया शरीर में ताकत किसने दी तुमने, और जाके बाहर किसी को उसने पीट दिया
कुकर्म कर दिया, उसके भागीदारी कौन हो गए? तुम हो गए। इसलिए दान भी हमें सोच समझ के देना है। अगर वही दान अगर कोई भक्त को खिलाएंगे हम अन्न को खिलाएंगे वो क्या करेगा? भजन करेगा, उसका पुण्य फल तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन हमने हॉस्पिटल में खिलाया, उसको हमने सही कराया, अब किसी ने मार किसी को मारा हॉस्पिटल में, उसने उसका इलाज करा दिया। हाँ भाई हमने इलाज करा दिया, लेकिन उसने मन में कठा कर जिस दिन ठीक हो जाऊंगा ना, जिसने मारा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। और जिस दिन वो ठीक होता वो गया, वो नीचे मारा ठाए ठाए ठाए। अब वो कहता भाई ताकत किसने दी? हम तो सोचे पुण्य का मारे मरा हुआ व्यक्ति को हमने हॉस्पिटल डाल दिया, लेकिन उसका भागीदार भी हम ही होंगे। तो इसलिए हमें भजन करना है और सोच समझ के हमें दान देना है, नहीं तो कर्म में फंस जाओगे। हजारों लोगों को खिलाओगे और वो भजन नहीं करेंगे, क्या होगा? वो उसका तुम्हारे अन्न का खाया हुआ खा के उसका दुरुपयोग करेंगे और तुम फिर दोबारा उस चक्कर में फंस जाओगे। तो हमें सोच समझ के काम करना है। वांछा कर तो चक्रपात सिंधु है विचार करके इसी कथा में हमारे जो यहाँ से धन्य जय करो इतने सुंदर क्यासी हो गए सबको मैंने उसका अमृत को सब नाच हो गया श्यामानंद प्रभु जो बड़े सुंदर कथा सुनाए और हमारे श्री मधुकांत प्रभु जी बड़े सुंदर बेटी आप सब इनको बड़े कृपा करो, आशीर्वाद करो, इनकी भक्ति बढ़ते रहे और भगवान की भजन करे और सुख में रहे। ठीक है, अभी हमारे कृष्ण रुक्मिणी को बुला लो। और हम अपने गुरुदेव के बड़े आभारी हैं जो बहुत हमें दिया। हमारे जो सांड वाला प्रभु जी ये बैठे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे सांड लगाए। ये कहीं भी कथा होते ना यही हमारे साथ सुनाते हैं, लेकिन ये काम माइक में ना पूरा घर को हम देखा बड़ी बड़ी जगह में बहुत सारे बक्स होता है लेकिन उसको ठीक रूप में भेजा नहीं पाता। लेकिन तीन बक्स में पूरा घर को उन्होंने जो उनके आइडिया है थोड़ी चीज में बहुत बड़ा काम करते थे। हम इनके लिए जोरदार कृष्ण रुक्मिणी भैया कृष्ण रुक्मिणी को ले आओ। कहते जो कृष्ण रुक्मिणी है ये रुक्मिणी ये विदर्भ देश के ये भीष्मा के पांच बेटे में थी एक बेटी थी। ये माँ लक्ष्मी स्वयं नारद जी इनको बचपन में कृष्ण की कथा करते थे और कृष्ण कथा सुनते 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 उनका रोम रोम में भगवान कृष्ण बैठ गए इनको रोम रोम में। उसने प्रतिज्ञा की शादी करेंगे तो द्वारका दिश से शादी करेंगे। इन्होंने कृष्ण को बात उन्होंने लेकिन उनका बड़े भाई इन्होंने शिशुपाल को साथ में तय किया। तब उन्होंने कृष्ण को पास में पत्र लिखे प्रभु जब तक आपको मैं प्राप्त नहीं करूंगी तब तक शरीर छोड़ते रहूंगी लेकिन ये सियाल को मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। सचमुच से भगवान आए और रुक्मिणी को उन्होंने बीच से लेकर ठाकुर जी उनको उधार करके ले गए। बोले श्री रुक्मिणी रामायण भगवान की आप लोग ना बैठे बैठ करके अभी कृष्ण रुक्मिणी आ रहे हैं आप बैठे बैठ करके दर्शन करना उनकी आपस दो दो माला ले
सत्संग में मेरे बात चलाए, सत्संग में मेरे बात चलाए, सतगुरु ने मेरी की सताए, सतगुरु ने मेरी की सताए, सतगुरु को बुला के फिर पुकारा, सतगुरु को बुला के फिर पुकारा, तुझे काम सुंदर उपस्थित हमारे
हमारे गुरुजन और उनके चरणों में बैठे हुए यहाँ पे सभी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी इस भक्ति रस में इतनी श्रद्धा के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दे आप। अभी आज इस भागवत कथा का विश्राम होएगा और आप सभी बहुत उल्लास के साथ बैठे हैं और मैं और आशा करता हूँ
इन लोग ने जो हमारे कुंडम दीदी में बहुत सीमा दीदी कहाँ हैं, रेशमा दीदी कहाँ हैं, और कालिन दीदी कहाँ हैं, कालिन दीदी कहाँ हैं, इधर आ जाओ। ये दोनों ने बड़ी मदद की और हमारे जो प्रचार में ना ये गांव गांव में जा जाकर ये गुजर समाज को बहुत भक्ति में और ये दोनों ने हमारी दीदी को कैसे कथा कहाँ कथा किस रूप में होगा ये दोनों ने बहुत तरह से हमें भी मदद करते हैं हर समय प्रचार में मेरे को इसलिए ठाकुर जी और ठाकुर जी इधर आ जाओ, कालिन जी इधर आ जाओ, शिवा जी इधर आ जाओ, ये बड़े सुंदर सुंदर कथा भी सुनाते हैं दूसरों को। ठाकुर जी दोनों आ जाए, दोनों आ जाएगा। आप लोग मेरे को भी आशीर्वाद देना सुनिए सर। अभी निकले जोरदार ताली बजा। बोलिए ना, बोलिए बोलिए। बार बार